आज जो सभा आयोजित हुई है इसमें मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो विषय हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है कि कारगिल में जो कुछ हुआ हमारे देश के साथ और पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया हमारे देश के साथ। इस प्रश्न के थोड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात मैं आपसे करूंगा, वर्तमान में क्या हुआ उसकी पहले बात करूंगा और इतिहास में जो कुछ हो चुका उसकी भी बात आपसे करूंगा, भविष्य क्या है इस तरह की घटनाओं का उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। कारगिल का जो प्रश्न पैदा हुआ और युद्ध की स्थिति बनी, आप सब जानते हैं कि वो युद्ध की परिस्थिति पाकिस्तान के रवैये के कारण बनी। पाकिस्तान की सेनाओं ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के घुसपैठियों ने हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण किया। जम्मू कश्मीर के इलाके में कारगिल, द्रास और बटालिक नाम के तीन सेक्टर हैं, वहां पर कुछ पहाड़ियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के आतंकवादी और घुसपैठिए बैठे। भारतीय सैनिकों ने पहले उनको कोशिश की पाकिस्तान की सरकार से कि किसी तरह बातचीत के माध्यम से पाकिस्तानी घुसपैठिए वापस हो जाएं। भारत की सेनाओं ने यह भी कोशिश की कि बड़े पैमाने पर युद्ध ना करना पड़े, बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान ना उठाना पड़े, उसकी भी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हुई। तो फिर भारतीय सेनाओं के सामने कोई विकल्प नहीं था और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से मारकर भगाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ा। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा अभियान करीब 2 महीने चला। 2 महीने के इस अभियान में हिंदुस्तान की तरफ से करीब 465 सैनिक जवान हमारे मारे गए। 465 जो सैनिक जवान मारे गए उनमें अधिकारी भी थे और हमारे सैनिक भी थे। आप जानते हैं कि उससे ज्यादा घायल हुए और वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अभी इलाज करा रहे हैं। कई जवान हमारे लापता हैं जिनके बारे में सेना के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि या तो उनकी लाश कहीं बर्फ के नीचे दब गई है या तो पाकिस्तानी सेनाओं ने उनको बंदी बना लिया है। जो लापता हैं उनकी संख्या भी काफी है। ऐसी परिस्थिति जो बनी हमारे देश में, ये महत्वपूर्ण है जानना कि ये परिस्थिति तमाम तरह के पाकिस्तान से बातचीत करने के बावजूद बनी। पाकिस्तान से समय समय पर भारत की सरकार बातचीत करती रहती है, पाकिस्तान के साथ भारत की सरकार समय समय पर समझौता भी करती रहती है। उसी के तहत 1998 के साल में श्री लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ समझौता करने की, शांति वार्ता करने की, और 98 से चली कोशिशों का नतीजा 99 में निकला कि लाहौर तक जाकर एक समझौता हुआ जिसको लाहौर समझौता कहते हैं। लाहौर समझौते में दोनों देशों ने यह तय किया था कि कोई भी देश किसी देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा और कोई भी देश किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं करेगा। लेकिन लाहौर समझौता होने के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेनाओं ने, या लाहौर समझौता होने के दौरान ही पाकिस्तान की सेनाओं ने फैसला कर लिया था कि हमें भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करना है और उसके तहत उनके बड़े पैमाने पर उग्रवादी, आतंकवादी, घुसपैठिए हमारी सीमा में आकर बैठे। ये जो समझौता हुआ, ऐसे पाकिस्तान के साथ हमारे कई बार समझौते हो चुके हैं। लाहौर में जो समझौता हुआ था भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का, इसी तरह का एक समझौता 1987 में भी हुआ था। श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1987 में। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री होती थी 1987 में। तो बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के बीच में भी एक समझौता हुआ था इस्लामाबाद में और उसका नाम था इस्लामाबाद समझौता। उस समझौते में भी यही तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। 1987 के पहले भी पाकिस्तान के साथ इस तरह की बातचीत हो चुकी है कई बार। 1971 में पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एक लिखित समझौता हुआ था। 1965 में भी पाकिस्तान के साथ लिखित समझौता हुआ था। 1947-48 में भी हुआ। आखिरकार ये समस्या क्या है कि जब भी ऐसे कुछ लिखित समझौते होते हैं
और पाकिस्तान की सरकार अपने सामने से आकर बोलती है कि हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, लेकिन समझौते के बाद पाकिस्तान वही हरकत करता है जो बार बार वो कर चुका है। इसके पीछे का कारण क्या है और इस बात का इतिहास क्या है? ये जो कुछ हुआ हमारे देश में, अभी जो पाकिस्तान की सेनाओं ने अतिक्रमण किया और भारतीय सैनिकों को फिर अभियान चलाना पड़ा पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने के लिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ हमारे देश में, ऐसा कई बार हो चुका है। पाकिस्तान ने ऐसा कई बार किया है, भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया है और भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत के ऊपर हमला भी किया है, आक्रमण भी किया है। आप पूछेंगे कई बार कब कब किया है? सबसे पहला तो 1947 में ही किया था। 1947 में आप जानते हैं कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसने मात्र 2 महीने के अंदर भारत के ऊपर एक जबरदस्त हमला किया जम्मू कश्मीर के इलाके में, 20 अक्टूबर 1947 को। पहली बार जब 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के ऊपर हमला किया तो उस समय की परिस्थिति बहुत नाजुक थी, संवेदनशील भी थी। उस समय की परिस्थिति संवेदनशील क्यों थी? क्योंकि 1947 का वो जो हमला हुआ भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, उस समय जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं था। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था। और स्वतंत्र राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर क्यों था? आप जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो अंग्रेजों की सरकार ने भारत को आजादी देने के लिए एक कानून बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए जो कानून बनाया था वो लंदन में बना था और लंदन में पारित भी हुआ था। लंदन में पारित हुआ कानून हिंदुस्तान की आजादी का कानून बना, ये हमारा दुर्भाग्य है। माने हम हमारे देश की आजादी का कानून अपनी संसद में नहीं बना पाए, वो लंदन में बना। जो आजादी के लिए कानून बना भारत की, उसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रखा गया। और उस कानून के तहत क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया। डोमिनियन स्टेट का माने होता है एक बड़े राज्य का छोटा राज्य। इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बनाया भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों ने, भारत और पाकिस्तान को उस कानून के आधार पर डोमिनियन का दर्जा मिला, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला। और वो कानून जब लागू किया गया, वैसे तो वो पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जुलाई 1947 को और भारत में लागू हुआ 14 अगस्त की रात 12 बजे से। तो वो कानून जब लागू किया गया तो उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। जैसे एक बात उसमें ये कही गई कि आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स होंगे। दूसरी बात उसमें यह की गई कि आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की संपत्ति का बंटवारा होगा, आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का भी बंटवारा होगा, आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की जमीनों का भी बंटवारा होगा, आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की बहुत सारी संपत्तियों का और संसाधनों का बंटवारा होगा। एक तो ये बातें थी उसमें, और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात थी उसमें कि आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान के जो राज्य हैं अलग अलग, आजादी के समय में हिंदुस्तान में करीब 565 रियासतें होती थी, उनके राजा होते थे, महाराजा होते थे, तो उन सब रियासतों के बारे में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह तय किया गया कि आजादी मिलने के बाद ये रियासतें या तो भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में जाएंगी। अब उन रियासतों के राजाओं के मन पर छोड़ दिया गया कि आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ। और कई रियासतों को यह अधिकार भी दिया गया, उसमें एक प्रावधान ऐसा भी रखा गया कि अगर कोई राजा ऐसा कहे कि हम ना तो भारत में जाना चाहते हैं ना हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो फिर वो राजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने का भी अधिकारी होगा। इस तरह की बात भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कही गई। आखिर ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया क्यों अंग्रेजों ने? अंग्रेजों का मतलब ये था, अंग्रेजों की कूटनीति ये थी कि वो भारत में जाते जाते कई टुकड़े करना चाहते थे भारत से। अंग्रेजों का बस चलता तो वो भारत को 565 टुकड़ों में खंड खंड तोड़ते, इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया। वरना इस कानून में इस तरह की भाषा लिखने का कोई मतलब नहीं कि अगर कोई राजा चाहे तो स्वतंत्र राज्य भी रख सकता है, ना वो भारत में जाएगा ना पाकिस्तान में जाएगा। माने भारत और पाकिस्तान नाम के दो हिस्से तो कर ही दो,
इसके अलावा कुछ राजा महाराजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के नाम पर भी भारत को टुकड़े टुकड़े करें तो अंग्रेजों को उसमें खुशी ही होने वाली थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस तरह का ये कानून बनाया था। हमारे देश में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था सरदार पटेल। सरदार पटेल को इस बात का अंदाजा था कि अंग्रेज ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को क्यों लाना चाहते, और उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आई कि ये अंग्रेजों की पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान के ये जो 565 रियासतें हैं किसी तरह इनमें बगावत कर दी जाए और हिंदुस्तान ये 565 टुकड़ों में खंड खंड बट जाए, पाकिस्तान एक टुकड़ा हो गया, ऐसे हिंदुस्तान के तमाम टुकड़े हो जाए। इस दृष्टि से अंग्रेजों ने वो कानून लाया था। बहाना अंग्रेजों ने ये बनाया था उस कानून को लाने के लिए कि ये हिंदुस्तान की आजादी का कानून है, वास्तव में वो हिंदुस्तान की बर्बादी का कानून था। सरदार पटेल को लगा कि अगर ये कानून लागू होता है और कानून लागू होने के बाद बहुत सारे राजा ये बात बोलना शुरू करेंगे कि इस कानून के आधार पर तो हमको स्वतंत्र राज्य रखने का अधिकार है, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का अधिकार है, तब तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो सरदार पटेल ने पहले से ही एक अभियान चलाया था इस देश में, जो आजादी मिलने के पहले से वो कर रहे थे, कि ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजाओं को भारतीय राज्य में मिलाने के लिए समझौते वो कर रहे थे और करवा रहे थे। और उनकी योजना ये थी कि अंग्रेजों की सरकार जिस दिन तक ये कानून लागू करे उस दिन तक ज्यादा से ज्यादा राज्य और रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं और उनके समझौते भारत सरकार के साथ हो जाएं। और ये काम उन्होंने बखूबी किया, अकेले दम पर किया और बहुत बखूबी किया। बहुत कम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं जो सरदार पटेल ने किया। फिर भी क्या हुआ कि कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जो बहुत निकृष्ट किस्म के थे, घमंडी भी थे बहुत ज्यादा। उन्हीं में से एक राजा था जो जम्मू कश्मीर का था, उसका नाम था हरि सिंह। उसको बहुत घमंड था अपने ऊपर और अक्सर ये कहा करता था कि ना तो मैं पाकिस्तान में जाने वाला ना तो मैं भारत में जाने वाला। इसी तरह का एक नवाब होता था जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, वो भी बहुत घमंडी था। वो भी अक्सर ये कहता था कि मैं तो भारत में रहने वाला नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, हैदराबाद को अलग करूंगा और भारत से अलग उसको पाकिस्तान में ले जाऊंगा। इसी तरह एक राजा होता था ट्रावनकोर का। ट्रावनकोर एक रियासत होती थी, तो वहां का एक राजा था, उसको भी बहुत घमंड था अपने ऊपर और वो भी यही इस तरह की भाषा बोलता था। एक राजा और होता था इस तरह का कोयम्बटूर का। ऐसे ही एक राजा था, नवाब था जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ का नवाब था, जम्मू कश्मीर के महाराजा थे और ये निजाम था हैदराबाद वाला, ट्रावनकोर का राजा था, कोयम्बटूर का राजा था। ऐसे 5-7 राजा थे जिनकी रियासतों के बारे में वो अंतिम समय तक यही कहते रहे कि हम ना तो भारत में जाने वाले हैं, हम तो ना तो पाकिस्तान में जाने वाले हैं। निजाम हैदराबाद और जूनागढ़ का निजाम दोनों ये कहने लगे थे अंतिम दिनों में कि भारत में तो हम नहीं ही रहेंगे, भले ही हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। अब मुश्किल उनकी ये थी कि जो जूनागढ़ का नवाब चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिलें, लेकिन जूनागढ़ की प्रजा चाहती थी कि हम भारत में रहें, क्योंकि जूनागढ़ सौराष्ट्र का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है और जूनागढ़ का पाकिस्तान से सीधे कोई रिश्ता भी नहीं है, बीच में समुद्र है, समुद्र के बाद कराची आता है और जूनागढ़ की प्रजा मूलतः गुजराती प्रजा है, तो वो प्रजा नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिलें, लेकिन वहां का राजा कहता था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। ऐसे ही निजाम हैदराबाद जो था, निजाम कहता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन हैदराबाद की प्रजा नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो उनके सामने ये संकट था, निजाम हैदराबाद के सामने अपनी प्रजा का विरोध था, जूनागढ़ के नवाब के सामने अपनी प्रजा का विरोध था। तो चूंकि प्रजा का विरोध था और बड़े पैमाने पर था, इसलिए वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो पाए 15 अगस्त 1947 तक, लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी शामिल होने की। जम्मू कश्मीर में परिस्थिति थोड़ी विपरीत थी उस समय। जैसे निजाम हैदराबाद के सामने परिस्थिति थी कि निजाम की प्रजा चाहती थी भारत में रहे, निजाम कहता था पाकिस्तान में जाए। जूनागढ़ की प्रजा कहती थी हम भारत में रहे, निजाम कहता था हम जाएंगे, नवाब कहता था पाकिस्तान में। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो प्रजा थी वो ऐसा नहीं कहती थी कि हम भारत में रहेंगे और वो ये भी नहीं कहती थी कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। वहां की प्रजा के मन में भी कुछ इसी तरह की बात थी कि हम अलग रहेंगे, ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम अलग रहेंगे। और अंग्रेजों ने कानून बना ही दिया तो उनको मौका मिल गया।
इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर नाम का राज्य हमारे साथ नहीं था। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जब 1947 में पाकिस्तान ने पहली बार हमला किया था तो हमारी परिस्थिति बहुत संवेदनशील थी, और परिस्थिति की संवेदनशीलता क्या थी कि जम्मू कश्मीर की प्रजा अपने राज्य का हिस्सा नहीं थी, अपने देश का हिस्सा नहीं थी, वहां का राजा भी भारत का हिस्सा नहीं था, भारत के साथ नहीं था। तो पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान को लगा कि यह जम्मू कश्मीर अगर स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा तो तकलीफ होगी बाद में, तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि यह भारत में तो अभी मिला नहीं है, तो चलो हमला करो और पूरे जम्मू कश्मीर को छीन लो और उसको पाकिस्तान में मिला दो। ये उनकी योजना थी। उस योजना को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने बहुत ताकतवर तरीके से आक्रमण किया था। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान 2 महीने पहले और अचानक से 2 महीने के बाद उसने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर की सीमा पर। तो राजा हरि सिंह जो था उसकी सेनाओं ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेनाओं के सामने समर्पण कर दिया। 4 दिन भी शायद नहीं लगे, 3-3.5 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर की पूरी सेना और उनकी पूरी की पूरी फौज पाकिस्तानी सेनाओं के सामने समर्पण करके हाथ बांधकर खड़ी हो गई। और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। जब पाकिस्तान को जीत मिली और जम्मू कश्मीर की सेनाओं ने समर्पण कर दिया पाकिस्तान के सामने, तो पाकिस्तान को लगा कि अब रौंदते चले जाओ और पूरे जम्मू कश्मीर को अपने में मिला दो। उसी दृष्टि से पाकिस्तानी सेना लगातार आगे बढ़ती गई। श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक तक पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए 4 दिन के अंदर। 20 अक्टूबर को हमला हुआ, 24 अक्टूबर तक पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर के नजदीक पहुंच गए। राजा हरि सिंह को लगा कि अब अगर पाकिस्तान को रोका नहीं गया किसी तरीके से, तो ये मेरा जो सपना है कि मैं जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊं, वो सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारतीय सेना कुछ कर नहीं सकती थी उस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया भारतीय सैनिक कसमसाहट से देख रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर को रौंद रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो इलाका हमारा नहीं था। अगर वो हमारे राष्ट्र का इलाका होता तो भारतीय सैनिकों को इंतजार नहीं करना पड़ता 4 दिन तक, वो जाते और पाकिस्तानी सेना को मार के भगाते। तो जब ऐसा लगने लगा कि अब जम्मू कश्मीर चला जाएगा हाथ से और पाकिस्तानी सेना पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगी, तब राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। तो उस पत्र में उसने लिखा कि आप हमारी पाकिस्तान की सेना से रक्षा करिए, बदले में हम अपना पूरा का पूरा राज्य भारत में मिलाने को तैयार है। सरदार पटेल ने कहा कि आपकी बात पर भरोसा नहीं होता, आप ये हमको लिख कर दीजिए। पहले उसने ये संदेश मौखिक भिजवाया, सरदार पटेल ने मना कर दिया कि हम आपके मौखिक संदेश को मान नहीं सकते, कल आप अपनी बात से पलट जाए तो हमको क्या होगा, आप इसको लिख कर दीजिए और लिख कर दीजिए उस पर हस्ताक्षर करिए, एक बाजू में आप हस्ताक्षर करेंगे, एक बाजू में हमारा प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा भारत सरकार का, और बाकायदा जम्मू कश्मीर को भारत राष्ट्र में विलय कराया जाएगा उस समझौते के आधार पर, और जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत राष्ट्र में हो जाएगा उसके बाद हमारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए आएगी। और सरदार पटेल ने कहा कि आप जितनी जल्दी ये समझौता करेंगे उतनी जल्दी हमारी सेना आपकी रक्षा के लिए आएगी। तो महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल द्वारा रखी गई इस शर्त के आधार पर एक लिखित समझौता किया, जिसके सारे दस्तावेज हमारे देश में उपलब्ध हैं। महाराजा हरि सिंह ने समझौता यह किया कि भारत सरकार की सेनाएं हमारी रक्षा करेंगी, माने जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से रक्षा करेगी, बदले में हम पूरा का पूरा राज्य भारत में विलय करने की बात करते। उसमें एक ही बात मुश्किल हो गई कि राजा हरि सिंह ने कहा कि हम विलय जरूर करेंगे आप में, लेकिन हमारा स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारी अलग अस्मिता है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारी अलग भाषा है, हमारा अलग खान पान है, हमारा अलग रहन सहन है, तो हमारी पूरे के पूरे आइडेंटिटी का कोई खतरा ना पैदा हो, इसलिए कुछ शर्तों के साथ हम विलय करने को तैयार। तो शर्तें कुछ इस तरह की थी कि जैसे जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और वो विशेष राज्य का दर्जा हमको अपने संविधान में लाना पड़ेगा,
तो इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। जब शामिल हुआ जम्मू कश्मीर 24 अक्टूबर 1947 की रात को राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए समझौते पर। जैसे ही समझौता हुआ तो सरदार पटेल ने आदेश किया और भारतीय सैनिकों ने जाकर फिर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ पूरी ताकत से युद्ध लड़ना शुरू किया। भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों को मारने में या भगाने में समय लगा क्योंकि पाकिस्तानी सेना काफी अंदर तक घुस आई थी। 24 अक्टूबर से भारतीय वायुसेना ने हमला शुरू किया, थल सेना भी उनके साथ थी, लेकिन वो लड़ाई कम से कम 2-2.5 महीने चल गई। 2-2.5 महीने की लड़ाई जब चली तो बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर के समर्थन में आ गई और जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य के विलय का समझौता भारत सरकार से कर लिया है, तो पाकिस्तान को लगा कि अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर विजय हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की सेना तो पीछे हट गई, भारतीय सेना उनके सामने आ गई। तो फिर पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक प्रयास किया कि यह जम्मू कश्मीर अब तो हम पूरा ले नहीं पाएंगे, लेकिन जितना इलाका हमने ले लिया है जम्मू कश्मीर का उतना भी हमारे पास रह जाए। तो उसके लिए फिर पाकिस्तानी सरकार ने प्रयास ये शुरू किया कि यूनाइटेड नेशंस वालों को अपनी तरफ से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि किसी तरह से आप हमारा भारत सरकार से समझौता कराइए। उस समय यूनाइटेड नेशंस नई नई बनी हुई संस्था थी, अमेरिका के आदेश और इशारे पर चलने वाली संस्था थी उस समय और आज भी है। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उनका नाम था आइजनहोवर। तो आइजनहोवर को जब पाकिस्तानियों ने संपर्क किया तो उनको लगा कि अमेरिका को चौधरी बनने का यह बहुत अच्छा मौका है, अभी पाकिस्तान की सरकार सामने से बोलती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने क्या किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा और पंडित नेहरू को उन्होंने पत्र लिखा, उसकी भाषा कुछ इस तरह की थी कि आप अगर कहो तो हम पाकिस्तान के साथ आपकी दोस्ती कराएंगे, युद्ध विराम कराएंगे। तो उससे समझ में आने लगा कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो उनके इशारे पर ही कर रहा। जब अमरीकी राष्ट्रपति इस तरह की भाषा बोले कि आप कहो तो हम आपकी पाकिस्तान से दोस्ती कराएं, जैसे कि अमरीकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान के दोस्ती के सारे सूत्र मालूम हों, इस तरह की भाषा उन्होंने बोलना शुरू किया और एक प्रस्ताव ये भी दिया कि आप बोलो तो यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को ले आएं और कोई एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाए इसका, क्योंकि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी लंबे समय चल सकती है, इसका कोई स्थायी समाधान हो जाए। इस तरह की बात पंडित जी के सामने आई। शायद पंडित नेहरू को ऐसा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अगर हम यूनाइटेड नेशंस को बीच में ले आएं तो कभी भी भविष्य में यूनाइटेड नेशंस जो है भारत पाकिस्तान के झगड़े सुलझाने में मदद करता रहेगा। पंडित नेहरू को यह अंदाजा नहीं था कि यूनाइटेड नेशंस के पीछे अमरीका जो है उसकी कूटनीतिक बुद्धि काम कर रही है। तो पंडित जी उस झांसे में फंस गए जो आइजनहोवर ने उनके सामने पत्र के रूप में भेजा और पंडित नेहरू तैयार हो गए कि ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की अध्यक्षता में हम इन दोनों देशों के लोग शांति वार्ता करेंगे या समझौता करेंगे। तो मामला जो द्विपक्षीय था वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया। बाद में यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पारित हुए और वो प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ। उस समझौते में जो हमारे हित के विरुद्ध था वो क्या बात थी, वो बात यह थी कि जिस समय समझौता हुआ जनवरी 1948 के समय की स्थिति को उसमें माना गया, तो जनवरी 1948 तक जो सेनाओं के पास जितना हिस्सा है वो उनके पास रहेगा, माने पाकिस्तान की सेना के पास अगर कुछ हिस्सा है तो वो पाकिस्तान का रहेगा और भारतीय सैनिकों के कब्जे में जितना हिस्सा है वो भारतीय सैनिकों के पास रहेगा। ऐसी बात उस समझौते में आई जो मैं मानता हूं कि भारत के हित के विरुद्ध थी। अगर समझौता होता तो इस तरह का होना चाहिए था कि 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जिस देश की सेना जहां पर थी वो वहां पर वापस जाएगी, और चूंकि 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था तो उस समय तक की भी अगर बात करते तो भी समझ में आती, लेकिन उसमें बात ऐसी नहीं हुई। उसमें बात ऐसी हुई जनवरी 1948 में सीमाओं के पास अगर पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की सेना के कब्जे में कुछ जम्मू कश्मीर का इलाका है तो वो उनके पास रहेगा और भारतीय सेना के पास जो कुछ है वो उनके पास रहेगा।
तो इसी समझौते में जो गड़बड़ हुई वो ये कि जम्मू कश्मीर का करीब 26,000 वर्ग मील का इलाका उस समय पाकिस्तान के कब्जे में था जिस समय ये समझौता हुआ। तो समझौते की शर्त के मुताबिक वो 26,000 वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जो वास्तव में भारत में होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में 24 अक्टूबर 1947 को हो चुका था। यही 26,000 वर्ग मील इलाका है जिसको आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इसमें तीन डिवीजन है, एक का नाम है गिलगित, एक का नाम है स्कारदू और एक का नाम है हुंजा। ये तीन डिवीजन का 26,000 वर्ग मील इलाका हमारे देश का या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है। 1948 के उस यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद हुए समझौते के आधार पर ऐसा तय हुआ और तब से वो पाकिस्तान के कब्जे में है। बाद में भारत की संसद में कई बार इस पर बहस हुई कि ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका 26,000 वर्ग मील पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको भारत में वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक बार तो बहुत ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ भारत की संसद में अभी 2 साल पहले, 15 अगस्त 1997 की रात को 12 बजे भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। भारत की आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती मनाने के संदर्भ में एक विशेष सत्र आयोजित हुआ था संसद में। तो उस विशेष सत्र में 15 अगस्त 1997 की रात को ठीक 12 बजे एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से समर्थन किया। एक भी राजनीतिक पार्टी ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। वो प्रस्ताव क्या है कि ये 26,000 वर्ग मील इलाका भारत में वापस आना ही चाहिए। तो ये प्रस्ताव हिंदुस्तान की संसद में पारित हुआ 15 अगस्त 1997 को। इसके पहले भी हमारी संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में कई बार बहस हुई है और उस बहस में हमेशा से यही तय हुआ है कि ये बचा हुआ हमारा जो 26,000 वर्ग मील इलाका है वो पाकिस्तान से भारत में आना ही चाहिए। 50 साल से यह किस्सा हमारे देश में चलता है लेकिन आने का कोई सूत्र नहीं दिखाई देता। पता नहीं वो कब आएगा 50 साल में। कई बार ऐसी चर्चा हुई है, कई बार बहस हुई है, प्रस्ताव भी पारित हो चुका है लेकिन वो कब आएगा अभी उसका इंतजार हमें करना होगा। ऐसी चर्चा, ऐसे किस्से होते रहे हैं। मैं जो बता रहा था मुख्य बात वो 1947-48 के पाकिस्तान के आक्रमण की और उसके बाद हुए समझौते की। उस समझौते में एक चीज अच्छी हुई थी जिसको मैं कहता हूं कि जब 1948 में ये समझौता हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उसमें तय ये हुआ कि भविष्य में कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा। मुझे लगता है कि शायद पंडित नेहरू इसीलिए तैयार हुए गए होंगे उस प्रस्ताव पर, अन्यथा उस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है, उसके दस्तावेज मैंने देखे हैं, जिस पर कोई भी भारत की सरकार तैयार हो सके कि पाकिस्तान से कोई समझौता करें। शायद पंडित नेहरू इसलिए तैयार हुए होंगे, ये मेरी अपनी मान्यता है, हो सकता है ये गलत भी हो, अंदर की बात क्या थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रस्ताव पढ़ने से एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि भारत के लिए उसमें कुछ मिला नहीं, हमने खोया ही। तो इतना खोने वाला प्रस्ताव कैसे कोई सरकार स्वीकार कर सकती है। तो शायद उसमें एक ही बिंदु ऐसा लगता है जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने हस्ताक्षर करके ये कहा कि हम कभी भी भविष्य में भारत के ऊपर अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे। और दूसरी बात उसमें ये कही गई कि जब भी जरूरत होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव होगा, तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके उसको हल कर लिया जाएगा। शायद यही एक कारण था जिसके लिए पंडित नेहरू तैयार हुए होंगे, बाकी उसमें ऐसा कोई भी दूसरा कारण नहीं दिखाई देता कि भारत सरकार तैयार हुई हो। तो पाकिस्तान ने खुद सामने से ये बोला और लिखित में दिया कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने इस वायदे पर कायम नहीं रहा। लिखित में समझौता होने के बावजूद और लिखित में अपनी तरफ से आश्वासन देने के बावजूद पाकिस्तान की सेनाओं ने 1965 में भारत के ऊपर फिर हमला किया। 1965 के हमले को पाकिस्तान ने क्यों किया, उसके पीछे एक छोटा सा संदर्भ और समझ लेना जरूरी है। 1947-48 में तो पाकिस्तान ने हमला किया इस लालच में कि चलो जम्मू कश्मीर का इलाका पूरा अपने में ले लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का के पीछे वो कौन से प्रेरक तत्व थे कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। उसका एक गहरा कारण था कि 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। 1965 के पाकिस्तान के भारत पर होने वाले हमले के पूर्व
चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था 1962 में, और जब 1962 का हमला हुआ था हमारे देश के ऊपर तो वो सबसे दुर्भाग्यशाली विदेशी आक्रमण था हमारे देश के ऊपर आजादी के पिछले 50 सालों का। उस आक्रमण के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली, तो मैं क्यों कहता हूं ऐसा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये था 1962 के विदेशी हमले में कि हमारे देश में वीके कृष्ण मेनन जैसे रक्षा मंत्री थे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी खास बात है जिनके लिए आप बोलते हैं कि बड़े दुर्भाग्यशाली थे। वीके कृष्ण मेनन थे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, लेकिन हमेशा विदेश घूमते रहते, उनको हिंदुस्तान रहना कभी अच्छा ही नहीं लगता। अमेरिका अच्छा लगता था उनको, फ्रांस अच्छा लगता था, ब्रिटेन अच्छा लगता था, न्यूयॉर्क उनको हमेशा अच्छा लगता था। उनकी तो मजबूरी थी कि वो भारत में पैदा हो गए, हमेशा उनको भारत कभी अच्छा नहीं लगता, उनको हमेशा विदेश अच्छा लगता। थे रक्षा मंत्री, काम विदेश मंत्री का करते थे, माने जो जवाबदारी उनको दी गई थी वही काम नहीं करते थे, बाकी दुनिया भर के फालतू के बहुत सारे काम करते, इस देश में जाना, उस देश में जाना, वहां जाकर कूटनीतिक बात करना, इधर जाके कूटनीतिक, जो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी वही छोड़कर बाकी कुछ भी करना। और वो किस तरह के मानसिकता के व्यक्ति थे, कैसे बुद्धि थी उनकी, कैसी बुद्धि चलती थी, उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। 1960-61 के आसपास एक बार संसद में बहस हो रही थी तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अपनी तरफ से। क्या प्रस्ताव रखा उन्होंने, कहा कि देखो जी पाकिस्तान तो अब हमारा दोस्त हो गया, हमने उनसे समझौता कर लिया 1948 में, अब पाकिस्तान ने बोल दिया है कि वो तो कभी हमला करने वाला नहीं है, दुनिया में आजू बाजू में और कोई हमारा दुश्मन है नहीं, तो हमको ये सेना रखने की क्या जरूरत है, सेना हटा देनी चाहिए। ऐसी उल्टी बुद्धि के आदमी थे वी के कृष्ण में, और कहीं ऐसा नहीं था कि वो किसी साधारण सी बैठक में बोल रहे, लोकसभा में कह रहे थे कि ये सेना हमको हटा देनी चाहिए, इसकी कुछ जरूरत नहीं। फिर किसी सदस्य ने खड़े होकर उनसे पूछा कि आप बताइए वी के कृष्ण मेनन साहब, अगर सेना हटा देंगे तो कभी कुछ जरूरत पड़ गई, अभी आप बोलते हो कि पाकिस्तान तो दोस्त हो गया हमारा, चीन तो हमारा दोस्त पहले से ही है, अभी आप ये भी कहते हो सेना भी हटा दो, मान लो कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे। वो कहते थे हिंदुस्तान की पुलिस काफी है, उसी से काम चला लेंगे आप। ये उनका जवाब था लोकसभा। एक दिन उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कई मंत्री बैठते हैं, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के सामने उन्होंने एक अजीब प्रस्ताव रख दिया कि देखो सेना की तो जरूरत नहीं है तो सेना का खर्च क्यों करें, इसका बजट कम कर दो। तो हिंदुस्तान की सेनाओं के ऊपर होने वाले खर्चे का बजट उन्होंने कम कराया, और बजट ही कम नहीं कराया, एक दिन तो उन्होंने यहां तक बेवकूफी का आदेश भी दिया कि सेनाओं के आयुध निर्माण के लिए, आयुध निर्माण माने गोला बारूद बनाने के, हिंदुस्तान में जो कारखाने चलते हैं उनको बंद कर दो, क्या जरूरत है इसकी, अभी गोला बारूद हमें चाहिए क्यों, जब हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं तो बंदूक हमें क्यों चाहिए, गोला बारूद हमें क्यों चाहिए, सेना हमें क्यों चाहिए। तो सेना का खर्चा कम कराया, गोला बारूद बनाने के जो कारखाने हिंदुस्तान में चलते थे वो कारखानों को बंद कराने की बात कही, और करा भी दिया बहुत सारे कारखानों को बंद। कुछ ऐसी विचित्र हालत बन गई थी उस समय हिंदुस्तान की कि जिन स्थानों पर सेनाओं के लिए गोला बारूद बनाने का काम होना चाहिए था उन स्थानों पर कॉफी के प्याले बनाने का काम, चाय के प्याले बनाने का काम, इस तरह के धंधे शुरू कराए। ऐसी बुद्धि के व्यक्ति थे वी के कृष्ण मेनन, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत दुर्भाग्यशाली समय था हमारा जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। और उनके इस तरह के जो बयान आते थे तो चीन को लगा कि ये तो बहुत बेवकूफ आदमी, कहता है सेना को भी हटा लो, सेना का खर्च भी कम कर दो, सेना के लिए जो निर्माण सामग्री बनाने के कारखाने चलते हैं उनको भी बंद करा दो, उनमें कुछ और धंधा कराओ, और दुनिया भर में घूमना, कभी सेनाओं के सामने नहीं जाना, सेनाओं के बीच में नहीं जाना, न्यूयॉर्क जाना, अमरीका जाना, यूरोप घूमना, इस तरह के काम वो करते रहते। तो चीन को मौका मिल गया, और चीन को एक मौका यह भी मिल गया कि चीन को ऐसा लगा कि वी के कृष्ण मेनन तो प्रधानमंत्री के आदमी है, माने पंडित नेहरू के आदमी है, तो उनको लगा कि शायद पंडित नेहरू की भी यही मान्यता होगी, इसलिए तो उन्होंने रक्षा मंत्री बना के बिठाया उनको। और वी के कृष्ण मेनन को पंडित जी ने रक्षा मंत्री क्यों बनाया था, उनकी व्यक्तिगत दोस्ती थी उनसे, अन्यथा वी के कृष्ण मेनन कोई मास लीडर नहीं थे इस देश में,
जनता में उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो ऐसा कुछ नहीं था वीके कृष्ण मेनन का, फिर भी हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री उनको बनाया गया था, तो उनकी पंडित जी के साथ कुछ व्यक्तिगत दोस्ती थी इसलिए उनको बनाया गया था। और आप अगर उनके कुछ रिकॉर्ड सुने जो भाषण के हैं, तो वो 4 घंटे 5 घंटे भाषण देते थे लेकिन उसका आप सिर पैर नहीं निकाल सकते वो क्या बोल रहे हैं। वो लंबा भाषण करेंगे, 4 घंटे भी करेंगे 5 घंटे भी करेंगे 7 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके बोले हुए का अर्थ क्या है ये समझने वाला बिल्कुल नहीं समझ सकता। कुछ भी बात कहीं से लाके कहीं की कहीं वे जोड़ दिए, कहीं की जोड़, इस तरह का वो चलता रहता था उनका। इस तरह के व्यक्ति थे वी के कृष्ण मेनन। तो 1962 में जब हिंदुस्तान के वो रक्षा मंत्री हुए, या पहले से थे, वो तो गलत बोल गया, हुए पहले से थे, उसी समय चीन को अंदाजा लगा कि भारत तो किसी कमजोर रक्षा मंत्री के कब्जे में है, सेनाओं के खर्चे भी कम हो रहे हैं, आर्मी के लिए उत्पादन करने वाले केंद्र भी बंद हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। चीन को ऐसा लगता था कि एक इलाका है हमारे देश का जो दुर्भाग्य से आज हमारे पास नहीं है, चीन उसको ताक में बैठा हुआ था, अक्साई चीन का इलाका। तो 1962 में अचानक से चीन ने भयंकर हमला, चीन के हमले के पहले हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, मैंने आपको बताया कि हमारे देश के बॉर्डर पर से आर्मी के कई लोगों को वापस बुला लिया गया और आर्मी का बजट कट कर दिया गया, आर्मी के लिए सप्लाई लाइन कमजोर हो चुकी। चीन ने हमला किया नॉर्थ ईस्ट में, आज हम जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, आज से 40 साल पहले वो नेफा प्रदेश होता था, नेफा कहलाता था। तो नेफा प्रदेश के इलाके में चीन ने पूरी ताकत से हमला किया, और चूंकि वहां हमारी आर्मी नहीं थी, बॉर्डर करीब करीब खाली पड़े हुए थे, तो चीनी सैनिक दन दनाते हुए घुसते चले गए। और जब चीनी सैनिकों के सामने कोई प्रतिरोध नहीं हुआ भारतीय सैनिकों की तरफ से, तो चीनी सैनिकों ने अपना मनमानी किया। सबसे खराब काम जो उन्होंने किया कि उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, नेफा प्रदेश के इलाके में, हजारों बहनों के साथ बलात्कार किए चीनी सैनिक। और उस इलाके में जो नौजवान किस्म के लोग होते थे उनको बिल्कुल बुरी तरह से मारा, तोड़ा, काट दिया उनको। अब बेचारे नौजवानों के सामने कोई हथियार नहीं था, वो लड़ते कैसे? नॉर्थ ईस्ट में जो इलाका है, आप में से कोई गए हो तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो जा चुका हूं, वहां तो ऐसे मुश्किल इलाके में लोग अपना जीवन बिताते हैं कि रोज का जीवन चलाने में ही बहुत तकलीफ होती है, ऊपर से कोई विदेशी हमला हो जाए तो उसको रोकने में तो और भी तकलीफ होती है। रोज का जीवन ही उनका एक तरह का आक्रमण जैसा ही होता है, तो वही रोज का जीवन उनके लिए मुश्किल था, ऊपर से चीन का हमला हुआ और इतने ताकतवर तरीके से हुआ, तो वो तो कभी उसके लिए तैयार नहीं थे। तो हजारों नौजवान मारे गए, और चूंकि हमारी आर्मी वहां से हट चुकी थी तो उन नौजवानों के मन में एक तरह का विद्रोह और एक तरह की घृणा पनपना शुरू हुआ भारत की सरकार के विरोध, और वही घृणा और विद्रोह था जो आज भी वहां पर विद्यमान है। वहां आप जाइए तो कभी वो एक मौलिक सवाल पूछते हैं जिसका हमारे पास भी जवाब नहीं होता, वो कहते हैं जब 1962 का युद्ध हुआ था तब तुम्हारी भारतीय सेना कहां थी, और वो सही प्रश्न करते, उसका हम में से कोई जवाब नहीं दे पाते। तो वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर परदेशी आक्रमण हुआ और हम संकट में फंसे तब तुम्हारी सेना ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तुम कैसे कहो कि हम भारत में रहें। इसलिए उनके मन में अलगाव की भावना बहुत पैदा हुई उस नेफा के इलाके में, और वो अलगाव की भावना इतनी जबरदस्त हुई है कि वो कहते हैं हम तो अलग बनाएंगे, अपना बोडोलैंड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो 1962 के उस चीनी हमले का दुष्परिणाम। उस दुष्परिणाम में दो चीजें हुई, एक तो उन क्षेत्रों के रहने वाले निवासियों का भारत की सरकार पर से विश्वास टूट गया, जो सबसे खराब हुआ, मैं उसको सबसे दुर्भाग्यजनक मानता हूं कि किसी देश के इलाके के लोगों का सरकार से विश्वास अगर टूट जाए तो बहुत मुश्किल होती है उस इलाके। तो उनका एक तो विश्वास टूटा जो सबसे खराब हुआ वो ये, और दूसरा उनकी जो तबाही हुई उसको देखकर वो हिल गए एकदम अंदर। हजारों हजारों कटी हुई लाशें आपके सामने पड़ी हो, हजारों हजारों बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो और उनको मार दिया गया हो, तब आप उनके दिल में पूछिए कि कैसा दर्द का लावा फैलता, वो हुआ वहां पर। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक एक तीसरी चीज हुई उस 1962 के युद्ध में, क्योंकि हमारी सेना की कोई तैयारी नहीं थी, हमारे सैनिकों की कोई तैयारी नहीं थी, और हमारे देश में सेना की सप्लाई लाइन भी बहुत कमजोर थी, तो चीन ने
पूरी ताकत के साथ 72,000 वर्ग मील इलाका हमारा छीन लिया, जो आज भी चीन के पास है। उसी में अक्साई चिन का इलाका है जो चीन के कब्जे में है, और आप जानते हैं कि उसी 72,000 वर्ग मील के इलाके में हमारे देश का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो भी चीन के कब्जे में। अभी आप या मैं कभी कैलाश मानसरोवर जाना चाहें तो जा नहीं सकते, तब तक जब तक कि चीन की सरकार की हमें रजामंदी ना मिले, चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। अपने देश के तीर्थ स्थान में जाने के लिए एक परदेशी सरकार से वीजा लेना पड़ता, इससे ज्यादा अपमान की बात और क्या हो सकती है हमारे। वो हुआ 1962। जब यह युद्ध खत्म हो गया तो कैसे खत्म हुआ उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पंडित जी को लगा कि अभी तो सब गया, अभी तो कुछ होने वाला नहीं, तो पंडित नेहरू ने अपनी तरफ से फिर अमरीका को पत्र लिखा और अमरीकी राष्ट्रपति को निवेदन किया कि आप किसी तरह से चीन के हमले को रोकिए। तब अमरीकी राष्ट्रपति को लगा कि अब भारत सरकार हमारे कब्जे में आ सकती है और अब हम इनसे जो कहेंगे वो ये करने को तैयार होंगे, तो भारत सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाना अमरीकी सरकार ने शुरू किया। और उस कूटनीतिक दबाव के साथ अमरीका ने फिर चीन के साथ बातचीत की और चीन के सैनिकों ने अमरीकी सरकार को ऐसा बोला कि ठीक है हम युद्ध विराम करते हैं, लेकिन 72,000 वर्ग मील जमीन जो हमारे कब्जे में है वो आप वापस करने के लिए नहीं करेंगे। तो अमरीका ने कहा ठीक है नहीं कहेंगे, तो वो 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में ही रही। और ऊपर से अमरीका ने अपनी धौंस पट्टी दिखाते हुए हमारे देश को कहा कि देखो हमने तुमसे शांति करा दी, हमने तुम्हारा समझौता करा दी। वो शांति और समझौता हमारे किसी काम का नहीं था। अगर ऐसा समझौता होता कि चीन ने हमारी जो जमीन कब्जे में ली है वो हमको वापस करता और उसके बाद कुछ समझौता होता, शांति वार्ता होती, तो समझ में आता कि ठीक है अमरीका ने हमारे लिए कुछ किया। अमरीका ने कुछ नहीं किया, करने का दिखावा किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया। और युद्ध तो शांत होता ही, थोड़े दिन बाद होता, लेकिन वो 72,000 वर्ग मील जमीन जो हमारी चीन के कब्जे में गई उसको वापस हिंदुस्तान को दिलाने के लिए अमरीका ने कोई प्रयास नहीं किया। जब पाकिस्तान ने ये सब देखा 1962 के युद्ध में, तब पाकिस्तान को हिम्मत हुई 1965 में हमला करने। और शायद पाकिस्तान की हिम्मत 1965 में एक और बात से बढ़ी, जिसको मैं बहुत दुर्भाग्य की बात मानता हूं कि जब यह 1962 का युद्ध खत्म हुआ तो हमारी संसद में एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित हुआ चीन भारत के युद्ध के बारे में। लोकसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई, उस विशेष बैठक में बहुत सारे सांसदों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया, सरकार के सारे नेता बैठे, सरकार के सारे मंत्री बैठे और हमारे देश के बहुत सारे उस समय तो बहुत विद्वान किस्म के लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे, महावीर त्यागी जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे, प्रकाशवीर शास्त्री जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे, तो ऐसे लोग थे पार्लियामेंट में, तो उनकी बात तो सरकार को सुननी ही थी, तो इसके लिए एक विशेष चर्चा सत्र आयोजित हुआ। उस चर्चा सत्र में जो भी वक्ता आए, जिन्होंने भी सांसदों ने खासदारों ने भाषण दिया, सबके भाषण में से एक ध्वनि ऐसी निकलती थी कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी कब वापस आएगी। महावीर त्यागी जी ने जब भाषण अपना दिया उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट सरकार को पूछ लिया, प्रधानमंत्री से पूछ लिया कि आप लोगों की गलती से ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन में चली गई। आप लोगों की गलती से माने आप लोग थे जिन्होंने सेना में ढिलाई की, आप लोग थे जिन्होंने सेना की रसद सामग्री उत्पादन करने वाले केंद्र को बंद करा दिया, आप लोग थे जो विदेशों में घूमते थे, सेना की तैयारी पर आपका कोई ध्यान नहीं था, रक्षा मंत्री थे जो रक्षा का काम कम करते थे, विदेश मंत्रालय का काम ज्यादा करते थे, ये आप ही लोगों की ढिलाई थी, आप ही लोगों की गलतियां थी जिसकी वजह से चीन को मौका मिला और उन्होंने ये सब किया। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप 72,000 वर्ग मील जमीन भारत में वापस कब लाने वाले हैं। तो पंडित नेहरू सुनते सुनते परेशान हो गए थे, ये कई लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो पंडित नेहरू खड़े होकर कहने लगे कि अरे क्यों उस जमीन की बात करते हो, वो तो बेकार जमीन थी, बंजर जमीन थी, ऊसर जमीन थी, उस पर तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो, अभी उसके लिए क्या रोना। ये पंडित नेहरू ने कहा, इसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं।
इस देश का एक प्रधानमंत्री खड़े होकर हिम्मत के साथ अपनी गलती स्वीकार करे संसद में कि हाँ हमसे गलती हुई। पहली गलती तो यह कि बीके कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाया। दूसरी गलती यह कि सेना की रसद सामग्री बनाने वाले उत्पादन केंद्रों को बंद कराया। तीसरी गलती यह कि सेना का रक्षा खर्च लगातार आपने कम कराया। तो कोई खड़े होकर संसद में ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करे बजाय उसके पंडित नेहरू ने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए एक स्टैंड ले लिया। और क्या स्टैंड ले लिया कि वो जमीन चली गई तो चली जाने दो, उसके लिए क्यों माथामारी करते हो। और तर्क क्या उसके लिए कि वो बेकार जमीन थी, बंजर जमीन थी, ऊसर जमीन थी, उस पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो। तो महावीर त्यागी बहुत मुंहफट आदमी थे। मुंहफट से मेरा मतलब एकदम बोलने वाले, जो उनके दिल में आया तुरंत बोलना, वो इंतजार नहीं करते। और ऐसा आदमी बहुत सच्चा आदमी होता, जो दिल में आई बात वो सामने बोल देना, आपको खराब लगे या अच्छी लगे। ऐसा आदमी कभी भी धोखा नहीं देता, चरित्र में भी और किसी भी दूसरे स्तर। मन में आई, दिल में आई, तुरंत उन्होंने बोल दिया। तो महावीर त्यागी के दिल में आया और खड़े होकर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर वो जमीन बेकार थी, ऊसर थी, बंजर थी, उस पर घास का एक तिनका नहीं उगता था, इसलिए आपने उसे चीन को दे दिया, तो आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता है, आपकी खोपड़ी तो एकदम सफा चट है, इसको भी काट के चीन को दोगे। पंडित नेहरू को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा। और उस समय तक परिस्थिति ऐसी ही थी कि पंडित नेहरू के सिर पर बाल नहीं थे एक भी, सिर करीब करीब उनका गंजा हो चुका था। तो खड़े होके कह दिया शास्त्री जी ने, वो त्यागी जी ने, कि आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता है, तो इसको भी काट के दे दो चीन, क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, आपके सिर पर बाल भी नहीं उगता, दोनों बराबर हैं। तो पंडित नेहरू चुप होके बैठ गए। और तब शायद पंडित नेहरू को रियलाइज हुआ कि उनसे कुछ गलती हुई। और उसके बाद आप जानते हैं कि उसी हादसे में पंडित जी की जान भी गई। अभी वो इसलिए भी गई कि पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के प्रबल समर्थक थे। चीन के साथ समझौता करके आए थे, पंचशील नाम का एक सिद्धांत बनाया गया था, एक मसविदा उसके लिए तैयार किया गया था, पूरे देश में एक राजनीतिक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो उनको रियलाइज हुआ कि हो तो गया ही है कुछ, तो डिप्रेशन के शिकार हुए और उसी में बाद में वो गए। पाकिस्तान को ये 1962 की घटना से बहुत कुछ अपने मन में उत्साह हुआ कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की सरकारें हो सकती हैं और इस तरह के रक्षा मंत्री हो सकते हैं और इस तरह के गैर जिम्मेदारना पूर्ण वो काम कर सकते हैं, तो उनको लगा कि चलो फिर एक बार ट्राई करके देख लो। 1947-48 में हम सफल नहीं हुए, शायद 1965 में सफल हो जाए। तो पाकिस्तान ने फिर 1965 में हमला किया, यही पाकिस्तान चूक गया, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि जो सरकार 1962 में थी वैसे ही चरित्र की शायद यह सरकार होगी जो 1965 में। पाकिस्तान को यह मालूम नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। उसको इतना मालूम था पाकिस्तान को कि अब पंडित जी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू में जमीन आसमान का फर्क। शास्त्री जी दिखने में बहुत छोटे लगते थे, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि वो कितने फौलादी आदमी हैं। एक बार कोई फैसला किया तो उस फैसले पर अंत तक डटे रहने वाले आदमी। ये गलती पाकिस्तान से हो गई कि वो शास्त्री जी का ठीक से आकलन नहीं कर पाए, या उनके लोगों ने गलत सूचना दी कि शास्त्री जी भी ढीले ही आदमी हो सकते हैं, जैसे पुरानी सरकार के थे वैसे ये भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी सरकार थी 62 की उसमें शास्त्री जी शामिल थे। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति तो उस सरकार में भी शामिल था और वो सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो अभी ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो ये क्या कर लेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने हमला किया 1965 में। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम था कि शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सारी नीतियां बदल दी थी। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो सबसे पहला महत्वपूर्ण फैसला किया था कि रक्षा का जो बजट कम किया गया था पुराने समय में पिछली सरकारों के द्वारा, उसको उन्होंने और बढ़ाया। और रक्षा सेवा का बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि हिंदुस्तान में जो उत्पादन केंद्र थे रक्षा सामग्री बनाने वाले, जो बंद हो गए थे, उनको चालू कराए। और शास्त्री जी ने एक बार अपनी नीतियों का खुलासा किया था
इस तरह से एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया था तो उन्होंने उसके बारे में बहुत लंबा जवाब दिया था कि पाकिस्तान हमारा दोस्त कभी हो नहीं सकता। क्यों? तो शास्त्री जी का स्पष्ट तर्क था जिसमें उनको कुछ दुविधा नहीं थी। वो कहते थे कि जो राष्ट्र हमसे टूटकर अलग हुआ वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और बहुत कुछ हो सकता है, वो दोस्त तो नहीं ही हो सकता। इसलिए हमें पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, ये उनकी नीति थी। माने हम कहीं पर भी ढीला नहीं छोड़ सकते अपने आप को। तो उन्होंने सेना में कसावट लाई, सेना का खर्च बढ़ाया, रक्षा सामग्री बनाने वाले उत्पादन केंद्रों को फिर से शुरू कराया, सेना में नई भर्ती शुरू कराई, और ये सब करते हुए उन्होंने एक काम और भी किया कि सेना में काम करने वाला जो जवान है वो हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने समझाया। अक्सर आप उनके भाषण सुने जो आज भी लिखे हुए उपलब्ध हैं, छपे हुए उपलब्ध हैं, तो उनके भाषण में एक बात तो हर जगह आएगी कि देखो देश की सीमा को सुरक्षा करने वाले जो लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसानों की बात एक बार आती थी, एक बार जवानों की बात आती थी कि देश के अंदर उत्पादन करने वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं और देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहुत महत्वपूर्ण। उनके किसी भी भाषण को सुने, कहीं का भी पब्लिक स्पीच हो, ये दो बातें हर भाषण में मिलेंगी। इसका माने इन दो बातों पर विशेष जोर था उनका कि देश के अंदर जो उत्पादन करने वाला आदमी है, जो किसान है उसकी तकलीफ, और सीमा की रक्षा करने वाला जो जवान है उसकी तकलीफ, दोनों तकलीफों को वो मानते थे कि ये जल्दी से जल्दी दूर होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो नीतियां अपनाई वो 1962 की सरकार की नीतियों से बिल्कुल फर्क थी। रक्षा खर्च बढ़ाना, उत्पादन केंद्रों को फिर से शुरू कराना, नई भर्ती कराना, नौजवानों में जोश भरना, और कई बार वो अनौपचारिक बातचीत में ये कहते भी थे, जैसे कई बार क्या होता था कि रक्षा सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष या जल सेना अध्यक्ष या नौसेना, वो कभी कभी मिला करते थे शास्त्री जी को, तो शास्त्री जी उनको इशारे से कहते थे कि देखो कभी कोई तकलीफ हो और इमरजेंसी की हालत हो तो मेरे आदेश की प्रतीक्षा मत करना। माने इस उम्मीद में मत बैठे रहना कि भारत का प्रधानमंत्री कब ऑर्डर देगा तब हम पहला बम चलाएंगे। कभी आपको लगे कि ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो प्रधानमंत्री हमेशा आपके पीछे खड़ा है, आप अपना फैसला करना और आपके हर फैसले में मैं आपके साथ। तो इस तरह की बातें जब कई बार उन्होंने कही थी सेनाओं के अधिकारियों से, तो सेना के अधिकारी तो होशियार तो होते ही हैं, वो समझ गए कि इनका तो पूरा पाठिंबा है हमको, इनका तो पूरा समर्थन है, इसलिए अभी कोई डरने की बात नहीं है। जो 1962 में सेना के अधिकारियों को डर लगता था, तकलीफ होती थी कि छोटे से छोटा फैसला करने के लिए रक्षा मंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, वो उनको अंदाजा लग गया कि अभी का जो प्रधानमंत्री है वो फर्क आदमी। तो इस तरह के इशारे कई बार मिल चुके थे सैनिकों को। तो सेनाओं की अपनी पूरी तैयारी थी 1965 में, सेनाओं की तैयारी थी, सेनाओं की जो सप्लाई लाइन थी उसकी पूरी तैयारी थी, सैनिकों में जोश भी बहुत ज्यादा था, प्रधानमंत्री खुद भी उनको जोश दिलाने का काम करते थे। तो जब पाकिस्तान ने 1965 में हमला किया तो भारतीय सैनिकों ने जमकर पाकिस्तानियों को पीटा, और ऐसा लगा एक बार तो कि 1962 की जो खुन्नस है वो भारतीय सैनिकों ने 1965 में निकाली। क्योंकि मन में ग्लानी तो होती ही है कि हम पिट गए थे 1962, तो वो जो मन की ग्लानी थी 1962 के युद्ध की चीन के विरुद्ध, वो उन्होंने पूरी दूर की जब 65 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई ली। और भारतीय सैनिकों ने इस जबरदस्त तरीके से हमला किया कि पाकिस्तानी सेनाओं ने घुटने टेकना शुरू किया और पीछे लौटना शुरू किया, और भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेलते 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 लाहौर तक का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें, या थोड़ी देर के लिए एक मिनट हिंदुस्तान के नक्शे की कल्पना करें, तो पंजाब के नीचे पूरा जो मैदानी इलाका है वो लाहौर तक का, वो पूरा हमारे कब्जे में आया। और पहाड़ी इलाके की कल्पना करें नक्शे में जम्मू कश्मीर का, तो जो पहाड़ी इलाका है वहां पर, जो मैंने आपको बताया कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तीन डिवीजन है, गिलगित, इस्कारदू और हुंजा, तो पूरा का पूरा गिलगित डिवीजन भी हमारे कब्जे में आ गया। माने सेनाओं को सफलता सिर्फ मैदान के ही इलाके में नहीं, पहाड़ी इलाके में भी मिली 1965 की लड़ाई। तो गिलगित तक का पूरा इलाका भारत के कब्जे में आया,
लाहौर तक का इलाका पूरा भारत के कब्जे में आया। लड़ाई जरूर लंबी चली, लगभग 2.5-3 महीने वो लड़ाई भी चली, उसमें लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को पीट लिया। और 8 जनवरी 1966 तक तो भारतीय सैनिक लाहौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर थे। माने और 2-3 घंटे का समय मिला होता तो शायद लाहौर में तिरंगा झंडा होता, ये हो सकता था उस समय। लेकिन तब एक मुश्किल आई। मुश्किल क्या आई कि जब पाकिस्तान ने देखा कि पिटते जा रहे हैं और हर इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में जा रहा है, और पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री थे, जो उनके सेनाओं के बड़े अधिकारी थे, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में लाहौर कब्जे में गया तो हफ्ते भर के अंदर कराची भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, पेशावर भी जाएगा, सब चला जाए, और 10-15 दिन में हो सकता है पूरा पाकिस्तान चला जाए। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप थे जो हिंदुस्तान की सेनाओं का समर्थन भी कर रहे थे, सिंध प्रांत के लोग थे जो पाकिस्तान का नहीं भारतीय सेनाओं का समर्थन कर रहे थे। और जो मुहाजिर लोग हैं, मुहाजिर माने जो हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमान पाकिस्तान में बसे हैं, वो भारतीय सेना का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसा लगता था कि शायद ये सब इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में आ जाएगा। और शास्त्री जी ने तो मैंने बताया कि खुली छूट दे रखी थी, उनको कभी इस बात की तकलीफ नहीं थी कि भारतीय सेना कहां तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखा देना ही ठीक है ताकि बार बार ये तकलीफ ना उठानी पड़े हमको। तो उनका भी पूरा पाठिंबा था, शास्त्री जी का, कैबिनेट का पूरा पाठिंबा था, सेनाओं का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था उस समय, और भारतीय सैनिकों की तैयारी भी जबरदस्त थी। वो सब होते हुए हमने वो किया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो मैंने बताया 8 जनवरी 1966 तक जब भारतीय सैनिक लाहौर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, तब पाकिस्तान ने अमरीका को कहा कि अब किसी तरह से युद्ध को रुकवाइए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया, तो अमरीका को कहा कि किसी तरह से युद्ध रुकवाइए। अमरीका को ऐसा लगा कि शास्त्री जी से युद्ध रोकने की बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमरीका एक दो बार ट्राई कर चुका था शास्त्री जी से बात करने की और शास्त्री जी ने उसका 2 टूक जवाब दिया था। अमरीका ने एक बार शास्त्री जी को परोक्ष रूप से धमकी दी थी और शास्त्री जी ने उस धमकी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था। क्या धमकी दी थी कि उस समय लाल रंग का गेहूं आता था PL-480 का अमरीका से। PL-480 एक कानून का नाम है अमरीका में, PL का माने होता पब्लिक लॉ, 480, जैसे हमारे देश में संविधान की धाराएं हैं 370, 371, 372, ऐसे ही अमरीका में कुछ कानून की धाराएं हैं, उनमें 480 नंबर की एक धारा है पब्लिक लॉ की। उस कानून के तहत अमरीका का गेहूं आता था हिंदुस्तान में, PL-480 का लाल रंग का गेहूं आता था, और उस गेहूं को अमरीका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत में बेचा जाता। ये समझौता पंडित नेहरू ने किया था। हमारे देश में गेहूं की कमी थी, ये बात सच थी, लेकिन रद्दी किस्म का गेहूं हम खाएं, ये पंडित जी ने किया हुआ समझौता। तो पाकिस्तान से बहुत ही घटिया क्वालिटी का वो रद्दी गेहूं आता था जिसको वहां जानवर भी नहीं खाते। तो एक बार अमरीका ने शास्त्री जी को परोक्ष रूप से धमकी दी कि हम आपको ये गेहूं की सप्लाई रोक देंगे, गेहूं नहीं देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है मत दो। अमरीका को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। शास्त्री जी ने कहा मत दो, हमें तुम्हारा गेहूं चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो गेहूं अमरीका में जानवर नहीं खाते वो भारत के लोग खाएं, ये तो हमारा अपमान है, और हम पैसा देके खरीदते हैं, कोई मुफ्त में नहीं लेते तुमसे, तो पैसे की पूरी कीमत भी दे रहे हैं गेहूं की और घटिया क्वालिटी का गेहूं हमको मिलता है, मत दो तुम, हमें चाहिए भी नहीं। बाद में अमरीका ने अपने दबाव को बढ़ाने के लिए एक और बात कही। एक दिन एक अमेरिकन सेक्रेटरी ने अखबार में स्टेटमेंट दे दिया कि अगर अमरीका की सरकार ने भारत को गेहूं बेचना बंद कर दिया तो भारत के लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो शास्त्री जी ने उसका करारा जवाब दिया और शास्त्री जी ने कहा अमरीकी आकाओं से कि हम हिंदुस्तानी भूखे मरे या ज्यादा खाके मरे, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है। हम भूखे मरेंगे या ज्यादा खाके मरेंगे, तुम कौन होते हो ये तय करने। और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी वैसे भी सप्ताह में 3-4 दिन तो व्रत रखते ही हैं, एक आध दिन का व्रत और बढ़ा देंगे, ये तो हमारी आदत है, हमारे संस्कार में शामिल है, हम सप्ताह में सोमवार को व्रत रख लेते हैं, शुक्रवार को व्रत रख लेते हैं, बृहस्पतिवार को भी, कुछ लोग तो ऐसे सप्ताह में 3-4 दिन किसी न किसी बहाने व्रत रखते ही है। तो शास्त्री जी ने कहा ये तो मैं जानता हूं, तुमको क्या तकलीफ है। और बाद में शास्त्री जी को ऐसा लगा कि अमरीका राजनीति चला रहा है, तो सामने से उन्होंने माने लोगों के मन में कहीं ये गलतफहमी ना फैल जाए कि अब गेहूं की कमी हो जाएगी, हम भूखे मर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर मुश्किल हो जाता है
कोई भी अफवाह फैलाई जा सकती है पूरे देश में, तो कोई सामने से आकर अफवाह फैलाए अपने देश में, उसके पहले शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी सभा की दिल्ली में रामलीला मैदान, और उस सभा में लाखों लोगों के सामने उन्होंने अपील की कि देखो हमने सामने से समझौता रद्द किया, अमरीका इस तरह की दबाव की राजनीति कर रहा था, हमें वो मंजूर नहीं है, और अमरीका से जो लाल रंग का गेहूं भी आ रहा था उसकी शर्त भी हमें मंजूर नहीं है, वो गेहूं भी घटिया क्वालिटी का था, पैसा भी हमको ज्यादा देना पड़ता था, इसलिए अब हम अमरीका से गेहूं नहीं खरीदेंगे कभी भी। तो क्या होगा कि देश में गेहूं की कुछ कमी हो जाएगी, अभी हमें तत्काल अपना गेहूं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब तक गेहूं की फसल आएगी उत्पादन बढ़ाकर, तब तक तो गेहूं की कमी होगी ही देश में। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सप्ताह में एक दिन कम से कम आप खाना मत खाइए। तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। माने शास्त्री जी का कहना और हिंदुस्तान के लोगों का उनको पाठिंबा देना, ऐसे कम नेता होते हैं देश में जिनकी इस तरह की अपील पर करोड़ों लोग एक साथ समर्थन करते हैं। शास्त्री जी की उस अपील पर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का समर्थन मिला। जो सभा में गए थे उन्होंने तो समर्थन किया ही, बाद में सभा के अंदर कुछ चुनिंदे वाक्य जो शास्त्री जी ने बोले थे वो बार बार रेडियो पर सुनाए गए पूरे देश में। उस समय तो टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो था, तो उन बातों को सुन सुनकर गांव के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग ने भोजन करना बंद कर दिया कि शास्त्री जी ने कहा है, शास्त्री जी ने कहा। मेरे घर में भी मैंने देखा, मेरी एक दादी माँ है वो सोमवार को खाना नहीं खाती। एक बार मैंने उसको पूछा ऐसे ही जिज्ञासा में कि तुम शंकर जी का व्रत करती हो इसलिए नहीं, उसने कहा नहीं नहीं शास्त्री जी को वायदा किया। तो ऐसी हिंदुस्तान में लाखों माताएं हैं, करोड़ों माताएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में जो शास्त्री जी को कभी 1965 में वायदा कर दिया तो आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते। तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। तो अमरीका ये देख चुका था कि शास्त्री जी पर किसी दबाव का असर नहीं पड़ता। तो जब पाकिस्तान की सरकार ने अमरीका को अप्रोच किया 8 जनवरी 1966 को कि अब तो हम जाने वाले हैं, किसी तरह से हमको बचाओ या युद्ध विराम कराओ, तो अमरीका ने फिर क्या किया कि सीधे शास्त्री जी को अप्रोच करने के बजाय जो शास्त्री जी के सबसे अच्छे दोस्त थे सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उनको कहा। अब उस समय सोवियत संघ का क्या निहित स्वार्थ था, सोवियत संघ और अमरीकी सरकार का एक ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहा था स्पेस मिशन का, सैटेलाइट का कुछ प्रोग्राम चलता था जिसमें अमरीका और सोवियत संघ के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे थे। तो अमरीका ने जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति को ये कहा तो इस बात की धौंस पट्टी देते हुए कि वो मिशन का प्रोग्राम रुक सकता है अगर आपने शास्त्री जी को रोका नहीं तो। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति अमरीकी दबाव में आए और उन्होंने फिर शास्त्री जी को कहा कि युद्ध रोकिए। अब शास्त्री जी के सामने धर्म संकट ये था कि अगर कोई दुश्मन कहे तो वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन सोवियत संघ तो बहुत अच्छा दोस्त था उसने कहा, और बाद में शास्त्री जी को ऐसा लगा कि सोवियत संघ से रिश्ते हमको बनाकर रखने पड़ेंगे क्योंकि अमेरिका को साधने के लिए सोवियत संघ को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। और यूनाइटेड नेशंस में कई बार ऐसा समय आया था जब सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी अमेरिका के विरोध में, तो शास्त्री जी ने मान लिया क्योंकि सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोलते थे और उन्होंने कहा कि ठीक है युद्ध विराम करते हैं। तो जब सेनाएं लाहौर पर झंडा लगाने की तैयारी कर रही थी तभी उनको आदेश मिला कि अभी रुक जाओ, और रुकने के बाद फिर शास्त्री जी को कहा गया कि अभी समझौता करिए। तो शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि हम समझौता जरूर करेंगे लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रतिनिधि और मैं आमने सामने बैठकर तय करेंगे। तो कहा गया कि हाँ ठीक है आप आमने सामने बैठकर तय करिए। तो कहाँ वार्ता होगी, तो फिर ताशकंद नाम की जगह तय की गई कि ताशकंद में चलो वार्ता होगी। तो शास्त्री जी जब ताशकंद गए समझौता करने के लिए तो सबसे बड़ा धक्का उनको लगा वो इस बात से लगा कि जो बात उन्होंने पहले कही थी कि हम आमने सामने बैठकर तय करेंगे, वहां पहुंचने पर उनको पता चला कि समझौते वार्ते की सारी शर्तें पहले से ही तय हो चुकी, और जिस पर समझौता करना है जो दस्तावेज है वो पहले से तैयार हो चुका, ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो शास्त्री जी ने कहा कि ये तो मुश्किल है, मैंने तो कहा था कि हम आमने सामने बैठकर शर्तें तय करेंगे और यहां शर्तें पहले से तैयार हैं, बस ये कहा गया था कि अब आप इस पे हस्ताक्षर करिए। हुआ क्या कि शास्त्री जी के साथ जो मंत्री गए थे उस समझौते के लिए वो सब बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग थे।
तो वहां क्या हुआ कि शास्त्री जी अकेले पड़ गए, और वहां क्या हुआ कुछ इस तरह का तमाशा हुआ कि शास्त्री जी कहने लगे कि आमने सामने बैठकर तय करेंगे, और जो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल के साथी उनके साथ थे उन्होंने कहा जी कर लीजिए, अब समझौता ही तो करना। अब हम सामने बैठकर शर्त तय करें उसमें एक फर्क होता है, और पहले से की हुई शर्त पर समझौता करें वो एक दूसरी बात होती है। तो जब मंत्रिमंडल के शास्त्री जी के सदस्यों ने उनको जोर दिया कि कर लीजिए समझौता, तो बिना इच्छा के शास्त्री जी ने वो समझौता किया, और समझौता करने के तुरंत बाद शास्त्री जी को मार दिया गया, उनकी हत्या हुई, उनको जहर दिया गया। सारे देश में प्रचार ये किया गया कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है, कोई हृदय गति उनकी नहीं रुकी, उनको जहर दिया गया। क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी आई ताशकंद से तो वो एकदम काली पड़ गई थी, और काली पड़ी हुई डेड बॉडी वही होती है जो या तो इलेक्ट्रिक शॉक से कोई मरा हो, बिजली का करंट लगने से मरा हो, या तो जहर देने से किसी को मारा गया। दो ही परिस्थिति में पूरा शरीर काला पड़ता है, या तो जहर गया हो आपके शरीर में, या बिजली का झटका लगा हो आपको ताकतवर और आप उसमें मरे। और यहां आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये झूठ पहले प्रचारित हुआ कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, तो उस झूठ को सच बनाने के लिए शास्त्री जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता कि इनकी हृदय गति से मृत्यु हुई है या इनको जहर दिया। हालांकि शास्त्री जी की पत्नी चाहती थी ललिता शास्त्री कि उनका पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो सब होता उसके पहले आनंद फानन जल्दी फल्दी शास्त्री जी का दाह संस्कार कर दिया गया। ये सब हुआ 1965 के उस पाकिस्तानी हमले में। अब जो समझौता हुआ जिसको ताशकंद समझौता हम कहते हैं, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ, उसमें शर्तें क्या थी जो शास्त्री जी को शायद स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए वो बोल रहे थे कि सामने बैठकर समझौता हो। सबसे खतरनाक और गंदी शर्त उसमें ये थी कि भारत के सैनिकों ने जो जीता हुआ इलाका है वो बिना शर्त पाकिस्तान को वापस करना हो। शास्त्री जी शायद ये चाहते थे, उनके मन में ये था कि हम लाहौर का इलाका पाकिस्तान को वापस करेंगे तब, जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमको वापस मिल जाए तब। ये उनके मन में था। 26,000 वर्ग मील इलाका हमारा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो हम एक हाथ से लेंगे तो जीता हुआ लाहौर दूसरे हाथ से पाकिस्तान को देंगे, ये उनके मन में था। इसलिए वो कह रहे थे कि हम सामने बैठेंगे तो समझौता होगा, लेकिन समझौते की जो शर्त तय की गई उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके को भारत को वापस देने की कोई बात नहीं थी, बल्कि भारत ने जो जीता हुआ इलाका था वो सब पाकिस्तान को देने की बात थी। और निश्चित रूप से ये समझौते की शर्तें अमरीका ने और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर तय की थी, क्योंकि अमरीका कभी नहीं चाहता कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका भारत को वापस मिले। अब क्यों नहीं चाहता ये बात मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन यहां संदर्भ आया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अमरीकी सरकार और पाकिस्तान के बीच जो सांठगांठ हुई 1965 के समझौते के पहले, वो सांठगांठ का नतीजा ये था कि बिना जम्मू कश्मीर के इलाके को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके को वापस लिए हुए अपना जीता हुआ सारा इलाका पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। गिलगित का पूरा इलाका जो जीता वो वापस किया, और लाहौर तक का इलाका जो जीता वो वापस किया। उस समय कुछ युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बनाया था, कुछ 1100-1200 सैनिक बंदी बनाए थे, वो भी वापस किए। मुझे इन सब की कोई तकलीफ नहीं। 1966 का जो समझौता मैंने पढ़ा उसमें कई बार मुझे लगता है कि शायद शास्त्री जी एक बात के लिए तैयार हो गए होंगे अंत में, जो उसमें आखिरी बात है कि पाकिस्तान ने फिर वायदा किया 1965 में कि हम भविष्य में फिर आक्रमण नहीं करेंगे। अभी यह समझौता हमारा अंतिम समझौता है, हम कभी भविष्य में आक्रमण नहीं करेंगे। शायद इसलिए तैयार हुए हों कि यह भविष्य में फिर आक्रमण करेगा, फिर तकलीफ करेगा, इसलिए शायद तैयार हुए हों, वैसी परिस्थिति में समझौता हुआ हो। अभी दुर्भाग्य यह है कि शास्त्री जी के साथ जो भी गए थे उस समझौता वार्ता में कोई अभी जिंदा नहीं, तो किसी से सही बात पूछें तो वो पता भी नहीं चल सकता, वो सब जा चुके हैं इस दुनिया से तो पता भी नहीं चल सकता। वो सेक्रेटरी भी जिंदा नहीं है जो वहां पर उपलब्ध थे, वो मंत्री भी जिंदा नहीं है जो वहां पर गए हुए थे, तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ वो हमारे हित के विरुद्ध हुआ, हमारे हित के समर्थन में नहीं हुआ।
लेकिन एक संतोष जरूर है मुझे कि 1965 के आक्रमण में कम से कम 1962 की स्थिति नहीं थी। 1962 में हमने गिरकर समझौता किया था, सामने से अमेरिका को अपील की थी, तब चीन के साथ हमारा समझौता हुआ था। 1965 में हम ऊपर थे और पाकिस्तान ने गिरकर हमसे समझौता किया था। परिस्थिति कम से कम इतनी बदली हुई तो थी, और 1965 के समझौते में कम से कम इतना तो था ही कि हमने कुछ नया इलाका अपना पाकिस्तान को या किसी को दिया नहीं था। 1962 की लड़ाई में तो 72,000 वर्ग मील चला गया, 1947 की लड़ाई में तो 26,000 वर्ग मील चला गया, लेकिन 1965 की लड़ाई में गया कुछ नहीं था अपनी गांठ का, अपनी जेब का। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए, वो सबसे बड़ा नुकसान था इस देश का। और शास्त्री जी का जाना इस देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि मेरी अपनी मान्यता में वो 50 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो न भूतो न भविष्य थे, माने ना कभी हुए और ना कभी होने की संभावना है। तो आप पूछेंगे ऐसी क्या खास बात थी उनमें, सबसे बड़ी बात थी शास्त्री जी के पूरे जीवन में वो उनकी सादगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके पास सिर्फ दो जोड़े कपड़े होते, एक को धोना सुखाना, दूसरे को पहनना। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो अपनी धोती को सिलकर पहन सकते थे अगर वो फट गई तो, माने उनकी धोती में अगर कहीं फट गया तो नई धोती खरीदने के बजाय उसी को सुई धागे से सिला और उसी को पहना। और जब ये सब शुरू हुआ था युद्ध 1965 में, तो युद्ध शुरू होते ही शास्त्री जी ने रेडियो पर एक भाषण दिया था हिंदुस्तान के लोगों को अपील करते हुए, और उन्होंने ये कहा था कि युद्ध शुरू हुआ है, इस युद्ध में पता नहीं देश का कितना संसाधन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये भी नहीं मालूम कि ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि हमने नहीं शुरू किया है, दुश्मन ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है, अब उसका जवाब तो हमें देना ही है, लेकिन वीरता के पूर्वक, वीरता के साथ देना है, तो इसमें कुछ भी पैसे खर्च हो सकते हैं, संसाधन लग सकते हैं। तो लोगों से उन्होंने अपील की कि इस युद्ध में पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए लोग अपने जीवन के फालतू खर्चे कटौती करें, और वो खर्चों को या तो बचत के रूप में राष्ट्र के काम में लगाएं या सीधा सेना के लिए दान करें। तो उन्होंने ये अपील की कि आप अपने फालतू खर्चे कम करिए, खर्चे कम नहीं करिए, फालतू खर्चे, जो एक्स्ट्रा आपका बजट है अपने परिवार का वो कम करिए, जरूरी खर्चे तो करिए ही, लेकिन जो बेकार के खर्चे हैं जिनको आप रोक सकते हैं उन्हें कम करिए, वो देश के काम आएंगे जरूरत के समय। तो शास्त्री जी ने जब ये अपील की लोगों से कि आप अपने जीवन का एक्स्ट्रा खर्च कम करिए, तो पहले उन्होंने अपने जीवन में उसे खुद किया, तब कहा रेडियो पर। और खुद कैसे किया उन्होंने, उनके घर में एक बाई आती थी उनके कपड़े धोने के लिए और उनके कमरे की सफाई करने के लिए, पोछा झाड़ू लगाने, उस बाई को उन्होंने कहा कि अभी तुम कल से मत आना, क्योंकि मैं अपने फालतू खर्चे कम करना चाहता हूं। तो बाई ने कहा कि आपके कपड़े कौन धोएगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, उन्होंने कहा मैं खुद करूंगा। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने कपड़े खुद धोता और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी बैठक के कमरे में खुद झाड़ू लगाता, मैं खुद करूंगा। उनके घर में एक अध्यापक आता था उनके बेटे को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, उनका एक बेटा अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर था तो उसको पढ़ाने के लिए एक अध्यापक आता था। तो अध्यापक ने कहा एक दिन कि आपने मुझे जाने के लिए बोल दिया क्यों, तो शास्त्री जी ने कहा मुझे खर्चे कम करने, तो तुम नहीं आना। तो उसने कहा आपका बेटा अंग्रेजी में कमजोर है, फेल हो सकता। तो शास्त्री जी ने बड़े आसानी से जवाब दिया कि हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चे अंग्रेजी में ही फेल होते, तो मेरा बेटा भी फेल हो जाए, इसमें आपको क्या तकलीफ। बहुत सहजता से उन्होंने कहा कि करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान के अंग्रेजी में ही फेल होते, हिंदी में थोड़ी होंगे, अंग्रेजी में ही होंगे, जब अंग्रेज हिंदी में फेल हो सकते हैं तो हिंदुस्तानी अंग्रेजी में फेल हो सकते हैं, इसमें तकलीफ की क्या बात।
तो ठीक है तुम भी नहीं आना। तो इस तरह के व्यक्ति थे, अपने खर्चे कम कहां कर रहे थे, अभी वो बीड़ी पीते नहीं थे, सिगरेट पीते नहीं थे, पान खाते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, और खर्चे उनके क्या थे, यही खर्चे थे, उसको भी कम किया। और आप जानते हैं कि उस समय उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, फिर भी पत्नी को कष्ट दिया, खुद ने कष्ट सहन किया, लेकिन तो घर के खर्चे कम किए। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तो कुछ उनके सहयोगी लोगों ने उनके ऊपर एक बार कीचड़ उछालने की कोशिश की, और इस तरह का देश में कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया। अब उनके नाम लेकर मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। शास्त्री जी को जो अपना विरोधी मानते थे, ऐसे भी कुछ लोग थे मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया कि शास्त्री जी तो दिखावा करते थे, सच्चे में तो उन्होंने करोड़ों रुपए जमा किए, बाहर से दिखावा करते थे कि उनके पास कुछ नहीं है, या वो अपने जीवन में कटौती से रहते। तो ललिता शास्त्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो जो वो कभी नहीं चाहती थी वो काम फिर उन्हें करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा? उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पासबुक थी उसको जाहिर किया, और उनकी पासबुक में कुछ 365 रुपए कुछ 35 पैसे निकले। तब उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार करने वाले थे सबके मुंह बंद हुए। इस तरह के व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। अब आप जरा कल्पना करिए कि एक भारत का प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, उसके पास 365 रुपए निकले, कोई सोच सकता है? यहां तो किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नगर सेवक हो जाए, वो उसके खजाने में उसका अकाउंट खोलेंगे तो 1-2 करोड़ निकल आएगा, और कहां भारत का प्रधानमंत्री उसके अकाउंट में 365 रुपए। ये आज हमारे लिए कल्पना से भी बाहर की बात है। हो सकता है कि आज से और 10 साल के बाद हमारी जब नई पीढ़ी जवान होगी और भ्रष्टाचार की गंगोत्री को चारों तरफ देखेगी, तो उनके लिए तो ये कोई कहानी किस्से की बात होगी कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा एक प्रधानमंत्री भी हुआ इस देश में, जिसके पास कुछ नहीं था, अपने बैंक बैलेंस। आज हिंदुस्तान में जो नेता है किसी भी पद पर है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि किसी नेता के पास कुछ भी ना हो। 10 साल बाद तो और भी मुश्किल होगा ये कल्पना करना, लेकिन वो थे, इसी जमीन के व्यक्ति थे। और जब वो गए ताशकंद समझौता करने के लिए, तो घर से निकलते निकलते उनकी पत्नी ने उनको टोका कि अब तो आप विदेश जा रहे हैं समझौता करने के लिए, कम से कम आज तो आप ये फटी हुई धोती मत पहन के जाइए, कोई नई धोती ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसान तो इससे भी ज्यादा गरीबी में रहते, और मैं तो उनका प्रधानमंत्री हूं, मैं श्रीमंतों का प्रधानमंत्री नहीं। तो वही फटी हुई धोती जो सुई से धागे से सिली हुई थी उसी को पहनकर गए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुए न कभी होने की संभावना। वही कष्ट है 1965 के युद्ध का कि शास्त्री जी चले गए, बाकी कुछ भी गया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ऐसा हीरा आदमी चला गया जो कम पैदा होते, ऐसे लोग कम पैदा होते, वो 1965 की लड़ाई में हुआ हमारे देश के खिलाफ। फिर 1965 के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर हमला किया 1971, समझौता किया 1965 में, अपने ही समझौते को 5 साल बाद पाकिस्तान ने फिर नकारा, फिर हमला किया। लेकिन 1971 का जो हमला था उसमें पाकिस्तान ने बहुत कूटनीतिक तरीके से काम किया था, और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर उस हमले की योजना बनाई। 1971 की लड़ाई में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के सेना अधिकारियों ने मिलकर योजना बनाई थी, और पहली बार 1971 के आक्रमण के समय में अमरीकी सैनिक अधिकारी पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। योजना भी उन्होंने मिलकर बनाई थी। तो योजना कैसी थी उनकी कि पाकिस्तान ने पहले क्या किया कि जो पूर्वी पाकिस्तान का इलाका है जिसको आज आप बांग्लादेश कहते, पहले तो ये बांग्लादेश नहीं था 71 के पहले, ये पूर्वी पाकिस्तान था। अब आप जानते हैं, नक्शे को ध्यान में रखें तो पूर्वी पाकिस्तान से हमारे बंगाल की सीमा सटी हुई है, और वो सीमा ऐसी है जिस पर ना तार की बाड़ थी पहले, ना कोई बाउंड्री बनाई गई थी, ना कुछ था, एकदम खुली हुई थी, ओपन थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठियों को बंगाल में घुसाना शुरू किया,
शरणार्थी के नाम पर, तो पाकिस्तानी शरणार्थी के नाम पर वहां से घुसपैठिए घुसने लगे बंगाल की सीमा में, और बंगाल की सीमा में घुसपैठियों ने हजारों की संख्या में घुसना शुरू किया। उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो मुहाजिर हैं पाकिस्तान। मुहाजिर माने जो भारत से गए हुए मुसलमान पाकिस्तान में हैं, उनको वहां मुहाजिर कहते हैं, और मुहाजिर लोगों को पाकिस्तान में हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत साल तक मुहाजिरों को पाकिस्तान में वोट देने का भी अधिकार नहीं था, और मुहाजिर लोग अगर कोई धंधा करें पाकिस्तान में तो धंधा भी नहीं चलने देते। वहां की जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उन सरकारी नौकरियों में मुहाजिर तो सवाल ही नहीं उठता, वो चला जा, और जाएगा भी तो नीचे के पद पर रहेगा, उच्च स्तर का अधिकारी तो कभी नहीं बन सकता, और कुछ अपने दम पर धंधा करेगा, व्यापार करेगा, उद्योग में ऊंचा जाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं जाने देते, लूट लेंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो जो मुहाजिर थे वो भी उन शरणार्थियों के साथ बड़ी संख्या में आने लगे। उनको पहले ऐसा लगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान में गए, उनको ऐसा लगा कि ये कौम के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो रहा है तो हमें शायद पाकिस्तान में ज्यादा सहूलियत मिलेगी, ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, तो वो भागे वहां से, बंगाल छोड़कर भागे। लेकिन थोड़े ही दिन में उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई कि पाकिस्तान में तो हम हिंदुस्तान से भी ज्यादा बुरी हालत में रहते, जो हालत में वो यहां रहते थे उससे भी ज्यादा गई गुजरी हालत उनकी पाकिस्तान में थी, तो वो फिर भागे वहां से शरणार्थियों के साथ। तो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और ये सब बहुत वेल प्लान्ड तरीके से हुआ, पाकिस्तान और अमरीका की बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये हुआ। तो वो घुसते गए तो संकट क्या आया हमारे देश में, बंगाल की सरकार का बजट गड़बड़ाया। बंगाल की सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा शरणार्थियों के ऊपर खर्च होने लगा, मुहाजिर जो भाग के आते थे पूर्वी पाकिस्तान से उनके ऊपर खर्च होने लगा। तो एक दिन बंगाल की सरकार ने भारत की सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे बजट में तो अब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम इन शरणार्थियों के लिए कुछ कर सकें, लिहाजा भारत सरकार हमारे लिए कुछ अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करे। तो भारत सरकार ने थोड़े दिन तक तो किया, लेकिन कितने दिन करती। तो एक दिन भारत सरकार को भी लगा, भारत सरकार की उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उनको एक दिन लगा कि कितने दिन ये सब चलेगा। तो बंगाल की सरकार और भारत की सरकार के बीच में अक्सर इस मामले पर तनातनी होती थी। शरणार्थी आते हैं, उनके लिए पैसे की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। अब उसका एक दूसरा भी विचित्र संकट है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हमने कर रखी हैं, उनमें से एक संधि ऐसी है कि पड़ोसी देश से कोई शरणार्थी आए आपके देश में शरण मांगने के लिए, आप उसको मार भी नहीं सकते, रखना ही होगा आपको, या तो आप उसको सम्मान सहित वापस लौटा दीजिए, नहीं तो रखिए। तो ऐसी कुछ संधियों के चलते हाथ बंधे हुए थे सरकारों के। तो अक्सर भारत सरकार और बंगाल सरकार में इस बात पर कुछ ना कुछ गरम गरम होता रहता। भारत की सरकार ने फिर पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, और इस बात के लिए बहुत सारे देशों के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव भी रखे कि इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन अमरीका का चूंकि इसमें पूरा साजिश थी, इसलिए दुनिया के किसी देश ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार चुनौती भी दी दुनिया के बहुत सारे देशों को कि अगर बाद में हमें कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ा, मान लीजिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ा, तो फिर आप मत कहिएगा कि हमने ये कठोर कदम उठाया, अभी आप या तो इस मामले को हल कराइए। लेकिन कुछ हो नहीं पाया, और इस बीच में इंदिरा गांधी लगातार कोशिश करती रही। तो एक तरफ तो ये कोशिश जारी थी, और अचानक से 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। हमला बोला पाकिस्तान की वायुसेना ने सबसे पहले, और हमारे देश में जोधपुर में, आगरा में और दिल्ली में बम गिराए पाकिस्तान के सैनिकों ने 3 दिसंबर को सवेरे सवेरे 2:30 से 3 बजे के आसपास। अचानक से आगरा के हवाई अड्डे पर बम गिरे, दिल्ली में, जोधपुर में, जगह जगह बम गिरे। तो फिर भारतीय वायुसेनाओं को आदेश दिया गया कि अब पूरी ताकत से लड़ो, युद्ध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा में अगर फ्लाइट शुरू हो लड़ाकू हवाई जहाजों की तो मान लिया जाता है कि युद्ध शुरू हो गया। तो जैसे ही हवाई जहाज पाकिस्तान के भारतीय सीमा के अंदर आए तो भारत ने युद्ध की घोषणा की। तो फिर भारतीय सैनिकों ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा।
अब इस युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत चतुराई का काम किया, जब उनको ये अंदाजा लग गया कि अमरीका पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में है और जो G7 देशों का पूरा समर्थन है वो भी पाकिस्तान के ही साथ है और अमरीका कभी अब भारत के साथ आने वाला नहीं, कम से कम इस युद्ध में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक चल गया तो अमरीका जैसे देशों को चौधराहट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो उनकी रणनीति जो उन्होंने बनाई थी वो ये कि कम से कम समय में युद्ध खत्म होना चाहिए और हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। तो मिनिमम टारगेट क्या था? मिनिमम टारगेट ये था कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा दो और ये जो भागकर आने वाले शरणार्थी हैं इनको कहो कि तुम्हारे लिए ये अलग देश की व्यवस्था, तुम यहां रहो, कम से कम हमारी सीमा के अंदर मत भेजो। अब शेख मुजीबुर रहमान नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे पूर्वी पाकिस्तान में, वो चाहते भी थे बहुत पहले से, उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बना रखी थी, प्राइवेट उनकी आर्मी थी। तो मुक्ति वाहिनी का पूरा कैंपेन ही चलता था पूर्वी पाकिस्तान में कि हम तो अलग होंगे एक ना एक दिन, हमारा पाकिस्तानियों से कोई मेल नहीं बैठता, उनकी संस्कृति के साथ भी मेल नहीं बैठता, हम तो बंगला भाषी हैं, पाकिस्तानी तो उर्दू भाषी हैं, हमारी तहजीब बिल्कुल बंगालियों जैसी है, पाकिस्तानियों की तहजीब बिल्कुल अलग है। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि बंगाल के मुसलमान तो दुर्गा की पूजा करते हैं, नव दुर्गा का उत्सव मनाते हैं, जैसे आप यहां नव दुर्गा सजाते हैं वैसे तो बंगाल के मुसलमान भी सजाते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति भी रखते हैं 9 दिन, जैसे आप करते हैं वैसे वो भी करते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान में भी इसी तरह के उत्सव होते थे। तो उनको लगता था कि या तो हम वापस भारत में मिलेंगे नहीं तो हमारा तो अलग राष्ट्र होगा इस तरह का। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 के उस युद्ध में भारतीय सेनाओं का समर्थन किया और भारतीय सेनाओं ने फिर शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन किया। भारत के लिए वो जरूरी ही था कि शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन करके एक अलग राष्ट्र बना दिया तो उसका नाम बांग्लादेश हुआ। ये पूरी की पूरी लड़ाई 1971 वाली 14 दिन में खत्म हो गई। 3 दिसंबर को हमला हुआ और करीब 16 दिसंबर की शाम तक एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश बन गया और सारी दुनिया में कूटनीतिक तरीके से इतना तेज काम किया श्रीमती इंदिरा गांधी के कुछ लोगों ने कि सारी दुनिया से अचानक से हफ्ते भर के अंदर बांग्लादेश को मान्यता भी दिलवा दी। ऐसे देशों से पहले मान्यता दिलवाई जो भारत के समर्थन में थे और धड़ मान्यता मिलती गई। बहुत थोड़े से देश रह गए G7 और अमरीका जैसे, तो बाद में वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि अकेले पड़ गए। और जब ये 14 दिन के अंदर युद्ध खत्म हुआ तो अमरीका को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि भारतीय सेना इतनी जल्दी युद्ध खत्म करेगी। तो अमरीका के राष्ट्रपति ने बाकायदा घोषणा की थी, आप में से बहुत लोग शायद जानते भी होंगे, अमेरिकन सेनेट में प्रस्ताव भी पारित हुआ था, अमेरिकन कांग्रेस माने अमेरिका की जो राज्यसभा सेनेट, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि अमरीका की सेना पाकिस्तान के समर्थन में लड़ने के लिए भारत जाएगी और अमरीका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना भी किया था, 7th फ्लीट। एक अमेरिका की सेना का एक बड़ा हिस्सा है उसका नाम है 7th फ्लीट, उसमें कुछ 1500 सैनिक होते हैं। तो उनको रवाना किया कि वो भारत के विरोध में लड़ेंगे, पाकिस्तान के समर्थन में लड़ेंगे। श्रीमती गांधी को ये मालूम था कि ये सब कुछ ना कुछ होगा, इसलिए 14 दिन में लड़ाई खत्म की। जब तक अमरीकी सेना आती युद्ध लड़ने के लिए तब तक तो सब कुछ हो गया था, बांग्लादेश भी अलग हो गया था। और बांग्लादेश ही अलग नहीं हुआ था, अमरीकी सैनिकों की हताशा और बढ़ी जब पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया। तो अमरीकी सैनिकों को लगा कि हम जिनके लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं वो पहले से सरेंडर करके बैठे हैं, तो हमारे लिए कहीं उल्टी स्थिति ना बन जाए वहां पहुंचकर। तो अमरीका को भी फिर विचार करना पड़ा कि हमारा ये फैसला ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो 7th फ्लीट आते आते फिर वापस लौट गया। तो पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, बांग्लादेश नाम का एक अलग राष्ट्र बन गया। 94,000 सैनिकों के सरेंडर का अर्थ उस समय क्या था? पाकिस्तान की सेना की कुल ताकत उस समय 2,00,000 जवान की थी, उसमें से 94,000 ने सरेंडर किया। आज पाकिस्तान की सेना की ताकत 4.5 लाख की है, 4.5 लाख जवान है पाकिस्तान की सेना में, लेकिन 1970-71 में तो 2,00,000 थे लगभग। तो 2,00,000 जवान की सेना में 94,000 ने सरेंडर किया, माने आधी सेना पाकिस्तान की हमारे कब्जे में थी और उन सबको युद्धबंदी बनाकर भारत में लाया गया।
फिर अमरीका को लगा कि उसकी तो सारी योजनाएं फेल हो गई। तब अमरीका ने फिर एक कूटनीतिक प्रयास शुरू किया कि चलो भारत सरकार से फिर समझौता करो, पाकिस्तान सरकार भारत सरकार फिर समझौता करे। यूनाइटेड नेशंस में फिर तमाशा हुआ, G7 के सामने फिर तमाशा हुआ। G7 देशों ने कहना शुरू किया कि तुमको कर्ज नहीं देंगे भारत सरकार को, आपको समझौता करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो भारत की सरकार कुछ दिनों तक तो टालती रही, लेकिन फिर मुश्किल हो गई क्योंकि अमरीका कूटनीति में बहुत माहिर है, दुनिया के सभी देशों का समर्थन कई बार वो डरा धमका के भी लेता है, गैर वैधानिक तरीके से भी ले लेता है। तो उसी चक्कर में फिर भारत की सरकार ने वो पाकिस्तान को वापस किया, और जो सैनिक आए थे पाकिस्तान के 94,000 शिमला समझौते की पूर्व शर्त के अनुसार उसको भी वापस किया। 94,000 पाकिस्तान के सैनिक वापस गए यहां से, और जमीन जो जीती थी वो भी वापस गई। जो एक जीती हुई जमीन का बड़ा हिस्सा था तो वो तो बांग्लादेश बन गया, उसके वापस जाने का प्रश्न नहीं था, लेकिन भारत के सैनिकों ने छम का पूरा इलाका जीत लिया था 71 के युद्ध में, वो छम का पूरा इलाका पाकिस्तान को वापस किया। फिर पाकिस्तान ने वायदा किया कि हम कभी भविष्य में आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। 1947 में किया, फिर 1965 में किया, फिर 1971 में, और 1971 में जब कहा कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी दोनों देश आपस में बातचीत करके कोई भी मामले का फैसला करेंगे, फिर पाकिस्तान ने अपने ही कहे हुए को फिर तोड़ा। कब? 1987 में, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो अचानक से बेनजीर भुट्टो ने एक दिन पाकिस्तानी सैनिकों को आदेश दिया हमला करने का। राजीव गांधी को पहले पता चल गया कि हमला होने की संभावना है क्योंकि गतिविधि बढ़ गई थी, तो उन्होंने भारतीय सेनाओं को भी आदेश दिया और भारतीय सैनिक 30,000 की संख्या में जम्मू कश्मीर इलाके में इकट्ठे हो गए। तो पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि हमारी योजना फेल हो गई क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भारतीय सेनाओं को पता न चले और हमला करे, वैसी उनकी कोशिश थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। राजीव गांधी ने जब पूरी संख्या में वहां सैनिकों को एकत्रित करा दिया और तैनात करा दिया तो पाकिस्तान ने हमला करते करते अपने आप को रोका। और फिर क्या हुआ? फिर राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो में समझौता। फिर 1987 में पाकिस्तान ने कहा कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे। फिर वो 1997 का, वो 87 का किया हुआ प्रस्ताव पाकिस्तान ने अभी तोड़ा। और अभी क्या था कि हमला करने के पहले पाकिस्तान ने समझौता किया था लाहौर, और ऐसे ही 87 में हुआ था, हमला करने के पहले समझौता, हमला होने के पहले समझौता। उसके पहले के समझौते जो थे वो हमले के बाद के थे। पिछले 15-20 साल में जो दो समझौते हुए वो हमले के पूर्व हुए। तो दोनों समझौते हुए और उसमें कहा कि हम तो कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमला किया। लाहौर समझौते में तय करने के बाद भी हमला किया और 87 में राजीव गांधी के साथ हमला करते करते रुक गया। ये है पाकिस्तान का चरित्र। अभी इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में मैं समेटना चाहूं और आपके दिमाग में वो दर्ज रहे हमेशा, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए इतनी लंबी कहानी सुनाई, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान क्या है? कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। अगर कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को 20 साल भी पत्थर के नीचे आप दबा के रखिए तो भी वो सीधी नहीं होती। उसको चाहे जितना खींच खींच के सीधा करने की कोशिश करिए वो हमेशा टेढ़ी ही होती। कभी भी आप उसको चाहे जितना तेल लगाकर सीधा करिए, चाहे किसी एपरेटस से सीधा करिए, चाहे जिस टेक्नोलॉजी से इंजेक्शन लगा के सीधा करिए, कभी सीधी नहीं। वो ही है पाकिस्तान। हाँ, अब ये आप सोचिए कि उसका क्या किया जाए कि जो सीधा ही नहीं होता तो फिर उसके साथ कुछ और दूसरा तय करना पड़े, तो उसके बारे में सोचना चाहिए हम सबको गंभीर। ये पूरी जो बात मैंने आपसे कही इसमें से दो चीजें आप सब ध्यान समझें। हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान ये जो सब करता है वो कैसे करता? अभी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े संपादक हिंदुस्तान आए थे, उनका नाम था नजम सेठ। उनका दिल्ली में एक बड़ा भाषण हुआ। उनके भाषण में उन्होंने जो कहा उसमें से एक दो बात बहुत मजेदार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उनके भाषण का पूरा टेप मेरे पास है। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, एक अखबार का सीनियर रिपोर्टर है,
वो उनके भाषण का कवरेज करने के लिए गया था अखबार के रिपोर्ट बनाने के सिलसिले में, तो वो टेप रिकॉर्डर लेके गया, पूरा भाषण टेप करके लाया। उसने कहा तुम्हारे काम की चीज है, इसको जरूर सुनो। तो मैंने उसको सुना, कई बार सुना। तो नजम सेठी ने अपने भाषण में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही जो हमको समझने की है। उसने कहा कि पाकिस्तान पिछले 50 साल के आजादी के बाद भी, हालांकि उन्होंने आजादी शब्द इस्तेमाल किया, अगर वो कहते कि भारत से अलग होने के बाद भी अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बना नहीं पाया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने, 50 साल के बाद किसी भी स्तर पर, न सैन्य स्तर पर, न आर्थिक स्तर पर, न सामरिक स्तर पर, न कूटनीतिक स्तर, कहीं पर भी पाकिस्तान अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमेशा पाकिस्तान को किसी ना किसी बड़े देश की उंगली पकड़कर ही चलना पड़ता है, वो चाहे अमरीका की पकड़े या G7 की पकड़े, पाकिस्तान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। एक दूसरी बात उन्होंने कही नजम सेठी ने, कि हम पाकिस्तानी लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या होने वाला, हमको यही नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम पाकिस्तानी लोगों की अपनी जो आबरू, इज्जत, महजब, ये जो सब महजबी बातें, ये जो सब हम करते रहते हैं, ये सब हमारे लिए एक ढकोसला जैसी बन गई, ना तो हमारी कोई पाकिस्तानियत रह गई है, ना कोई हमारे धर्म की ऐसी विशेषता रह गई है, उसमें आडंबर और ये सब बहुत हो गया, ऐसी बात उन्होंने कही। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही अपने भाषण में, मैं सिर्फ इन्फरेंस आपको दे रहा हूं, कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल करीब करीब कॉलेप्स हो चुकी है, खलास हो चुकी है। कैसे? वो उन्होंने बताया अपने भाषण में कि पाकिस्तान की सरकार का जो बजट होता है उसका 95% विदेशी कर्जे से आता है। माने पाकिस्तान की सरकार अपने बजट में अगर 100 रुपए खर्च करे तो 95 रुपए वो कहीं से भीख मांग के लाती है। 5 रुपए सरकार का अपना खीसे का होता, माने उनकी अपनी कमाई का होता, तो बजट का 95% उनका विदेश से आता है, ना आए तो बजट नहीं बनता, ऐसी हालत हो गई। अर्थव्यवस्था कितनी बुरी हालत में है पाकिस्तान की, उसका उन्होंने एक दूसरा सबूत दिया कि इस समय पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें 70% बंद पड़े हुए। एक और बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, तो कॉटन का कपड़ा बनाने वाली जो मिलें हैं वहां पर, बड़ी मिलें या लूम्स हैं वहां के, जो पावर लूम्स हैं, उनमें 65-70% बंद पड़े, वो एक्सपोर्ट भी उनका गिरता जा रहा। आंतरिक हालत लगातार खराब होती जा रही है, ना कोई लॉ है ना कोई ऑर्डर है, कहीं भी हत्याएं होती हैं, कहीं भी मर्डर होता है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। चुनाव किस तरह से होते हैं वो भी उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इसमें से 2 बातें हमारे काम की हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। एक बात तो हमारे काम की ये है कि अगर पाकिस्तान के आर्थिक बजट में 95% विदेशी कर्जे से आता है तो फिर पाकिस्तान ये बार बार हमला करने की हिम्मत कैसे करता, ये हमको समझना चाहिए कि आखिरकार कोई तो है जो पाकिस्तान को ये हमला करने के लिए पैसा देता है, हथियार देता है, सुविधाएं जुटाता है, सब काम करता है। क्योंकि जिस सरकार का 95% हिस्सा विदेशी कर्जे पर चलता हो, वो सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करके युद्ध झेल लेगी, बड़ी मुश्किल बात है। हमारी सरकार को 1500 करोड़ लग गया इस युद्ध में, जबकि हमने हमला नहीं किया, हम डिफेंसिव थे, हम सिर्फ अपनी सीमा के अंदर आए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने के काम में थे, तब हमें 1500 करोड़ लगा, तो पाकिस्तान को कम से कम 3500-4000 करोड़ लग गया होगा, क्योंकि वो तो ऑफेंसिव थे और उन्होंने तो चौकियां बनाई थी, बंकर बनाए थे, पता नहीं क्या क्या तामझाम किया था, उसमें खर्चा तो लगता ही है। तो हमेशा 3000-4000 करोड़ रुपए का खर्च, और ऐसा बार बार होने वाला खर्च जिस देश की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी हो, गरीबी, बेकारी, भूखमरी की इतनी बुरी हालत है। नजम सेठी ने ही कहा कि हर साल हजारों लोग भूख से मर जाते हैं, उसका कुछ गिनती नहीं होती पाकिस्तान। कब कराची में दंगा हो जाएगा, कब इस्लामाबाद में दंगा हो जाएगा, कुछ उसका भरोसा नहीं। तो ऐसी हालत में अगर कोई राष्ट्र पड़ा हुआ हो, वो भारत जैसे राष्ट्र पर बार बार हमला करे, भारत से तुलना में पाकिस्तान की कैसे करता हूं, पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ की, हमारी आबादी 100 करोड़ की। पाकिस्तान की आबादी का तो हमारे देश में एक प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, और जितना उनका इलाका है, जितना उनका क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को निकाल दिया जाए, 26,000 वर्ग मील जो हमारा है, वो बाकी है ही नहीं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का अपना जो ओरिजिनल क्षेत्रफल है वो करीब करीब उत्तर प्रदेश के ही बराबर, इससे बड़ा नहीं। तो हमारे देश के एक प्रदेश के मुकाबले का राष्ट्र हमसे कई गुना छोटा आबादी में, हमसे कई गुना छोटा बजट में, हमसे कई गुना छोटा जीडीपी में, हमारा जो जीडीपी है और पाकिस्तान का जीडीपी है, जमीन आसमान का फर्क, कहीं दिखता ही नहीं है वो। तो ऐसा छोटा राष्ट्र, इतना कमजोर राष्ट्र आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और सामरिक रूप से कितना कमजोर है पाकिस्तान। एक बार मेरे एक मित्र हैं जो आर्मी में रह चुके हैं दिल्ली में, एक बार मैं उनसे चर्चा करता था, मैंने उनको पूछा कि मान लो कल्पना करो कि हम सब हिंदुस्तानी आर्मी को एक मिशन पे लगाएं कि पाकिस्तान पे कब्जा करो, तो कितने दिन लगेंगे। तो उन्होंने कहा, राजीव भाई, अगर पूरे आर्मी को हम इस तरह से कहें कि हमारी जो पाकिस्तान से सीमा रेखा है, पूरी सीमा रेखा पर एक साथ अगर युद्ध शुरू करें हम, तो पाकिस्तान की सेनाओं में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो 4-5 दिन टिक सके। आप ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं, अगर पूरी सीमा रेखा पर एक साथ युद्ध शुरू हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो 4-5 दिन भी नहीं लगेंगे उनको सरेंडर करने, ये उनकी ताकत है। युद्ध कैसे होता है, पाकिस्तान चतुराई के साथ पूरी सीमा रेखा पर कभी युद्ध नहीं करता, आप ध्यान लीजिए, एक छोटे से सेक्टर में युद्ध करेगा। अभी जैसे कारगिल है, बटालिक है, द्रास सेक्टर है, ये कोई बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, उसमें युद्ध करेगा, या कहीं और राजस्थान के इलाके में करेगा, या कहीं और करेगा, एक साथ पूरी सीमा रेखा पर युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं है उनकी, क्योंकि उनकी इतनी तैयारी भी नहीं। तो वो कह रहे थे कि एक साथ अगर पूरी सीमा रेखा पर युद्ध हो जाए तो 4-5 दिन में उनको सरेंडर करना पड़ सकता है, तो इतनी उनकी सामरिक शक्ति है। तो आखिरकार फिर पाकिस्तान को क्यों ऐसी बदहवासी है कि वो बार बार हमला करता है, बार बार हमला करता है, और कोई तो है जो उसको हमला करने में बार बार मदद करता है, पैसे के रूप में, हथियार के रूप में, बाकी रूप में। जो देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद करता है हथियार के रूप में, पैसे के रूप में, उसका नाम है अमरीका। और ये अमरीका नाम का ही देश है जो पाकिस्तान को हमेशा उकसाता रहता है भारत के खिलाफ हमला करने की। क्यों? अब मैं जो पहले बात कह रहा था कि अमरीका कभी नहीं चाहता कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका भारत में वापस जाए। अमेरिका की प्लानिंग क्या है कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। अमेरिका ये चाहता है कि अमरीकी सैनिक अड्डे वहां पर बन जाए। आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में अमरीका के सैनिक अड्डे हैं, अफगानिस्तान में है, फिलीपींस में है, कोरिया में है, जापान में है, लैटिन अमेरिका के कई देशों में है, अफ्रीका के कई देशों में, तो कई देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, और कई जगह अमेरिका के सैनिक मिसाइल लगाकर बैठे हुए। अमेरिका वही चाहता है कि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, यहां पर भी अमेरिका के सैनिक अड्डे बन जाएं। और अमेरिका की एक दूसरी कोशिश भी है कि ये जम्मू कश्मीर नाम का इलाका भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान के पास भी ना जाए, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, ताकि अमेरिका उसको अपने प्रभाव में लेकर अपने सैनिक अड्डे वहां पर स्थापित कर ले। अमेरिका को क्या स्वार्थ है यहां सैनिक अड्डे बनाने के लिए? यहां अगर सैनिक अड्डे अमेरिका के बन जाएं, तो अमेरिका को अपने दो दुश्मन से लड़ाई करने में बहुत सुविधा हो सकती है, एक रूस, दूसरा चीन। तो रूस और चीन नाम के दो देश हैं जो आज से नहीं 50 साल से अमेरिका के साथ दुश्मनी में हैं। रूस की ताकत अभी कुछ कम हुई है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन चीन की ताकत तो लगातार बढ़ रही है पिछले कई वर्षों। तो चीन से अमेरिका को बहुत खतरा, तो चीन को वो साध सकता है अमेरिका। और अमेरिका की एक मजबूरी है कि अगर कभी चीन के साथ आमने सामने उनकी टक्कर हो गई, जैसे कि संभावना है ताइवान के सवाल पर, कभी भी अमेरिका और चीन में युद्ध हो सकता। ताइवान का प्रश्न अब इतना बड़ा प्रश्न बन गया है, अमेरिका चाहता है कि ताइवान विदेशी प्रभाव में रहे, यूरोप के प्रभाव में रहे, अमेरिका के प्रभाव में रहे, और चीन चाहता है कि ये ताइवान हमारे कब्जे में आए, तो उस मुद्दे पर हमला हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अगले महीने भर में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, तो आप इसको आश्चर्य मत कहिएगा, कभी भी हो सकता है। तो ये ताइवान के प्रश्न पर अमेरिका क्या चाहता है कि अगर हमला हुआ चीन के साथ और कभी आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी, तो अमरीकी सैनिक
जो है वायुसेना के और अमेरिका के जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं उनमें ईंधन भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक जगह उतरकर। सीधे अमेरिका से आकर चीन पर हमला करने के पहले कहीं ना कहीं उन हवाई जहाजों को ईंधन लेने के लिए उतरना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि ये जो हवाई जहाज होते हैं लड़ाकू, इनमें ईंधन बहुत जलता है और इनका टैंक इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें हमेशा के लिए ईंधन भरा जाए। कुछ जहाज तो ऐसे होते हैं कि 4-5 घंटे में उनको ऑपरेशन करके उतरना ही पड़ता है, उनका ईंधन खत्म हो चुका होता मात्र 4-5 घंटे में। तो बड़े पैमाने पर ईंधन जलता है इन हवाई जहाजों में, लड़ाकू जहाजों में। तो अमरीका को ऐसी कोई सेफ जगह चाहिए जहां उनके हवाई जहाज उतर सकें, ईंधन भर सकें और फिर बदले में चीन के ऊपर हमला कर सकें। ये अमरीका का निहित स्वार्थ है। इसलिए 50 साल से अमरीका ये पाक अधिकृत कश्मीर के प्रश्न को हल नहीं होने देता, यूनाइटेड नेशंस में लटका के रखा उसने। हालांकि अमरीका इसी तरह के प्रश्नों को अगर कहीं दूसरे देश में देखे तो तुरंत हल कराता है उनको। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बार सऊदी अरब का इलाका कुछ कुवैत ने ले लिया और एक बार कुवैत का कुछ इलाका इराक ने ले लिया सद्दाम हुसैन। और आपको याद है कि जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत का कुछ इलाका कब्जे में किया, तुरंत अमरीका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया। क्या बोलकर? कि कुवैत का इलाका कुवैत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वहां की राष्ट्रीय सार्वभौमत्व के खिलाफ है कि इराक वहां पर कब्जा करे। तुरंत इराक पर हमला करके कुवैत का वो इलाका छुड़ाया। तो हमारा इलाका भी पाकिस्तान के कब्जे में है, अमरीका कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं करता। इसकी आप देखिए, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि इराक वाले मुसलमान है तो पाकिस्तानी भी तो मुसलमान, तो अमरीका पाकिस्तान पे हमला नहीं करता ठीक उसी काम के लिए जिस काम के लिए वो इराक पर हमला करता। तो कुवैत का कुछ इलाका अगर इराक के कब्जे में चला गया तो अमरीका को खतरा महसूस होने लगा, तो इराक पर बमबारी करके वो इलाका वापस छुड़ा दिया। लेकिन हमारा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, कभी पाकिस्तान पे बमबारी करके नहीं छुड़वाता, क्योंकि ये इलाका अमरीका के लिए होना बहुत जरूरी है। चीन के साथ अगर उनको युद्ध लड़ना पड़े, रूस के साथ अगर उनको युद्ध लड़ना पड़े, तो इसलिए अमरीका का निहित स्वार्थ है कि ये जम्मू कश्मीर की समस्या इसी तरह से लटकी रहे, ये कभी परमानेंट सॉल्यूशन में ना जाए। और आप देख लीजिए कि जब जब इस समस्या के समाधान का कोई ऐसा प्रयास हुआ जिसमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान या तो पूरी तरह से खलास होगा या तो ये इलाका हमारे पास वापस आएगा, तब तब अमरीका ने बीच में आकर युद्ध विराम कराया या संधि कराई। अभी ताजा ही देख लीजिए, ताजी स्थिति तो आपके ध्यान में होगी ना, कि जब भारतीय सैनिक घाटी में थे और पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ियों पर थे तो बराबर लड़ाई चल रही थी और हमारे सैनिक ज्यादा संख्या में मर रहे थे, हताहत हो रहे। जैसे ही भारतीय सैनिक पहाड़ी पर पहुंचे और पाकिस्तानी सैनिक नीचे घाटी में आए, तुरंत अमरीका ने सामने से बुलाकर पाकिस्तान को कहा कि सैनिकों को वापस कर लो। ये सैनिकों को अगर वापस करना होता तो उस दिन भी कर लेता अमरीका जब हमारे सैनिक नीचे घाटी में थे और पाकिस्तानी सैनिक ऊपर पहाड़ी पर थे। तो अमरीका नवाज शरीफ को उसी दिन बुलाता और कहता कि तुरंत अपने सैनिक वापस करो। नहीं कहा उसने। 26 मई से लेकर और जुलाई के पहले सप्ताह तक, चूंकि भारतीय सैनिक नीचे घाटी में थे और पाकिस्तानी सैनिक ऊपर पहाड़ी में थे, तब तक अमरीका युद्ध को चलवाता रहा। और जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक डिफेंसिव पोजीशन में आए और हमारे सैनिक ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे, कब्जा किया, टाइगर हिल पर कब्जा किया, सोलोलिंग पर कब्जा किया और कई चोटियों पर वहां कब्जा किया, और हमारे सैनिकों की सीधी मार में पाकिस्तानी सैनिक आए, एक दिन तो सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक एक ही दिन में मारे गए, तुरंत अमरीका को लगा कि अब नुकसान ज्यादा होगा पाकिस्तान का, तो युद्ध विराम करा दिया। तो हमेशा जब पाकिस्तान पिटने की स्थिति में होता है या मार खाने की स्थिति में होता है, अमरीका बीच में कूदकर युद्ध विराम कराता है, संधि कराता है। अभी का जो युद्ध विराम हुआ वो इसी तरीके से हुआ। उसमें उसने क्या किया कि पाकिस्तान को और अपने शिकंजे में कस लिया कि देखो मेरे कहने पर युद्ध विराम हुआ, नहीं तो तुम्हारे 1,500 सैनिक और मरते। अगर वो युद्ध विराम नहीं होता या 5 दिन का हमारी आर्मी ने जो समय दिया था पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौट जाने का, वो समय अगर नहीं दिया होता तो कम से कम 1,500 पाकिस्तानी सैनिक और मरते, निश्चित रूप से मरते।
क्योंकि उस समय तो हम अपर हैंड में थे, वो लोअर हैंड में थे, लेकिन अमरीका ने वो बचा लिया 1500 सैनिकों को। तो इस तरह से जब भी पाकिस्तान कहीं मुश्किल में फंसेगा, खतरे में फंसेगा, तुरंत अमरीका सामने आकर कूटनीतिक तरीके से, क्योंकि वो अपना इलाका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, तो पाकिस्तान को बचाता रहता। और चूंकि अमरीका इस तरह से पाकिस्तान की पीठ फेरता रहता है, समय पड़ने पर पैसा भी देता है, हथियार भी देता है, सब करता है, तो फिर पाकिस्तान अमरीका के कहने पर ये सब करता, वरना पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो भारत के ऊपर बार बार हमला करते। उनमें इतनी ताकत नहीं है, अपने दम पर वो कुछ नहीं करते। और अभी जो हमला हुआ हमारे देश के ऊपर, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने जो भी हथियार इस्तेमाल किए, उनमें से 5% हथियारों को छोड़कर 95% हथियार अमरीका के बने हुए थे, जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ इस युद्ध। तो उनकी ऐसी ताकत नहीं है पाकिस्तानियों की कि वो स्वतंत्र रूप से हमला कर सकें या किसी लड़ाई को वो अपनी ताकत पर लड़ सकें। अमरीका मदद करता, तो अमरीका का अपना स्वार्थ क्या है पाकिस्तान के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ, वो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए। और एक दूसरी बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि अगर ये बात हमको समझ में आती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान का दोस्त अमरीका है, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि अमरीका हमारा कौन है। माने हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन ही हो सकता है, दोस्त नहीं हो सकता। और ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये चाणक्य की कही हुई बात है। चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त को समझाया कि राजनीति करने के कुछ सूत्र समझ लो। जब चंद्रगुप्त को उसने साम्राज्य दिया और साम्राज्य का मालिक बनाया, तो उसने कुछ सूत्र दिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति करने। उसमें उसने जो महत्वपूर्ण सूत्र दिया है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, वो यही था कि हमेशा दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दुश्मन, इसलिए उससे सावधान ज्यादा रहने की जरूरत। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि दुश्मन से हम हमेशा सावधान रहते, लेकिन जो दुश्मन का दोस्त है उससे हम कई बार असावधान भी हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता नहीं कि ये हमारा दुश्मन है, और वो ज्यादा बड़ा खतरा पैदा करता। ऐसे ही उसने कुछ और 2-3 सूत्र दिए थे चंद्रगुप्त को। आज समय है, मौका है, इसलिए मैं आपको कह देता हूं। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने एक और सूत्र दिया कि देखो, अच्छा राज्य चलाने के लिए कभी भी जनता पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना। राज्य को अच्छे तरीके से चलाना हो तो जनता पर टैक्स कम से कम रखना, व्यापार पर टैक्स कम से कम रखना। अगर तुमको ज्यादा पैसे की जरूरत है खजाने के लिए, तो व्यापार को दोगुना बढ़ाना, टैक्स उतना ही रखना। तो व्यापार अगर दोगुना बढ़ा तो टैक्स तुमको अपने आप ज्यादा मिलेगा, तो टैक्स ज्यादा मत रखना। एक बात और कही उसने बहुत गंभीर, जो आज के विषय के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। उसने कहा कि देखो, प्रधानमंत्री का पद, सेना के सेनापति का पद और गुप्तचर सेना के प्रधान का पद, ये 3 पद की बात उसने कही है। फिर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का पद माने तुम्हारे राज्य का जो मुख्य मंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा उसका पद, सेना के सेनापति का पद और तुम्हारी गुप्तचर संस्थाओं का जो मुख्य व्यक्ति है उसका पद किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत देना जिसकी पत्नी विदेशी हो। ये चाणक्य सूत्र है जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है। चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त को समझाया कि अच्छा राज्य चलाने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको ध्यान रखना, उनमें से एक महत्वपूर्ण सूत्र कि दुश्मन का दोस्त कभी अपना दोस्त नहीं मानना, दूसरा सूत्र जनता पर टैक्स कम से कम रखना, व्यापार पर टैक्स कम से कम रखना, तीसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र उसने दिया कि सेनापति का पद, गुप्तचर सेवाओं का जो मुख्य व्यक्ति है उसका पद और प्रधानमंत्री का पद किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए जिसकी पत्नी विदेशी हो। तो चंद्रगुप्त ने पूछा भी है चाणक्य से कि क्या हो सकता है, तो उसने कहा राज्य का सत्यानाश हो सकता है। तो चाणक्य तो यहां तक कहता था कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता जिसकी पत्नी विदेशी हो, सेनापति ऐसा नहीं हो सकता जिसकी पत्नी विदेशी हो,
और गुप्तचर संस्थाओं का जो प्रमुख व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसकी पत्नी भी विदेशी हो, तो उन पदों पर विदेशी के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी पत्नी विदेशी नहीं हो सकती तो कोई विदेशी आकर इन तीन पदों पर बैठे वो तो सवाल ही नहीं। तो ये बात वो बोल कर गया था चाणक्य। अभी ऐसा समय है देश के सामने, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। और ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि देश की सुरक्षा व्यवस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था संभालने वाले जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनके बारे में क्या नीति होती है। हमारे देश में आज से नहीं, चाणक्य का समय तो आज से कई सौ साल पुराना है, कोई आज का समय नहीं। आज के समय में अगर आप इस बहस को चलाएंगे तो भी जवाब वही होगा जो आज से कई सौ साल पुराना जवाब होगा, क्योंकि ये जो संवेदनशील पद होते हैं इनमें तो कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता। खैर, अभी चाणक्य का जो सूत्र मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं अपने इस व्याख्यान में कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन ही होगा, तो अमरीका हमारा दुश्मन ही है, दोस्त नहीं। हमारे देश में 50 साल में कई बार ऐसी गलती हुई जब हमारे राजनेताओं ने अमरीका को दोस्त समझने की कोशिश की। अमरीका कभी दोस्त हुआ नहीं, कभी हो नहीं सकता, दुश्मन ही है हमारा। आप कहेंगे कैसे, क्या सिर्फ यही कारण है कि पाकिस्तान को अमरीका मदद करता है, पाकिस्तान को पैसा देता है, हथियार देता है, क्या यही कारण है? इसके अलावा भी कारण है। इसके अलावा क्या कारण है? इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जब जब हिंदुस्तान ने कहीं कुछ तरक्की का काम किया या आगे बढ़ने की कोशिश की तब तब अमरीका ने अपनी दुश्मनी निभाई। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल हमारे देश में वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण किए, आप सब जानते, और परीक्षण करने के तुरंत बाद अमरीका ने पाबंदी लगाई और वो पाबंदी हमारे देश पर लगी रही। और पाबंदी सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि अमरीका के तरफ की हो, बल्कि यहां तक थी कि हिंदुस्तान की जो कंपनियां अमरीका में धंधा करती हैं ऐसी 307 हिंदुस्तानी कंपनियों का धंधा अमरीका में बंद कराया गया। ये पाबंदी थी हमारे देश पर और वो पाबंदी हमारे देश पर लगी रही। और पाबंदी सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि अमरीका के तरफ की हो, बल्कि यहां तक थी कि हिंदुस्तान की जो कंपनियां अमरीका में धंधा करती हैं ऐसी 307 हिंदुस्तानी कंपनियों का धंधा अमरीका में बंद कराया गया। ये पाबंदी थी हमारे देश पर, ये कोई छोटी बात नहीं। अमरीका अपने देश में से आने वाली आर्थिक मदद हमको रोक दे वो ठीक है, हमें उसकी परवाह भी नहीं, तुम दो मत दो, तुम्हारे घर में रखो तुम्हारी मदद। या अमरीका अपने देश में से आने वाली टेक्नोलॉजी हमारे देश में रोक दे उसकी भी परवाह नहीं है, तुमको देना हो दो मत दो, टेक्नोलॉजी कहीं और से लेंगे या हम खुद बना लेंगे। अमरीका अपने देश में से आने वाले किसी और तरह की मदद को रोक दे वो सब चलता है पाबंदी में, लेकिन मेरे देश की कंपनियों का धंधा जो अमरीका में चलता था वो भी उन्होंने बंद करा दिया पाबंदी। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी कंपनियों का धंधा भारत में बराबर चलता रहा, बंद नहीं हुआ। अगर हमारे देश की कंपनियों का धंधा अमरीका में बंद हो सकता है तो अमरीकी कंपनियों का धंधा भी भारत में बंद होना चाहिए था। अमरीका अगर पाबंदी लगाता तो ऐसी लगाता कि अगर हम हिंदुस्तान की कंपनियों का धंधा अपने देश में नहीं चलने लेंगे तो हमारी कंपनियां भी हिंदुस्तान में धंधा नहीं करेंगी, हम पूरी तरफ से पाबंदी करेंगे। लेकिन अमरीका ने ऐसा नहीं किया, उनकी कंपनियां हमारे देश में बराबर धंधा करती रही, हमारी कंपनियों का धंधा उन्होंने अपने देश में बंद कराया। माने हमारी कंपनियां जो मुनाफा कमा के डॉलर कमा के अमरीका से भारत ला सकती थी उसको बंद कर दिया, अमरीकी कंपनियां यहां से जो डॉलर और मुनाफा कमा के ले जाती रही वो चालू रहा। तो पाबंदी भी एक तरफा है। और ये जो पाबंदी लगाई इसके पीछे न कोई औचित्य है न कोई तर्क। आप पूछेंगे कैसे, अमरीका ये कहता है कि साहब आप जो परमाणु बम बना लेंगे इसलिए हमने पाबंदी लगाई, दुनिया के तो कई देशों ने परमाणु बम बना के रखा हुआ, और हमने हमारे देश में जो परमाणु परीक्षण किए हमसे पहले और भी कई देशों ने परमाणु परीक्षण किए। कैसे, आप जानते हैं फ्रांस ने किए, ब्रिटेन ने किए, चीन ने किए, रूस ने किए, खुद अमरीका ने भी किए। हमने जब अपने देश में छठा परमाणु परीक्षण किया आखिरी, तब से पहले दुनिया में 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण हो चुके थे, और अमरीका ने परमाणु परीक्षण ही नहीं किए हैं परमाणु बम भी बनाए हैं। परमाणु बम बनाए ही नहीं है, परमाणु बम गिराए भी हैं जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। ऐसे ही चीन ने भी परमाणु बम बनाए हैं, फ्रांस ने भी बनाए हैं, ब्रिटेन ने भी बनाए हैं, तो अमरीका ने इनमें से तो किसी देश पे पाबंदी नहीं लगाई। फ्रांस पे कभी पाबंदी नहीं लगाई, ब्रिटेन पर कभी पाबंदी नहीं लगाई, तो भारत पर ही पाबंदी क्यों?
क्योंकि अमेरिका आपको अपना दुश्मन ही मानता। इसी तरह से ये जो सिर्फ परमाणु बम हमारे देश में परीक्षण हुए इसलिए अमेरिका ने पाबंदी लगाई, इसको अभी थोड़ा बाजू में रखिए। एक दूसरी बात बताता हूं, एक बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने परम 10,000 नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया, और आप सब जानते हैं कि पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अमरीका से सुपर कंप्यूटर खरीदने की कोशिश की। राजीव गांधी उसके लिए बहुत दिन परेशान भी रहे, लेकिन अमरीका ने तो कुछ नहीं दिया हमको। तो फिर थक हार कर भारतीय वैज्ञानिकों ने 10 साल की मेहनत करके अपने देश का सुपर कंप्यूटर बनाया परम 10,000। और जिस दिन सुपर कंप्यूटर बना और उसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया, उसके ठीक अगले दिन अमरीका ने फिर पाबंदी लगाई। और किस तरह की पाबंदी लगाई कि हिंदुस्तान के वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये सुपर कंप्यूटर बनाने के प्रोजेक्ट में काम किया है वो कभी अमेरिका नहीं आ सकेंगे, उनको अमेरिकी सरकार कभी वीजा नहीं देगी, उनका नाम रेड बुक में डाल दिया। रेड बुक अमेरिकन सरकार की एक ऐसी बुक होती है जिसमें अगर कोई नाम गया तो उनको वीजा नहीं मिलता। एक बार और भी हुआ ऐसा, कब हुआ? आप जानते हैं हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने हिंदुस्तान में मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित की। आपको यह भी मालूम है कि आज से 30 साल पहले हमारे देश में कुछ भी मिसाइल नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास 200 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है, 5,000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल हमारी तैयार हो रही है, कभी भी तैयार हो सकती है। और हमारे पास कैसी मिसाइलें हैं, जमीन से जमीन पर मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली, और फिर पानी से हवा में मार करने वाली, और कई बार तो हवा में हवा से मार करने वाली। तो ये सब महत्वपूर्ण किस्म की मिसाइलें बनी। और जब जब हमारी सरकारों ने इन मिसाइलों के परीक्षण करने की बात कही है तब तब अमेरिका ने पाबंदी लगाई। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। माने जिन जिन क्षेत्रों में हम कहीं तकनीकी रूप से कुछ प्रगति करें तुरंत अमेरिका की सरकार पाबंदी लगाने के लिए सामने आती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सरकार या अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत घबराता है। दुनिया में दो ही देश हैं जिनसे अमेरिका परेशान होता है, एक का नाम है चीन, दूसरे का नाम है भारत। पहले एक देश और था जिसका नाम था सोवियत संघ, अभी सोवियत संघ बेचारा खत्म हो गया, तो इसलिए अमेरिका को अभी दो ही देशों से बहुत परेशानी है, चीन से और भारत से, क्योंकि यही दो देश हैं जो अमरीकियों को लगता है कि भविष्य में कभी भी उनसे आगे निकल सकते हैं। चीन तो उनसे काफी आगे निकल भी चुका है हर क्षेत्र में, और हिंदुस्तान निकलने की तैयारी में है ये उनको लगता है। अब उनसे आगे निकलने का अर्थ उनसे ज्यादा अच्छी तकनीकी बना लेना, उनसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेना, उनसे आगे निकलने का अर्थ उनसे ज्यादा कहीं और किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर लेना जो उनके लिए बहुत असंभव सा लगता, ये उनको डर लगता। और धीरे धीरे ऐसा वो देख भी रहे हैं। अभी उन्होंने ये देख लिया कि दुनिया के सब देशों ने मना कर दिया, उसके बावजूद भारत के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में इतनी तरक्की की है कि अभी एक साथ 3 सैटेलाइट हम स्पेस में छोड़ सकते हैं। और ये सफल परीक्षण अभी हुआ। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो एक साथ 3 या 3 से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, खुद एक तो अमरीका, दूसरा चीन और तीसरा फ्रांस, और अभी चौथा देश हो गया भारत, और बहुत सफलतापूर्वक। और ये जो टेक्नोलॉजी है स्पेस में एक साथ कई सैटेलाइट छोड़ने की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि एक सैटेलाइट से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को अलग करने में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का टाइम लगता, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड की जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता। अभी आपको मालूम होगा अमेरिका में एक स्पेस में जाने वाली शटल थी, 6 सेकंड जल्दी उसका इंजन चल गया, उसी में पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। 6 सेकंड जल्दी चल गया, सिर्फ इसीलिए तो वो पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल करना। आप जरा कल्पना करिए कि कितनी माइक्रो लेवल की, कितनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। उस क्षेत्र में भी भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और लगातार स्वावलंबी होते चले जा रहे। आज हमको अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए किसी देश के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है, हम खुद छोड़ सकते। और हम अपने ही नहीं, दूसरा कोई देश अगर हमको कहे तो उसका भी सैटेलाइट हम छोड़ सकते। ये टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है हिंदुस्तान में। तो अमेरिका परेशान इस बात से रहता है कि तमाम तरह की पाबंदी होने के बावजूद भारतीय वैज्ञानिक ये करते रहते। तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर पाबंदी ना हो तो पता नहीं क्या क्या करें, उनको ये लगता रहता।
और अमरीका को यह भी मालूम है कि इस समय हिंदुस्तान में अमरीका से ज्यादा वैज्ञानिक हैं, अमरीका से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, अमरीका से ज्यादा डॉक्टर्स, शायद दुनिया में हमसे ज्यादा वैज्ञानिक एक ही देश में है वो चीन, या हमसे ज्यादा इंजीनियर एक ही देश में है वो चीन, उसके बाद दूसरा नंबर भारत का ही। हमारे देश में जो ए कैटेगरी के साइंटिस्ट हैं उनकी संख्या 60,000 से ज्यादा है, अमेरिका में इसी कैटेगरी के साइंटिस्ट की संख्या 12-13,000 के आसपास, और हमारे यहाँ जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो उच्च क्वालिटी के साइंटिस्ट हैं, उनकी संख्या तो ये है 60,000 से आगे, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी दिमाग हैं जो बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टाइज वाले हैं, अमरीका उनसे और ज्यादा परेशान है। माने हिंदुस्तानियों में कुछ ऐसे दिमाग हैं जिनको आप एक बार कोई मशीन खोल कर दिखा दो और वो मशीन फिर आपको वो बेच देंगे बना, ऐसा बहुत दिमाग है। और ऐसा दिमाग हमारे देश में उल्लासनगर एरिया में सबसे ज्यादा रहता है। एक बार आप उनको कोई मशीन दिखाओ, फिर वही मशीन आप उनसे बनवा लो। अभी कुछ लोग इसको मजाक मानते हैं, मैं इसके लिए बहुत सीरियसली बात करता हूं क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, इसलिए मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई इसमें क्या है, नकल करना है। मैं कहता हूं नकल करने के लिए भी अकल लगती है, सब क्यों नहीं कर सकते ये नकल। मैं आपको देता हूं एक मशीन, आप खोल के देख लो फिर बना के दिखा दो, आपसे तो बस नहीं बनेगा। आपने तो एक बार खोल दी तो उसको जोड़ना भी नहीं आएगा कि कौन सा नट कहां लगाना, कौन सा बोल्ट कहां लगाना, ऐसा दिमाग है इस देश में। एक तो ये उल्लासनगर के एरिया में बहुत ऐसा दिमाग है, पंजाब के इलाके में, लुधियाना के आसपास, जलंधर के आसपास ऐसा बहुत दिमाग है, ऐसा ही गुजरात में, सौराष्ट्र के इलाके में ऐसा बहुत दिमाग। एक मैं ऐसे गुजराती भाई से मिल चुका हूं जो सौराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो कभी एक डीजल इंजन लाए थे, कभी पता नहीं कब लाए थे, और आज वो बना बना के बेचते हैं अमरीका में और यूरोप। कभी वहां से एक वो डीजल इंजन लाए थे अमरीका से, और आज वो बना बना के एक्सपोर्ट करते। और आप सुनेंगे तो वो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, उनके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दिमाग उनका इतना चलता है कि वो कुछ भी ऐसा कर सके। मैंने एक ऐसे भाई को देखा राजकोट में, वो 8वीं में फेल हुआ किसी स्कूल में, फिर उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, फिर वो किसी उस्ताद के पास जाने लगा, उस्ताद माने जो उसको सिखा सके ये सब हुनर, और सीखते सीखते आज वो ऐसा एक्सपर्ट बना है वो आदमी, मैं तो देख के दंग रह गया। उस आदमी ने मुझे बताया कि राजीव भाई हमारे देश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो मशीन आती है ऑफसेट मशीन, ज्यादातर जर्मनी से आती है, हाइडेलबर्ग नाम की एक जर्मनी की कंपनी है, उसकी मशीनें बहुत आती हैं और दुनिया भर में बिकती। तो एक बार उस आदमी ने उस कंपनी की मशीन को खोलकर देखा और देखने के बाद बिल्कुल वैसी ही मशीन उसने राजकोट में बनाई। हाइडेलबर्ग कंपनी अगर उस मशीन को 4 करोड़ में बेचती है तो वो आदमी उसको 40 लाख में बना के देता, और इस गारंटी के साथ कि जितने साल हाइडेलबर्ग की मशीन चलेगी उससे 5 साल ज्यादा मेरी मशीन चलेगी, ये आपको वो वायदा करता। और वो कहता फ्री सर्विस करूंगा अगर वो खराब हो जाए। आज उसकी बनाई हुई मशीन पर हिंदुस्तान के 15 न्यूज़पेपर छप रहे, उसकी बनाई हुई मशीन। और आज वो आदमी इतना व्यस्त आदमी है, मैं गया उसको मिलने के लिए, वो कहता राजीव भाई अगले 5 साल मुझको फुर्सत नहीं, इतने ऑर्डर हैं कि मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो उसने कहा कि मैं नापास हो गया 8वीं क्लास। तो मैंने कहा वो अध्यापक बेवकूफ होगा जिसने तुमको नापास। उस अध्यापक और स्कूल को नापास हो जाना चाहिए जिसने तुमको नापास किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो गलती उस अध्यापक और स्कूल की है जिसने तुमको नापास किया। अब बताइए ऐसा आदमी हम नापास करते हैं। और आप हिंदुस्तान में घूमेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, तो ऐसे आपको सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में हुनरमंद लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ दिमाग के स्किल का इस्तेमाल करके विचित्र विचित्र काम करते रहे। एक बार मैं अभी खुद देख के आया मेरी आंखों से, एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका नाम है अजंता क्लॉक, 100% स्वदेशी कंपनी है। तो मैं गया उसको देखने मोरबी में, तो उस कंपनी में एक मशीन इस्तेमाल की जाती है घड़ी का बैलेंस सेट करने के लिए। तो वो मुझे दिखाने ले गए जो मालिक थे कंपनी के, राजीव भाई चलिए मैं आपको अपनी पूरी फैक्ट्री दिखाता हूं।
तो फैक्ट्री दिखाते दिखाते वो मुझे एक मशीन के पास ले गए और कहने लगे, देखिए राजीव भाई इस मशीन को आप ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? उन्होंने कहा ये 100% स्वदेशी मशीन। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। मैंने जब उस मशीन को देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये बनाई कैसे किसी व्यक्ति ने। वो मशीन सिर्फ जापान में बनती है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश में बनती है वो मशीन, जापान में। कभी पहले स्विट्जरलैंड में बनती थी, अब स्विट्जरलैंड में भी नहीं बनती, जापान में बनती। तो जो मशीन दुनिया में सिर्फ जापान नाम के देश में बनती है और 60-70 लाख रुपए में आती है, वो मशीन एक राजकोट के मैकेनिक ने बनाई। तो मैंने उनको पूछा कि वो आदमी को जरा मिलवाइए। तो उन्होंने कहा अभी तो वो है नहीं, बाहर गया है, बाद में आप कभी मिलिए। मैंने उनसे पूछा कि ये मशीन का खर्च कितना आया बनाने का? उन्होंने कहा राजीव भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 90,000 रुपए का खर्चा है वो उस आदमी ने बनाई। जो मशीन अभी तक सिर्फ जापान में बनती है, घड़ी बनाने जैसे सेंसिटिव काम में लगती है। आप जानते हैं कि रिस्ट वॉच बनाना और ये जो क्लॉक बनाना, ये बहुत सेंसिटिव काम है। तो इतने सेंसिटिव काम के लिए बहुत ही सेंसिटिव मशीन की जरूरत होती है, वो उस आदमी ने बनाई है। और वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज चलता। पढ़े लिखे होने से मतलब हम मानते हैं डिग्री नहीं है उसके पास। बिना डिग्री के इस देश में बहुत सारे इंजीनियर हैं, हाँ बिना डिग्री के बहुत इंजीनियर हैं इस देश में, बिना डिग्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश में। ऐसे तमाम तरह के खोजी दिमाग के लोग इस देश में हैं। अमरीका इनसे घबराता, क्योंकि इन सबकी संख्या अगर गिनी जाए तो इतना बड़ा टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमारे पास है, इतना बड़ा टेक्निकल मैन पावर हमारे पास है, जिसके बारे में कभी दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर। ये तो हमारे देश के नेताओं की बेवकूफ भरी नीतियां हैं, जिसके चलते हमारे देश में ये जो टेक्निकल माइंड क्लास है इसका कोई बहुत प्रमोशन नहीं होता या इसको समाज में इज्जत नहीं मिलती। अन्यथा तो हिंदुस्तान को असली तकनीकी देने वाला क्लास यही है। तो अमरीका इनसे घबराता है, और ये क्लास चीन में भी, तो इसलिए अमरीका चीन से भी घबरा। तो अमरीका को लगता है कि कभी भी हिंदुस्तान और चीन नाम के देश कभी भी हमसे आगे निकल सकते हैं, इसलिए तो वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता। और एक बार नहीं, अमरीका में ऐसा कई बार हो चुका है। एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूँ, शायद आप सुनकर आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। रोनाल्ड रीगन नाम का एक राष्ट्रपति हुआ अमरीका में। वो जिस दिन रिटायर हुआ रोनाल्ड रीगन, उस दिन तो रोनाल्ड रीगन ने एक भाषण दिया अमरीकी संसद में। वहां की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति रिटायर होता है तो अपना आखिरी भाषण करके जाता है। तो जब रिटायर हुआ तो उसने भाषण दिया। अपने भाषण में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैं कभी नहीं भूलता। उसने कहा कि सोवियत संघ नाम के देश के खत्म हो जाने के बाद हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक चीन, नंबर दो भारत। जब रोनाल्ड रीगन चला गया राष्ट्रपति पद से, बिल क्लिंटन आया, तो बिल क्लिंटन ने पहले दिन का जो भाषण किया अपनी संसद में, उसमें उसने ये कहा कि मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने अपनी आर्थिक और विदेश नीति के बारे में जो वक्तव्य किया उसी पर हमारी सरकार काम करेगी। अब आप समझ लीजिए अमरीका में क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो जाए नीतियां नहीं बदलती। रिपब्लिकन पार्टी का था रोनाल्ड रीगन, डेमोक्रेटिक पार्टी का है बिल क्लिंटन। दोनों पार्टियां एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन राष्ट्रपति दोनों के बनते हैं तो नीतियां नहीं बदलते। तो माने रोनाल्ड रीगन ने जो कहा उसी रास्ते पर बिल क्लिंटन चल रहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर एक, भारत हमारा दुश्मन नंबर दो। तो दुश्मन को बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं, तो अमरीका ऐसे कई तरीके इस्तेमाल करता है हमारी बर्बादी के लिए। जैसे उदाहरण के लिए सबसे खतरनाक जो अमरीका हमारे देश में एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है और हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है आजकल, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, कि अमरीका ने क्या हमारे देश में एक जाल फैलाया है कि हिंदुस्तान में जो भी बेस्ट क्वालिटी का टैलेंट पैदा हो, जो अच्छी किस्म का दिमाग पैदा हो, उसको सबको अमरीका बुला लो, हिंदुस्तान में मत रहने। अब इसके लिए अमरीका ने क्या किया कि हमारे देश के जो बड़े टेक्निकल सेंटर है ना, जैसे IITs है, IIT है मुंबई में, खड़गपुर में है, हमारे देश में बनारस में है, दिल्ली में है, कानपुर में है, तो ये जो बड़े बड़े IITs हैं हमारे देश, इनमें से जो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं सब अमरीका भाग जाते हैं। उनके लिए पहले से एक माहौल बना दिया जाता है पढ़ते पढ़ते, और माहौल क्या बनाया जाता है कि जो प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं वो रात दिन उनके दिमाग में एक ही बात कोंचते रहते हैं, बोलो अमरीका में कहां जाना, बोलो कहां जाना, बोलो। तो जब पढ़कर तैयार होते होते निकलते हैं तो तुरंत उनका ऑफर होता है कि चलो हम अमरीका में जाने के लिए तैयार। इसी तरह से हमारे देश में जो बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स निकलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में से या कहीं और जगह से, वो अमरीका भागने को तैयार। इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कहीं मैनेजर्स निकलते हैं IIM में से,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से या कहीं और से, वो अमरीका भागने को तैयार। तो ऐसा एक जाल फेंक रखा है जैसे शिकारी फेंकता है कि हर अच्छा विद्यार्थी जो कुछ कर सकता है इस देश में रहकर अपने राष्ट्र के लिए अपने समाज के लिए, वो हिंदुस्तान से अमरीका भाग जाता है। इसको तकनीकी भाषा में आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं, मैं हिंदुस्तान की तकनीकी का सत्यानाश मानता हूं इसको, क्योंकि ये जो बेस्ट क्वालिटी ब्रेन अगर हमारे देश में नहीं टिकेगा तब तो हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा इसी तरह से पीछे रहती जाएगी। आप सीधे से समझिए ना कि जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ वही विद्यार्थी अगर हिंदुस्तान में रुके तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, लेकिन वो दिमाग अगर यहां नहीं रुकेगा अमरीका चला जाएगा तो वो जो कुछ करेगा वो अमरीका के लिए करेगा और अमरीकी सरकार के लिए करेगा। और हम बेवकूफों की तरह से क्या मानकर बैठ जाते हैं, देखो डॉलर तो आता, अरे डॉलर जितना आता उससे ज्यादा गुना तो नुकसान हो जाता। और हमको क्या लगता है जी कि अमरीका जाने से रुपया ज्यादा मिलता है, हम हमेशा क्या बेवकूफी का हिसाब लगाते हैं, हमारा एक डॉलर 43 रुपए के बराबर, अमरीका का एक डॉलर हमारे 43 रुपए के बराबर, तो किसी को 100 डॉलर मिलेगा तो हम कहेंगे 4300 रुपए मिल रहा, अरे उनके लिए एक डॉलर एक रुपए जैसा। हम ये कभी होश नहीं लगाते अपने दिमाग में, हम हमेशा कैलकुलेशन करते कि उनका तो एक डॉलर 43 रुपए का, कल कहीं एक डॉलर 70 का भी हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह से लगता रहेगा। तो उस हिसाब को जब हम जोड़ते हैं तो हमको लगता है बड़ा भारी फायदा है, वास्तव में उसमें नुकसान। क्या नुकसान है? एक इंजीनियर तैयार करने में IIT में 5 साल में बड़े आराम से 5-5.5 लाख रुपए खर्च होता। तो 5-5.5 लाख रुपए खर्च करके आपने जिसको तैयार किया और इस उम्मीद में तैयार किया कि समय आने पर वो राष्ट्र के काम में लगेगा, देश के काम में लगेगा, आपको सहारा देगा, राष्ट्र को सहारा देगा, वो अचानक से भागकर अमरीका चला गया। तो वो सहारा तो अमरीका को दे रहा, और अमरीका कौन है? दुश्मन। तो दुश्मन को हम अपना दिमाग सप्लाई कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कुछ लोग भी हैं बड़े बेवकूफ किस्म के, जो बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारा बेटा अमरीका में, हमारी बेटी अमरीका, इसको बड़ा भारी स्टेटस सिंबल समझते कि हमारा बेटा अमरीका चला गया, हमारी बेटी अमरीका चली गई। तो मैं उनको कहता हूं तुम क्यों मर रहे हो, तुम क्यों नहीं जाते अमरीका में? और बाद में रोते भी हैं, बेटा बेटी को अमरीका भेज के फिर रोते भी हैं। रोते कब हैं? जब उनकी जिंदगी का आखिरी समय आता, आखिरी समय आता है तो माताजी के प्राण निकलने वाले हैं और माताजी बेटाजी का चेहरा देखना चाहती है। बेटाजी फोन पर हेलो कह रहे हैं और बेटाजी ने कहा कि माँ यहाँ तो फुर्सत नहीं है, अभी तो टिकट भी मुश्किल से मिलेगा, फ्लाइट भी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, अभी तुम कहो तो कुछ डॉलर भेज देता हूं। अब वो लड़का जो अपनी माताजी को अपना चेहरा दिखाए तो उसके माँ के प्राण निकले, तब तक माँ के प्राण नहीं निकलेंगे जब तक बेटे का चेहरा ना देखे। वो कहता मैं डॉलर भेज देता हूं, डॉलर की जरूरत है माँ को कि बेटा का चेहरा देखने की जरूरत। फिर उनको तकलीफ होती है कि ये क्या कर दिया हमने। पहले तो बड़ी खुशी खुशी में कहते हैं बेटा अमरीका गया, बेटी अमरीकी गई, और फिर तो अंत में कहते हैं कि ये तो सत्यानाश हो गया। फिर उनके बेटा बेटी उनको भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि करीब किसी गरीब माँ बाप का बेटा किसी तरह से अमरीका पहुंच गया तो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानता। ऐसे बहुत किस्से मैंने देखे कि वो अपनी विदेशी पत्नी को लेके आता है तो माँ बाप का परिचय कराता है कि ये मेरे पर्सनल सर्वेंट्स हैं। हाँ, तब उनके माँ बाप को समझ में आता है कि ये क्या कर दिया हमने। ऐसे किस्से बहुत होते हैं। और ऐसे भी किस्से बहुत होते हैं कि हमारे देश के माँ बाप हैं, अपने बेटे को अमरीका भेज दिया, अब आस लगा के बैठे हैं कि किसी दिन बेटा की शादी करेंगे, पता चला बेटा ने तो वहीं शादी कर, वो कहता है कि अब आप आशीर्वाद दे दो बस, शादी तो मैंने कर ली। और ऐसा भी हो गया कि शादी तो इसलिए कर ली है, नहीं तो बिना शादी के बच्चा होने वाला था, अभी क्या करें, इसलिए शादी कर ली। तब उनका सिर पकड़ना शुरू होता है कि हमने ये क्या किया। मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब घूम रहा था तो पंजाब में मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने कि जिन माँ बाप ने अपने बेटों को भेजा, फिर उन माँ बाप ने इस उम्मीद पर अपने बेटों की शादियां यहाँ की कुछ लड़कियों से तय कर दी कि बेटा तो हमारी बात मानने ही वाला, तो शादी होने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो लड़की भी यहाँ है, बेटा किसी और के साथ। ऐसी हजारों लड़कियां हैं पंजाब। ऐसा एक दुष्चक्र बन गया। और हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे बेवकूफों ने कच्चा माल अमरीका में सप्लाई करने का एक धंधा शुरू कर दिया। ये जो लड़के लड़कियां जाते हैं ना, ये कच्चा माल अमरीका में सप्लाई हो रहा है, ये मैं ऐसा बोलता हूं। अमरीका दुश्मन है और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में
हमारे देश के लोग लगे। आप बताइए इससे ज्यादा खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा कि आपका दुश्मन है और आपको ही पीट रहा है आपकी गोटी से। उसमें अमेरिका हमको कैसे पीट रहा है? कभी भी अमेरिका इस देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं होने देना चाहता। इस देश के वैज्ञानिक अगर यहां रुक जाएंगे, इंजीनियर्स यहां रुकेंगे, डॉक्टर्स यहां रुकेंगे, मैनेजर्स यहां रुकेंगे, तो हिंदुस्तान में रुककर कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। वो नहीं हो पाए, इसलिए वो अमेरिका बुला लेते। और अमरीकियों को क्या फायदा है कि उनको सस्ती कीमत पर अच्छे नौकर काम करने को मिल जाते। हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कम पैसे पर अमेरिका में काम करने को तैयार, कम पैसे पर और ज्यादा समय तक काम करने को तैयार। यहां अगर किसी लड़के को आप कहो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी करनी है तो मुंह बनाएगा, वहां अमेरिका में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक घिसता है तब उसको तकलीफ नहीं। कोई भी हिंदुस्तानी आदमी जो अमेरिका गया है, सवेरे 7-8 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक अगर काम ना करे तो उसको जिंदगी चलानी भी मुश्किल, माने ठीक से उसकी जिंदगी भी चल जाए ये बहुत मुश्किल है। 12 घंटे काम उसको करना ही पड़ेगा तब उसकी ठीक से जिंदगी चलती, और यहां 6 घंटे काम करो तो उनको नानी मरती। ऐसे उल्टी बुद्धि के लोग हैं हमारे बीच। और यहां कोई अच्छी खासी नौकरी मिले वो उनको पसंद नहीं है। अमेरिका में किसी लेबोरेटरी में असिस्टेंट बनकर काम करने को तैयार। यहां से ग्रेजुएट हुए इंजीनियर अमेरिका में पता नहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट कितनी संख्या में। यहां वो इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन अमेरिका में सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसमें काम करने को तैयार। यहां से गए हुए डॉक्टर्स वहां के सीनियर डॉक्टर्स के नीचे काम करने को तैयार है और यहां अच्छी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर अमेरिका भागे। और यहां से जब भागते हैं तो दुनिया उनको ऐसी दिखाई जाती है कि सब कुछ स्वर्ग है, सब कुछ अच्छा अच्छा अमेरिका में ही है, उससे ज्यादा बढ़िया स्वर्ग तो पूरी दुनिया में नहीं है। वहां जाकर जब नरक देखना पड़ता है उनको तो बेचारे मुश्किल में ये फंसते हैं कि अब इस नरक की कहानी कहें तो किसको कहें, क्योंकि यहां से जब भागे थे तो स्वर्ग समझकर भागे थे और वहां मिला है नरक, तो उस नरक की कहानी वो कहें तो किसको कहें, अपने मुंह से तो किसी को नहीं दे, तो कुछ भी झूठ मूठ बोलते हैं। अमरीका से हिंदुस्तान में आएंगे तो हमेशा हावी रहेंगे, कहीं आप उनकी कोई दुखती हुई नस ना पकड़ लें तो आपसे 50 तरह की ऐसी बातें कहेंगे जिनको आप कभी ठीक से समझ पाए या ना भी समझ पाए, कुछ ऐसी फालतू की बातें सुनाएंगे जिनसे आपको कुछ लेना देना है। और असलियत की कुछ बातें आपने पूछना शुरू किया तो चुप हो जाएंगे। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके साथ मेरा रोज इस तरह का साफ पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बेटा बेटियों के बारे में यहां कल्पना करके बैठे हैं कि बेटा तो बहुत बड़ा काम करता है, वहां होटल में बैरे की नौकरी करता है, या सड़क पर खड़े होकर अखबार बेचता है, या मेट्रोज में सफाई करने का काम करता है, या मेट्रोज में कुछ कूड़े बीनने का काम करता है, इस तरह के काम करते हैं, या फूल बेचने वाली दुकान पर शॉपकीपर है, इस तरह के काम में बहुत सारे, होटल में कहीं है इस तरह के काम, बर्तन साफ करने के काम में लगा, ये साफ करने के काम में लगा, वो साफ करने के काम। तो अमरीकियों को क्या है, कम पैसे में और अच्छे मजदूर उनको मिल जाते और स्किल्ड मजदूर उनको मिल जाते। और फिर ये लोग बेचारे जो भागकर अमरीका जाते हैं, ना तो वो भारतीय रह पाते हैं ना अमरीकी हो पाते, बीच में त्रिशंकु की तरह से लटक जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए नरक बन जाए। हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन की जिंदगी बिताते हैं अमरीका में, कभी भी उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन माना नहीं जाता। और उनकी सोसाइटी में कभी भी वो आपको मिक्सअप नहीं होने देते, वो अपनी सोसाइटी को हमेशा रिजर्व रखते हैं और आपको किसी और काम के लिए छोड़ देते। तो ये एक तरह की साजिश है अमरीका के द्वारा फेंकी हुई हमारे देश में कि हमारी टेक्नोलॉजी कभी विकसित ना होने पाए और हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज कभी इतने बड़े पैमाने पर ना हो जाए कि अमरीका को तकलीफ होने लगे, इसलिए यहाँ के लोगों को वहां बुला लिया जाता। ये एक तरह का दुश्मन को बर्बाद करने का तरीका है। इसी तरह से अमरीका एक तरीके का और इस्तेमाल करता हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कि अगर हिंदुस्तान को वो अपना दुश्मन समझता है तो हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से तबाह करते रहो, टेक्निकली टेक्नोलॉजी के लेवल पर हिंदुस्तान को तबाह करते रहो और अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक रूप से भी हिंदुस्तान को तबाह करते रहो, वो एक तरीका। फिर एक तरीका और है कि हिंदुस्तान को सांस्कृतिक रूप से तबाह करते रहो। माने क्या होता है कि जब दुश्मन आपके खिलाफ होता है और दुश्मन आपके खिलाफ लड़ता है तो तीन तरह के युद्ध होते हैं। एक तो राजनीतिक युद्ध होता है
जब दुश्मन आपकी सीधे जमीन छीनने की कोशिश करता है, एक तकनीकी युद्ध होता है जिसमें दुश्मन आपकी तकनीकी विकसित नहीं होने देता है या आपकी तकनीकी को विकसित होने के रास्ते में अड़ंगे लगा रहता रहता है, और एक युद्ध होता है आर्थिक युद्ध जिसमें दुश्मन आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के काम करता है या अर्थव्यवस्था को बढ़ने नहीं देता है या आपकी आर्थिक संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है, और एक और खतरनाक युद्ध होता है सांस्कृतिक युद्ध जब दुश्मन आपकी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करता है और सांस्कृतिक रूप से आपको खलास करने की कोशिश करता है। अमरीका ये चारों तरह के युद्ध हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। राजनीतिक युद्ध कैसे कर रहा है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, तकनीकी युद्ध कैसे हमारे देश में कर रहा है वो भी मैंने आपको विस्तार से बताया, आर्थिक युद्ध अमरीका किस तरह से हमारे देश में कर रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी सैकड़ों कंपनियों को हिंदुस्तान में भेज दिया, और हमारे देश के जो घोटालेबाज निकृष्ट किस्म के नेता हैं उनको रिश्वत दे देकर घूस दे देकर अमरीकी कंपनियों को लाइसेंस दिलवाने का काम करवा लिया है उन्होंने। हमारे देश में भी तो एक तकलीफ हुई है 50 साल में कि इस तरह के घटिया दोयम दर्जे के नेता पैदा हुए हैं 50 साल में जो रिश्वत लेकर घूस लेकर राष्ट्र को भी बेच सकते। आज से 50 साल पहले जो हमारे नेता थे वो राष्ट्र के लिए अपना कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे, अब जो नेता हैं वो राष्ट्र बेचकर भी अपना घर भर सकते। तो ऐसे दोयम दर्जे के नेता जब पैदा हो जाएं किसी देश में और दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश कर रहा हो तो दुश्मन के लिए तो मौका मिलता, तो हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं को 10 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 50 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, और एक एक अमरीकी कंपनी को लाइसेंस यहां मिलता गया, उनके प्रोजेक्ट सैंक्शन होते गए। तो अमरीका की सैकड़ों कंपनियां इसी तरह से आई हैं हमारे देश, और अमरीका की सरकार क्या करती है कि इस तरह के आर्थिक युद्ध में हिंदुस्तान को फंसाने के लिए समय समय पर कई तरह के समझौते कराती रहती है, जैसे गेट करार का एक समझौता करा दिया, पेटेंट करार का एक समझौता करा दिया, अब सीटीबीटी का एक समझौता कराने की तैयारी कर रहे हैं, माने हिंदुस्तान को सब तरह से फंसा लेने की कोशिश। और कैसे हम फंस रहे हैं, गेट करार का समझौता होने के बाद ये हालत हो गई है कि आपकी कंपनियां पानी भी बेचें तो मना नहीं कर सकते, बटाटा चिप्स भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, टमाटर की चटनी भी बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, आम का अचार बेचें तो भी मना नहीं कर सकते, कुछ भी बेचें वो हिंदुस्तान में आके तो भी मना नहीं कर सकते, और वही हो रहा। और उनकी कंपनियां पानी बेच रही हैं, टमाटर की चटनी, आम का अचार, पाव रोटी, डबल रोटी, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, जूते, चप्पल, अंडरवियर, बनियान, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब फालतू चीजें बेच रही, और ये सब बिक रही हैं हमारे देश में, और इनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपया हमारे खून पसीने की कमाई का दुश्मन के हाथ में जा रहा है इन्हीं अमरीकी कंपनियों को। कैसे जा रहा है, एक अमरीकी कंपनी है पेप्सी कोला, वो धंधा कर रही है हमारे देश में, एक अमरीकी कंपनी है कोका कोला, वो भी धंधा कर रही है हमारे देश में, दोनों अमरीकी कंपनियां बेचती हैं क्या, पानी भर के बोतल में, पानी का नाम है लहर पेप्सी या कोका कोला या लहर सेवन अप या कुछ और, ये सब जो पानी बिक रहा है हिंदुस्तान के गांव गांव में, और गांव गांव में ये दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिक रहा है, और हमारे देश के नेता बुला लाए। एक बार हमारे देश के नेताओं ने कोका कोला को भगाया था, अब ऐसे निकृष्ट कोटि के नेता हैं कि फिर उसी कोका कोला को बुला लाए इस देश। तो अब बिकता है पानी गांव गांव में, पीने का पानी शायद ना मिले हिंदुस्तान के गांव में, लेकिन पेप्सी कोला कोका कोला मिलेगा, 10-10 रुपए की बोतल बिकती है, 10 रुपए का पेप्सी कोला, 10 रुपए का कोका कोला। अब ये जो 10 रुपए का पेप्सी कोला कोका कोला बिकता है वो मुश्किल से 70 पैसे का बनता। आप पूछेंगे मुझे कैसे मालूम, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है BICP, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये BICP डिपार्टमेंट का काम क्या है, BICP डिपार्टमेंट का काम यह है कि भारत के बाजार में बिकने वाली हर वस्तु का लागत कीमत तय करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना। तो एक बार BICP के अधिकारियों को मैं मिला दिल्ली में, मैंने उनको कहा कि ये पेप्सी कोला कोका कोला 10 रुपए का जो बिकता है आप ये तो बताओ ये बनता कितने का। तो उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा राजीव भाई हम बताएंगे तो सही लेकिन आप हमारा नाम मत लीजिए कभी भी कहीं। तो मैंने कहा क्यों भाई, तो उन्होंने कहा आप सब समझते हैं अभी हम आपको क्या बताएं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आप बताओ तो सही कि ये कीमत क्या है, इसकी लागत क्या है। तब उन्होंने बताया, 3 महीने मुझको घुमाते रहे लेकिन बताया जरूर, 3 महीने के बाद उन्होंने बताया कि ये पेप्सी कोला कोका कोला 70 पैसे में बनता। फिर मैंने पूछा कि ये जो 70 पैसे में बनता है इसमें एक्साइज ड्यूटी शामिल है कि अलग है, उन्होंने कहा विद एक्साइज ड्यूटी। उन्होंने कहा पानी तो 23-35 पैसे का, ये एक्स फैक्ट्री वैल्यू है। तो मैंने कहा यार हद हो गई, 70 पैसे का पानी और बिकता 10 रुपए, मुनाफा गया 9 रुपए 30 पैसे। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट है 9 रुपए 30 पैसे, उसमें से क्या करते हैं दुकानदार को थोड़ा देते हैं 1-1.5 रुपया, बेचने वाले दुकानदार को, सरकार उसमें से थोड़ा
टैक्स ले लेती है, आप जानते हैं कॉरपोरेट टैक्स लगता है, तो कॉरपोरेट टैक्स के माध्यम से सरकार ने लिया, दुकानदार को दिया, लागत कीमत निकाल दो, एक्स फैक्ट्री निकाल दो कीमत उसमें से, तो एक पेप्सी कोला की बोतल पर बड़े आराम से अमरीका को 7 रुपए बचता। माने हम में से किसी ने अगर एक बोतल पेप्सी कोला पिया तो 7 रुपए दुश्मन के हाथ में दे दिया। ये हम लोगों का चरित्र। और कोई थोड़ा पागल हुआ और उसने एक दिन में 10 बोतल पिया तो 70 रुपए दे दिया दुश्मन को। और ऐसे इस देश में करोड़ों पागल हैं, रोज पीते हैं। और ऐसे ऐसे पागल मैंने देखे हैं इस देश में जो रोटी खाते खाते कोका कोला पीते। आप पूछेंगे ऐसे पागल कहां मिलते हैं, मुंबई में चले जाइए, बहुत मिलते हैं ऐसे पागल। बोतल मुंह में डालते हैं तुरंत तो आंख में आंसू आते हैं, फिर कहते हैं जैसे ही पेप्सी कोला गले में जाता है तुरंत नाक में चींटियां काटती, जलन होती है, फिर तुरंत दिमाग में जलन होती है चींटियां काटती है, फिर गले में जलन होती है, फिर पेट में जलन होती है, फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, फिर एसिडिटी बनती है, फिर ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, फिर भी पागल घटाघट पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, फिर तकलीफ हो रही है, फिर भी पी। और मैंने ऐसा देखा है कि इस देश में जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतने ही ज्यादा पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं। जो गांव का बिना पढ़ा लिखा किसान है, बहुत होशियार है और बहुत राष्ट्रभक्त है, वो नहीं पीता पेप्सी कोला कोका, वो दही की छाछ पीता है, गाय का दूध पीता है, ऊस का रस पीता है, संतरे का रस पीता है। लेकिन ये जो शहर का पढ़ा लिखा इडियट क्लास है ये ही सबसे ज्यादा पीता है। आप पूछेंगे आप इसको इडियट क्यों कहते हैं, इडियट ना कहूं तो क्या कहूं। देखो पेप्सी कोला है 10 रुपए का 300 मिलीलीटर, तो 20 रुपए का 600 मिलीलीटर, तो 30 रुपए का 900 मिलीलीटर, तो 33 रुपए का 1 लीटर, तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला और 12 रुपए का 1 लीटर गाय का दूध। तो जो आदमी 12 रुपए लीटर का गाय का दूध ना पिए, 33 रुपए लीटर का जहर मिलाया हुआ पानी पिए, उसको इडियट ना कहूं तो स्मार्ट कहूं। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश। और कैसे ये धंधा चलता है आप सीधा सा हिसाब जोड़िए कि 70 पैसे का पानी 7 रुपए अगर नेट प्रॉफिट है तो मुनाफा हो गया 1000 टका। 1000 टका मुनाफा दुश्मन देश की कंपनियों को हम दे रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, वो पानी। और पानी अमेरिका से नहीं लाते, पानी हमारे ही देश का है, हमको ही बेचते हैं, मुनाफा अमेरिका ले जाते। और एक बार मैं पेप्सी कोला की फैक्ट्री देखने गया तो मुझे एक और बात पता चली कि एक पानी की बोतल पेप्सी कोला की भरने के लिए उसको सफाई जब किया जाता है तो 10 लीटर अच्छा पानी उसमें बर्बाद करते हैं। एक पेप्सी की बोतल की सफाई करने में 10 लीटर अच्छा पानी बर्बाद होता है, करोड़ों लीटर पानी हर साल वो हमारा बर्बाद करते हैं जो पीने लायक है। आप जानते हैं कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं और करोड़ों लीटर पानी बोतल धोने में बर्बाद होता है। और क्या तमाशा चल रहा है हमारे देश में कि दुश्मन देश का ये पेप्सी कोला कोका कोला बिकवा कौन रहा है इस देश में। नेताओं ने तो लाइसेंस दे दिया, ठीक है, अब बिकवाने का धंधा कौन चलाता है। एक आदमी है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब आप उसको कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा नेशनल हीरो है, वो हीरो है कि क्या है, आप जरा सोचिए कि जो आदमी हमारे दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिकवाने का धंधा करे वो हीरो है कि विलेन, अभी ये तय करना बाकी। आप देख लो कि सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा जाहिरात करता है पेप्सी की, और दूसरे नंबर पर अगर उसको समय मिला तो सबसे ज्यादा जाहिरात करता है कोलगेट की, कोलगेट भी अमेरिकन कंपनी, और तीसरे नंबर पर समय मिला तो वो जाहिरात करता है वीजा पावर की, वीजा भी अमेरिकन कंपनी। माने चुन चुनकर अमेरिकन कंपनियों की जाहिरात हमारे देश का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर करता है, उसको हम कहते हैं वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। वो राष्ट्र का खिलाड़ी है कि अमरीकी कंपनियों का एजेंट, हमने तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए बनाया, वो तो धंधा बढ़ा रहा है अमरीकी कंपनियों का। और उसी के पद चिन्हों पर दूसरे लोग चल रहे हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी कर रहा है पेप्सी का जाहिरात, अजय जडेजा भी कर रहा है हेड एंड शोल्जर का जाहिरात, वो भी अमरीकी कंपनी, सौरभ गांगुली भी करता है, विनोद गांगुली भी करता है। और मैंने क्या देखा है कि जितने हमारे बैट्समैन हैं वो सब पेप्सी की जाहिरात करते हैं और जो बॉलर्स हैं वो कोका कोला की जाहिरात।
बॉलर्स में सबसे ज्यादा कोका कोला की जाहिरात करता है अनिल कुंबले, दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ, तीसरे नंबर पर अजीत आगरकर। तो बॉलर्स सब कोका कोला के हैं, बैट्समैन पेप्सी कोला के हैं, भारत का कोई नहीं। आप सोचते हो ये भारत के लिए खेलते हैं, कोई भारत के लिए नहीं खेलता, सब पैसे के लिए खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को पेप्सी कोला कंपनी साल में 1 करोड़ रुपए देती, अनिल कुंबले को कोका कोला कंपनी साल में 50 से 60 लाख रुपए देती, और इसी रेंज में सब खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये पैसे के लिए खेलते हैं, कोई राष्ट्र के लिए नहीं खेलते। और ये लोग राष्ट्र के लिए खेलते नहीं है, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए अभी इस देश में, कि ये सब लोग हैं जो अमरीकी कंपनियों का धंधा बढ़ाने के काम में लगे। इनके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे शाहरुख खान, जैसे करिश्मा कपूर, ये शाहरुख खान भी पेप्सी का जाहिरात करता है, करिश्मा कपूर भी कोका कोला का जाहिरात करती। तो ये सब लोगों को राष्ट्र की कितनी चिंता है या कितने ये राष्ट्र विरोधी हैं, आप खुद तय करिए। मैं आपको सिर्फ एक सबूत पेश कर रहा हूं। आपने अभी देखा कारगिल का संकट हुआ, कारगिल के संकट में आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के गांव गांव से गरीब आदमी ने कुछ ना कुछ देश के लिए दान किया, किया कि नहीं किया? मुझे तो खुद मालूम है, क्योंकि कई शहर में मैंने इकट्ठा किया पैसा हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की मदद से, हमने भी भेजा वहां जितना हमसे बन पड़ा। तो एक जगह तो मैं घूमता था छत्तीसगढ़ के इलाके में, ऐसे ही एक शहर में पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो मेरी आंख में एक दिन पानी आ गया, मैंने देखा कुछ भिखारियों ने जितनी भीख मांगी थी सब डाल दिया। माने जो रोटी खाने के लिए उन्होंने कहीं से भीख मांगा था वो पैसा भी कारगिल निधि में डाल दिया उन्होंने, कि ये भेज दो, इससे बड़ा हमारा और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता देश के लिए। इतने जिंदा दिल भिखारी, लेकिन दिल के कितने अमीर। उनके पास तो वही एक सहारा, रोज मांगना रोज खाना, रोज कुआ खोदना रोज खाना, और दे दिया सब पैसा। तो मैंने कहा आज का भोजन कैसे करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करेंगे एक दो दिन भोजन। इतने दिल के बड़े लोग हैं ये सब, जिनको हम भिखारी कहते हैं। एक ऐसे भी जगह मेरी आंख में आंसू आए, एक 3.5 साल का लड़का, हम ऐसे सड़क पे गुजरते थे मानते हुए कि कारगिल के लिए जिसको दान करना है वो करे, तो एक 3.5 साल का लड़का अपने घर के अंदर गया, अपनी गुल्लक लेकर आया, गुल्लक समझते हैं जिसमें पैसा रखते हैं, उसने कहा इसको तोड़ लो और इसमें जितना मिले तो वो सब कारगिल में भेज। तो उसी के सामने हमने उसकी गुल्लक तोड़ी मिट्टी की, तो उसमें कुछ 1100 रुपए निकले, उसने सब दे दिए 3.5 साल के बच्चे की। आप चेतना देखिए राष्ट्र के बारे में। मैंने उस बच्चे को एक ही प्रश्न किया कि ये पैसे तुमने किस लिए जमा किए थे, उसने कहा अंकल मैं इसकी साइकिल खरीदने वाला था। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारी साइकिल नहीं आएगी, तो उसने कहा ठीक है नहीं आएगी, ये पैसा कारगिल भेज दीजिए। और उसके माँ और बाप को बहुत गौरव महसूस हुआ कि हम शायद 100 रुपया देते या 200 देते या 500 देते, हमारे बेटे ने पूरी गुल्लक दे दी। तो 3.5 साल का बेटा हो या हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी, 90 साल का बुजुर्ग हो या कोई नौजवान, सबने कुछ न कुछ दिया। लेकिन आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर ने क्या दिया, विनोद कांबोली ने क्या दिया, अजय जडेजा ने क्या दिया, शाहरुख खान ने क्या दिया, करिश्मा कपूर ने क्या दिया, इन लोगों ने क्या दिया कारगिल के लिए? कुछ नहीं दिया। अपने खीसे में से निकालकर, अपने घर में से निकालकर एक पैसा नहीं दिया। आप जानते हैं ये सब करोड़पति लोग हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के नाम पर इकट्ठा किया, उसमें से अगर 2, 5, 10 करोड़ भी ये देते तो इनके घर में कोई कमी नहीं होने वाली थी, लेकिन नहीं दिया। जब इनके ऊपर दबाव पड़ा कि कारगिल में कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया कि चलो एक फुटबॉल का मैच खेलेंगे और फुटबॉल के मैच में टिकट बेचेंगे, और उस टिकट की जो बिक्री होगी उसका जो पैसा आएगा उसमें अपने मैच का खर्चा निकालकर जो बचेगा वो कारगिल दे। तो मैच हुआ दिल्ली में, आप सब जानते हैं, एक तरफ फिल्म स्टार दूसरी तरफ तो ये क्रिकेट प्लेयर। तो मैच में टिकट किसने खरीदा, उन लोगों ने जो खुद भी कारगिल में दान कर रहे थे, हमारे जैसे आप जैसे ही लोगों ने तो टिकट खरीदा। तो टिकट का पैसा तो उनके खीसे का था जो पहले भी दे चुके थे कारगिल के लिए,
इन्होंने अपनी जेब से निकाल कर क्या दिया देश के लिए, तो आप सोच लीजिए ये कितने राष्ट्र के लोग हैं और हम इन्हीं के लिए माथामारी करते हैं। और ये कितने निकृष्ट और घृणित किस्म के लोग हैं। थोड़े दिन पहले कपिल देव ने कहा कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, चलो अकल तो आई। लेकिन अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि चूंकि युद्ध खत्म हो गया है तो पाकिस्तान से मैच खेल लेना चाहिए। मतलब क्या है कि मैच होगा तो सबका हिस्सा उसमें बनेगा, मैच होगा तो पेप्सी कप होगा या कोका कोला कप होगा या विल्स कप होगा, और जो भी कंपनी मैच को स्पॉन्सर करेगी वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रखेगी, तो किसी खिलाड़ी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, कपिल देव को कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में तो बुलाया ही जाएगा, तो उसमें 10-20 लाख तो मिल ही जाएगा, इसलिए मैच खेल लो। और इन खिलाड़ियों की आप राष्ट्रभक्ति की पहचान करें तो करिए कि जिस समय हमारे देश के जवान पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अपने जमीन का एक एक इंच बचाने के लिए सीने पर गोलियां खा रहे थे, उस समय हमारे क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में पाकिस्तानियों से मैच खेल रहे। अगर इनमें थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति होती और थोड़ी भी देश राज की भावना होती तो जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते कि ये मैच संभव नहीं, हम इंग्लैंड में खेलें विश्व कप या ना खेलें, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न है, ये मैच संभव नहीं है भारत पाकिस्तान का। आपको जो करना है करिए, आप हमारी टीम को डिबार करना चाहते हैं कर दीजिए, हमारी टीम को ग्रुप 6 में से निकालना हो तो निकाल दीजिए, हम मैच नहीं खेल सकते क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता दुनिया में, राष्ट्र की अस्मिता से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता पूरी दुनिया में। लेकिन किसी ने नहीं कहा, पाकिस्तान से बाकायदा मैच हुआ और मैच खत्म हुआ, उसके बाद और मैच हुआ वो भी खत्म हुआ, और जब ये पक्का हो गया कि हिंदुस्तान की टीम अब सुपर 6 में हार गई है और झोली डंडा लेकर वापस आने वाली है, तब इनमें कारगिल प्रेम पैदा हुआ, उसके पहले कहां था। मैच चूंकि खत्म हो गया और कुछ काम नहीं था, धंधा नहीं था, तो कारगिल प्रेम पैदा हो गया। ये तो सब आर्टिफिशियल है, बनावटी। ऐसे हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं या ऐसे हमारे देश के स्टार्स हैं जिनको आप एक्टर एक्ट्रेसेस कहते हैं, ये तो सब राष्ट्र की बर्बादी के काम में लगे हुए लोग हैं, इनको तो राष्ट्र का हीरो कैसे कहें, ये तो टॉप मोस्ट विलेन। और दुर्भाग्य क्या है हम सब लोगों का कि इन्हीं विलेनों की फोटो हमारे घरों में मिलती है, वो शाहरुख खान की भी फोटो मिलेगी, जूही चावला की भी मिल जाएगी, करिश्मा कपूर की भी मिल जाएगी, सचिन तेंदुलकर की भी मिल जाएगी, मोहम्मद अजहरुद्दीन की भी मिल जाएगी, अजय जडेजा की भी मिल जाएगी। हमको तो अकल ही नहीं है और हमको ये भी समझ में नहीं आता कि कौन राष्ट्र का दुश्मन है और कौन राष्ट्र का दोस्त है, हम तो अपने पराये का भेद भी खत्म कर गए, ये भी नहीं समझता कि किसकी फोटो होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई कि ये पेप्सी कोला कोका कोला विल्स कंपनियों की जाहिरात करने के लिए जो क्रिकेट का खेल होता है, ये क्रिकेट का खेल किसी राष्ट्र के लिए नहीं हो रहा। ये गलतफहमी में आप मत रहिए कि राष्ट्रों की दोस्ती बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल हो रहा, कुछ नहीं, कंपनियों की जाहिरात करने के लिए क्रिकेट का खेल है, बिक्री बढ़ाने के लिए क्रिकेट का खेल है, इसलिए पेप्सी कप होता है, कोका कोला कप होता है, विल्स ट्रॉफी होती है, इंडिया कप आपने कभी सुना, भारत ट्रॉफी कभी सुना है, भारत कप आपने सुना है कभी क्रिकेट में होता, क्यों नहीं होता। पेप्सी कप है, कोका कोला कप है, विल्स ट्रॉफी है, तो इंडिया कप क्यों नहीं हो सकता, भारत कप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, खेल के बहाने से आए या सिनेमा के बहाने से आए या किसी और तरीके से आए, पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए मर रहे हैं सब, कुछ राष्ट्र के लिए इनके दिल में। और मुझे तकलीफ उससे भी बड़ी क्या हुई कि इन्हीं के चक्कर में हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान घंटों घंटों बर्बाद करते हैं टेलीविजन के सामने बैठकर, 8 घंटे क्रिकेट का मैच देखते हैं। और इस बार भी मैं एक चीज बहुत गहराई से महसूस करता रहा कि जब तक इंग्लैंड में भारत की टीम सुपर 6 में रही तब तक हिंदुस्तान में कारगिल निधि के लिए एक भी रैली नहीं हुई किसी भी गांव में। आजादी बचाओ आंदोलन की 2-4 रैलियों को छोड़कर जो हम लोगों ने की थी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, हिंदुस्तान के किसी भी अखबार की कटिंग आपको बता नहीं सकती, जब तक हिंदुस्तान हारा नहीं सुपर 6 में तब तक हिंदुस्तान में कहीं कारगिल निधि की कोई रैली नहीं हुई, कहीं हिंदुस्तान में खून देने वालों की लाइन नहीं लगी। जैसे ही हिंदुस्तान हारा और पता चला कि टीम वापस आ रही है झोली डंडा लेके, तब लोगों में भी कारगिल प्रेम पैदा हुआ, तब रैलियां होना शुरू हुई, खून देना शुरू हुआ,
तो हमारी राष्ट्रभक्ति किससे जुड़ी हुई है, वो भी निखालित नहीं रहेगा। और जब देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान फंसे हुए थे क्रिकेट के मैच में, तो हिंदुस्तान के जवान सीमा पर एक एक इंच जमीन की रक्षा कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर कहीं हमला उससे भी भयंकर होता और पूरी सीमा पर हमारे देश में हमला हो गया होता, तो हमारे तो करोड़ों लोग बैठकर टीवी ही देखते रहते और हिंदुस्तान को दुश्मन ने खलास कर दिया होता। ऐसे हम फंसे हुए हैं, दुश्मन ने एक जाल फेंका, चुग्गा फेंका, हम उसमें फंस गए। और आपको बताऊं, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है कि इन कंपनियों ने पेप्सी कोला, कोका कोला, विल्स या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, हिंदुस्तान लीवर, ये जितनी विदेशी कंपनियां हैं और उनके साथ हिंदुस्तान की भी कुछ देशी कंपनियों ने इस क्रिकेट के मैच में डेढ़ महीने के अंदर 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए खर्च किया एडवर्टीजमेंट में। माने 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में डेढ़ महीने में खर्च हुआ और कारगिल के कोष में अभी तक 200 करोड़ इकट्ठा नहीं हो पाया। माने ये पेप्सी कोला वाले, कोका कोला वाले, हिंदुस्तान लीवर वाले मानते हैं कि हम हिंदुस्तान में धंधा कर रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। वो लूटा हुआ पैसा इंग्लैंड के क्रिकेट के खेल के प्रसारण में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उस पैसे का कुछ अंश कारगिल में नहीं जा सकता। कारगिल में जिसने दिया वो बेचारे गरीब लोगों ने इकट्ठा करके। तो असली राष्ट्रभक्त कौन है और नकली राष्ट्रभक्त कौन है, उसका पता तो आपको अब चल गया होगा। और अगर आप उनमें से इस श्रेणी में कहीं आते हो नकली राष्ट्रभक्तों की, तो इशारे से मैं कह रहा हूं कि जल्दी से उसमें से बाहर निकल आइए। इस देश में इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कहीं ये वर्गीकरण हुआ तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के। तो आप अपने अपने स्तर पर सोचिए, अपने अपने दिल से पूछिए कि हमारी राष्ट्रभक्ति कहीं वो असली वाली थी या नकली वाली, स्वयं स्फूर्त थी या ये सब प्रसारण देख देख कर, तरह तरह के टेलीविजन पर देख देख कर या अखबार में पढ़ पढ़ कर आई थी कहीं। ये दुश्मन की फेंकी हुई एक चाल है जिसमें हम फंस गए, पेप्सी कोला के बहाने, कोका कोला के बहाने, कोलगेट के बहाने, और इतने फंस गए कि अपनी राष्ट्रभक्ति भी भुला बैठे। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है किसी राष्ट्र के लिए, और इसी को मैं खतरनाक आर्थिक युद्ध कहता हूं। इसमें क्या नुकसान है, आप भी बर्बाद हो रहे हैं, राष्ट्र भी बर्बाद हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए इस देश का जा रहा है, पेप्सी कोला कमा के ले जाता 240 करोड़, कोका कोला कमा के ले जाता 300 करोड़, कॉलगेट कमा के ले जाता 30-35 करोड़, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले जाता, रैकेट एंड कोलमैन ले जाता, हिंदुस्तान लीवर ले जाता, जॉनसन एंड जॉनसन ले जाता, फाइजर ले जाता, सीवा गाई, 4000 ऐसी कंपनियां हैं, उनमें सैकड़ों तो अमरीका की हैं और कुछ तो अमरीकी पिट्ठू देश जिनको G7 कहते हैं उनकी। तो ये एक तरह का खतरनाक आर्थिक युद्ध, और इस खतरनाक आर्थिक युद्ध के बारे में मैं बहुत बार आपको कह चुका हूं, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ संदर्भ के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो हमारे देश में विदेशी कंपनियों को भेजकर जो तमाशा हो रहा वो आर्थिक युद्ध हो रहा। और इस आर्थिक युद्ध का नतीजा क्या है कि हर साल इस देश का 70,000 करोड़ रुपए विदेश जा रहा है, दुश्मन के हाथ में जा रहा है, वही पैसे से दुश्मन हथियार बना रहा है, वही हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान उसी हथियार से आपके देश के ऊपर हमला कर रहा है। या आप जो 70,000 करोड़ दुश्मन के हाथ में दे रहे हैं उसी पैसे को वो पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री लोन में दे रहा है और पाकिस्तान उसी पैसे से हमारे देश पर हमला कर रहा है, तो हम तो अपने ही देश की बर्बादी में हैं। और एक बहुत खतरनाक किस्म का सांस्कृतिक युद्ध भी इस देश में चल रहा है। सांस्कृतिक युद्ध क्या चल रहा है, अमरीका ने जिस तरह से आर्थिक युद्ध करने के लिए हिंदुस्तान में पेप्सी कोला को भेजा, कोका कोला को भेजा, विल्स को भेजा या प्रॉक्टर एंड गैम्बल को भेजा, उसी तरह हिंदुस्तान में सांस्कृतिक युद्ध करने के लिए अमेरिका ने स्टार टीवी को भेजा, ESPN चैनल को भेजा, स्टार स्पोर्ट्स को भेजा, CNN को भेजा है, वी चैनल को भेजा है, एम चैनल को भेजा है। हिंदुस्तान में 15-16 विदेशी टीवी चैनल। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि जी टीवी क्या स्वदेशी है, जी टीवी में 51% पूंजी अमरीका की लगी है। तो ये सारे के सारे टीवी चैनल एक साथ मिलकर हमारे ऊपर भयंकर किस्म का सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं। कैसा सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं आप पूछेंगे, सांस्कृतिक हमला ये हो रहा है कि आप जरा ये देखिए कि वी चैनल और एम चैनल पर आता क्या है रात में, एक ही तरह के गाने और एक ही तरह के गीत जिनमें सिवाय सेक्स और सेक्स की अश्लीलता के दूसरा कोई विषय नहीं। एम चैनल और वी चैनल पर इसी तरह के गाने 24 घंटे,
और इतने खतरनाक दोनों टीवी चैनल हैं एम चैनल और वी चैनल कि कोई तो संस्कारशील माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख नहीं सकते। या तो बच्चों को उठना पड़ेगा या माँ बाप को उठकर जाना पड़ेगा। ऐसे घटिया और रद्दी टीवी चैनल हैं इनके गाने हैं, या फिर स्टार प्लस है या फिर जीस है, तो ये जी है या स्टार प्लस है, इन सब टीवी चैनलों पर कुछ तो आते हैं गाने, और गाने भी एक एक से फालतू के, और वो गानों के अलावा कुछ आता है तो सीरियल्स, और जितने सीरियल्स आएंगे स्टार प्लस पर या जी पर आप देखेंगे हर सीरियल का एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन, हर टीवी सीरियल का एक ही किस्सा होगा, किसी की पत्नी किसी के साथ भागी, किसी का पति किसी के साथ भागा, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंसा, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंसी, एक महिला 10 पुरुषों के साथ फंसी हुई है, एक पुरुष 10 महिलाओं के साथ फंसा हुआ, यही सब फालतू फालतू बात जो भारतीय समाज में कभी संभव नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन दोनों पाप माने जाते हैं, संभव नहीं हमारे समाज, लेकिन वही टीवी सीरियल इस देश में रोज दिखाए जाते हैं जिनमें सिवाय पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन के अलावा कुछ नहीं होता। या फिर एक दूसरी थीम होती है हर टीवी सीरियल में, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, माँ बेटी के झगड़े, दो पड़ोसियों के आपस के झगड़े, दो बिजनेस पार्टनर के आपस के झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के मरने के लिए सुपारी ले रहा है, कोई किसी को मरवाने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा है, कोई किसी का बिजनेस चौपट करने में लगा, ये फालतू के सीरियल। आप जानते हैं कि पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन और ये परिवार के झगड़े ये भारतीय समाज की बातें नहीं, ये सब अमरीकी समाज में होता है। पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन शायद ही अमरीका के किसी परिवार में ना हो, ऐसा परिवार वहां ढूंढना आपको मुश्किल होगा। जिन परिवारों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो अमरीका में ऐसे परिवार ढूंढना बहुत मुश्किल है, वहां की संस्कृति में ये रचा बसा हुआ है। और चूंकि ये वहां अमरीकी संस्कृति में शामिल है इसलिए तो बिल क्लिंटन ये करता। और बिल क्लिंटन ये सब करते हुए भी अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता क्योंकि अमेरिका की प्रजा ये सब करती है तो राष्ट्रपति भी करता। और इसलिए चूंकि वहां की संस्कृति में ये सामान्य बात है तो हिलेरी क्लिंटन कभी लात मार के उसको घर के बाहर नहीं निकालती क्योंकि उनको लगता है कि ये सब तो कॉमन बात है, हिंदुस्तान में ये नहीं चल सकता, यहां तो परिवार टूट जाएगा। जरा भी शक हुआ पति को पत्नी पर या पत्नी को पति पर तो परिवार एक नहीं रह सकता, यहां टूटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहां ये संभव नहीं, हमारे संस्कार में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं। हमारी संस्कृति में तो यह है कि एक बार पति पत्नी की शादी हो गई तो तोड़े कैसे यही नहीं समझ में आता, तोड़ना नहीं आता लोगों। और आप गांव में चले जाइए महिलाओं से पुरुषों से बात कर लीजिए कि शादी हो गई थी वो तो 7 जन्म पहले कहीं तय हो गई थी हमारी, तो हो गई बस, देखा हो पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को कोई जरूरी नहीं है, हो गई है। यहां तो विश्वास पर चलता है ना सब कुछ, और विश्वास के अलावा सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर ने कराया है तो ठीक ही कराया होगा। तो यहां की संस्कृति तो बिल्कुल फर्क है, ईश्वर ने कराया होगा तो ठीक ही कराया होगा, हमारे माँ पिता ने कुछ किया है तो ठीक ही किया होगा, वहां तो कुछ ऐसा होता नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं होता, वहां तो विश्वास क्या होता है 20 साल पति पत्नी साथ रह के नहीं समझ सकते। अमरीका में एक ही चीज के लिए परेशान होते हैं वहां के पति पत्नी, एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाते, हमेशा शक, हमेशा शक। तो इसलिए क्या होता है सवेरे शादी शाम को तलाक, दूसरे दिन शादी फिर तलाक, फिर शादी फिर तलाक, तो खेल है वहां तो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में से इसी तरह की सभ्यता निकलती है, इससे ज्यादा अच्छी सभ्यता निकल नहीं सकती वहां, तो है वहां पर। और टीवी चैनल जितने वहां चलते हैं सेक्स की बातें दिखाते हैं या सेक्स की अश्लीलता दिखाते हैं तो उसका नतीजा भी है 12-13 साल में लड़कियां मां बनती हैं, 14 साल में लड़कियां मां बनती हैं, वहां चलता है। और जिन लड़कियों को स्कूल जाना होता है और उनके बच्चे भी साथ में होते हैं उनके लिए स्पेशल किस्म के स्कूल अमेरिका में बनाए जाते हैं क्योंकि वहां की सरकार को मालूम है कि यह सब होने ही वाला है समाज, यहां तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये मैं तो यूरोप में देख चुका हूं, बहुत सारे देशों में घूमते घूमते एक बार मेरे मन में अचानक से प्रश्न आया कि ये यूरोप के देशों में रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। एक दिन मैंने ऐसा सोचा अपने मन में, आप कहेंगे बहुत बेवकूफी का प्रश्न, लेकिन मैंने सोचा कि ये रक्षाबंधन क्यों नहीं होता। भाई बहन तो होते ही हैं, परिवार तो होता ही है, भले ही वो अधकचरा हो
अपसंस्कृति वाला हो, लेकिन परिवार तो है, भाई बहन तो, लेकिन रक्षाबंधन क्यों नहीं? तो सोचते सोचते एक दिन मैं निष्कर्ष में पहुंचा कि जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन ही समाज का मुख्य हिस्सा हो, वहां रक्षाबंधन हो कैसे सकता? क्योंकि रक्षाबंधन तो उसी देश में हो सकता है जिस देश में किसी माँ ने बचपन से सिखाया हो कि देख, किसी की बहन तेरी बहन है, किसी की बेटी तेरी बेटी है, किसी की माँ तेरी माँ है। ये तो उसी देश में संभव रक्षाबंधन। ये अमरीका में कैसे हो सकता, यूरोप में कैसे हो सकता? और अमेरिका और यूरोप में ये इसलिए भी संभव नहीं है कि बहुत बार तो वहां ऐसे किस्से होते हैं कि भाई ने बहन के साथ बलात्कार किया या बहन ने भाई के साथ संसर्ग किया। ये तो होता ही रहता है अमेरिका में, यूरोप में भी होता है। कैसे संभव है रक्षाबंधन हो जाए वहां? क्योंकि रक्षाबंधन होता है वो सिर्फ भागा नहीं होता, वो बहन पवित्रता की एक डोर बांधती है भाई की राहत पर कि जवान भाई और जवान बहन के आपस के रिश्ते क्या होंगे, वो तय करता है रक्षाबंधन। तो बहन जब कलाई पर राखी बांधती है तो भाई से ये अपेक्षा करती है कि ये कलाई पर राखी नहीं है, ये पवित्रता की एक डोर है, तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति हमेशा पवित्र भाव ही होना चाहिए, इसलिए तो रक्षाबंधन है। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने ऐसे ही रक्षाबंधन नहीं निकाला है, उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन होगा। अमरीका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, क्योंकि समाज में इस तरह की संस्कृति नहीं। और जिस समाज की अपनी संस्कृति नहीं है, या उजाड़ संस्कृति है या अपसंस्कृति है, उसी अपसंस्कृति को हिंदुस्तान में घुसेड़ा जा रहा है। स्टार टीवी, जी टीवी, CNN, ATN, प्राइम स्टार, प्राइम स्कूल, और हिंदुस्तान के लोग बेवकूफों की तरह से बड़ा गर्व महसूस करते हैं, हमारे घर में केबल कनेक्शन है। अरे सत्यानाश हो आपका घर में केबल कनेक्शन, क्यों लिया है, ये क्या काम का है केबल कनेक्शन? आपको अगर यही सीखना है पर स्त्री गमन कैसे करना, पर पुरुष गमन कैसे करना, तो अच्छा है कि केबल कनेक्शन बंद कर दीजिए, अमेरिका में जाकर रहिए, समझ में आ जाएगा। काहे को ले लिया ये केबल कनेक्शन? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, राजीव भाई उसमें से ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? 1% ज्ञान मिलेगा, 99% आपको उल्टी बातें। तो ज्ञान तो याद नहीं रहता, फालतू की बातें याद रह जाती है। क्योंकि आदमी के चरित्र की विशेषता है ये कि गिरता जल्दी है, उठने में देर लगती, फिसलने में समय नहीं लगता। फिसलने में, गिरने में, रपटने में, कहीं दुष्चक्र में फंसने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपने आप को नीचे गिरे हुए से उठाने में बहुत समय लगता है। तो ज्ञान लेने में समय लगता है, लेकिन फालतू बातें सीखने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बच्चे सीख रहे हैं रोज, इस तरह के टेलीविजन चैनल देख देख कर आज इस देश के बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 साल में जिस तरह की बातें करने लगे हैं, सुनकर ऐसा नहीं होता। कई बार मुझे अफसोस होता है कि इस देश के बच्चे बचपन में जवान हो रहे हैं इस तरह के टीवी सीरियल देखकर। और हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और एक पराई संस्कृति में, विदेशी संस्कृति में रहने को गौरव महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति। जब आप अपनी संस्कृति की जड़ों से कट जाएं, एक पराई और विदेशी संस्कृति में जीना शुरू करें और आप माने कि यही हमारे लिए तरक्की है, यही विकास है, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति। आपको तो अपने पराये का भेद भी खत्म हो गया होगा तब। इसी को मैं सांस्कृतिक आक्रमण मानता हूं। ये 3-4 तरह के खतरनाक आक्रमण इस देश में। एक तो राजनीतिक आक्रमण है, दूसरा आर्थिक आक्रमण है, तीसरा सांस्कृतिक आक्रमण है, और एक तकनीकी आक्रमण है। अब प्रश्न ये है कि जिस तरह हमारे देश की सीमाओं पर रहने वाले जवानों ने इस देश को राजनीतिक आक्रमण से बचाया, एक एक इंच जमीन की रक्षा की, भले ही अपनी जान दी, तो अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है कि हम इस देश को आर्थिक और सांस्कृतिक आक्रमण से बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। ये जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि इस देश की सीमा पर लड़ने वाले सैनिक सारे युद्ध नहीं लड़ सकते। वो राजनीतिक युद्ध लड़ सकते हैं, दुश्मन ने आपकी जमीन छीनी तो छीन कर वापस ला सकते हैं, लेकिन दुश्मन ने अगर आपका पैसा छीन लिया, दुश्मन ने आपकी संस्कृति को छीन लिया, वो वापस लाने का काम सेना नहीं कर सकती, वो काम आपको करना होगा। सबकी जिम्मेदारी बटी होती है समाज में। बाप का फर्ज बाप अदा करता है, माँ का फर्ज माँ अदा करती है, भाई का फर्ज भाई अदा करता है, बहन का फर्ज बहन अदा करती है। सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, सबके अलग अलग फर्ज होते हैं। तो हमारे सैनिक जो सीमा पर लड़ रहे हैं, उनके कुछ कर्तव्य हैं, उनके कुछ फर्ज हैं, वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं। तो हमें अपने बारे में सोचना होगा कि हमारे जो कर्तव्य और फर्ज पूरे करने चाहिए। तो आपका एक ही फर्ज और कर्तव्य इस समय बचता है, वो है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बचाना, या राष्ट्र को आर्थिक युद्ध से बाहर निकाल कर लाना, और राष्ट्र को सांस्कृतिक युद्ध से बाहर निकाल कर लाना। तो आप पूछेंगे, ये आर्थिक युद्ध से देश को बाहर कैसे निकालें?
सांस्कृतिक युद्ध से देश को बाहर कैसे निकालें, आर्थिक युद्ध और सांस्कृतिक युद्ध से देश को बाहर निकालने का रास्ता एक डायनामाइट बम के सामने से होकर गुजरता। जैसे हमारे देश के सैनिक बम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को मारने के लिए, वैसे ही हमारे पास एक बम है दुश्मन को मारने के लिए, और उसका नाम है बहिष्कार, बॉयकॉट। बॉयकॉट वो डायनामाइट है, बहिष्कार वो बम है जो दुश्मन के बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसी बहिष्कार की ताकत पर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भागना पड़ा था। 1905 में यही बहिष्कार आंदोलन लोकमान्य तिलक ने चलाया था, 1907 में सावरकर ने चलाया, 1915 में गांधी जी ने चलाया। इसी बहिष्कार के आंदोलन की ताकत पर अंग्रेज भागे थे। तो वही बहिष्कार का आंदोलन अगर हम फिर से चलाएं तो ये दुश्मन देश की कंपनियां भी भागी। तो आपको अपना फर्ज निभाना है। माने कि दुश्मन देश की कंपनियों का सामान खरीदना बंद, अगर हम दुश्मन की कंपनियों का सामान खरीद रहे हैं तो अपने राष्ट्र से गद्दारी ही कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे क्या करें, कल से पेप्सी कोला पीना बंद, कोका कोला पीना बंद, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी सब पीना बंद। जो नहीं पी रहे हैं पहले से वो बहुत होशियार है, राष्ट्रभक्त है, जो पी रहे हैं वो कल से बंद करें, और ये पीने लायक भी नहीं। फ्रांस में, बेल्जियम में और नीदरलैंड में पेप्सी और कोक को जहर घोषित किया गया, और तीनों देशों की सरकारों ने पेप्सी और कोक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई। क्यों जहर है पेप्सी और कोक? पेप्सी और कोक में फॉस्फोरिक एसिड नाम का जहर है, और ये फॉस्फोरिक एसिड हड्डियों को भी गला देता। एक बार मैंने खुद प्रयोग करके देखा, एक टूटा हुआ दांत पेप्सी की बोतल में डाला, 11 दिन के अंदर पूरा दांत घुल गया। मेरा एक दोस्त है राजस्थान में, व्यावर में, उसको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ, उसने क्या किया, अपना दांत कोका कोला में डाला, उसका दांत 6 दिन में घुल गया। ये दांत को कभी आग में जलाइए, जलता नहीं है। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, उसके शव का दाह कर्म करने जाएं, तो उसका पूरा शरीर जलेगा, व्यक्ति की हड्डियां भी जल सकती हैं, दांत किसी के नहीं जलते। तो जो दांत आग में नहीं जलते, मिट्टी में खराब नहीं होते, वो पेप्सी कोक में घुल जाते हैं, तो क्यों पीने? और ये पेप्सी कोक इसलिए भी पीने लायक नहीं है कि केमिस्ट्री की भाषा में पेप्सी और कोक दोनों एसिड हैं, और एसिड किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान की भाषा में एसिड उसको कहते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 2.5 से 3 के बीच में हो। तो 2.5 से 3 के बीच में ही पीएच वैल्यू है पेप्सी और कोका कोला। आपके घर में एक एसिड आप इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है फिनाइल। फिनाइल की पीएच वैल्यू भी 2.5 से 3 के बीच में। तो फिनाइल से आप क्या करते हैं? संडास की सफाई। तो पेप्सी कोला कोका कोला किस काम का? फिनाइल को आप पी नहीं सकते क्योंकि वो एसिड है, तो पेप्सी कोला कोका कोला को कैसे पी सकते हैं? वो भी एसिड है। तो पेप्सी कोक अगर आपने खरीद कर रख लिया हो अपने फ्रिज में, तो उसका इस्तेमाल कर डालिए संडास की सफाई में, वो पीने लायक नहीं। और आप कभी मत पीजिए, अपने घर में आने वाले किसी मेहमान को मत पिलाइए, क्योंकि घर में आने वाला मेहमान देवता स्वरूप होता और देवताओं को कभी जहर नहीं पिलाते। तो आप पूछेंगे क्या पिए? लींबू का शरबत, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, दही की छाछ, गाय का दूध, ऊस का रस। कुछ नहीं मिलता तो माटले का पानी, तो सबसे अच्छा। आप पियेंगे, सबको पिलाएंगे, देश का पैसा बचेगा, दुश्मन के हाथ में नहीं जाएगा। पेप्सी कोक सारे देश में अगर बंद हुआ तो दुश्मन के हाथ में हर साल 2,000 करोड़ रुपए जो जा रहा है वो बचेगा। फिर ऐसे ही कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस बंद करिए, ये भी दुश्मन की कंपनियों का माल। कॉलगेट तो प्योर अमेरिकन है, पेप्सोडेंट, क्लोजअप अमेरिकन, पिट्ठू देशों का, G7 का, ये भी बंद करिए। और ये टूथपेस्ट इसलिए भी बंद करिए कि करने लायक नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है ये। कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, किसी भी टूथपेस्ट पर ISI मार्क नहीं है, एग मार्क भी नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार एक अधिकारी को मैंने पूछा कि ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट पर ISI मार्क क्यों नहीं है? उस अधिकारी ने कहा कि ISI मार्क उन चीजों को मिलता है जिनमें क्वालिटी होती, इनमें क्वालिटी ही नहीं, तो कैसे दे दें? फिर हमको लगा कि इसकी जांच करा के देखनी चाहिए, तो कॉलगेट की, क्लोजअप की, पेप्सोडेंट की हमने जांच कराई लेबोरेटरी में। तो जांच करने के बाद पता चला कि ये पेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे। एक तो दुश्मन के टूथपेस्ट हैं, ऊपर से मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे के, और मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे का पेस्ट अगर बनता है और उसको आप अपने मुंह में रगड़ते हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या कर, अपने धर्म की भी सत्यानाश कर, देश की बर्बादी, धर्म की भी बर्बादी।
और वैज्ञानिकों ने जांच करने के बाद बताया कि ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा तो है ही, इन सभी टूथपेस्ट में सिंथेटिक डिटर्जेंट भी है। सिंथेटिक डिटर्जेंट माने सोडियम लॉरेल सल्फेट, और ये क्या होता है, शैम्पू बनाने वाली चीज, जिससे शैम्पू बनता है उसी से कॉलगेट बनता, और ये सोडियम लॉरेल सल्फेट कैंसरस करता। क्यों डालते हैं कॉलगेट में क्लोजअप में, झाग बनाने के लिए, शैम्पू में भी झाग बनाने के लिए डाला जाता है, पेस्ट में भी झाग बनाने के लिए डाला। अब आप सोचिए कि शैम्पू के चीज से दांत साफ कर सकते, बंद करिए, ये बर्बादी हो रही है। और आपको एक बात और बताता हूं जो आप में से किसी को नहीं मालूम, कॉलगेट टूथपेस्ट जब अमेरिका में बिकता है तो टूथपेस्ट पर वार्निंग लिखी जाती है, चेतावनी लिखी जाती है, जैसे हमारे देश में सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है, वैसे ही कॉलगेट के डिब्बे पर अमेरिका में चेतावनी लिखनी पड़ती है, तब बिकता है वहां पर। और चेतावनी कुछ इस तरह की होती है, जैसे सिगरेट पर मैंने बताया ना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे ही कॉलगेट के डिब्बे पर लिखा होता है, और उसमें अगली लाइन ये लिखी होती है कि 6 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कॉलगेट मत कराइए, और गलती से कर लिया किसी बच्चे ने तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। इसका माने खतरा, वो खतरा आप क्यों अपने मुंह में लगा रहे हैं। अमेरिका में जो कॉलगेट चेतावनी के बाद ही बिकता, हिंदुस्तान में ऐसी कोई चेतावनी वो नहीं लिखते। आप बहुत बड़े धोखे में फंस रहे हैं क्वालिटी के नाम, तो बंद कर दीजिए। आप पूछेंगे क्या करें, दंत मंजन करिए, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, बीको वज्रदंती, डाबर का दंत मंजन, वैद्यनाथ का दंत मंजन। और दंत मंजन ही क्यों करें, आयुर्वेद का सिद्धांत यह कहता है कि दांत मजबूत बनाने हैं तो मसूड़े मजबूत होने चाहिए, मसूड़े मजबूत बनाने हैं मसूड़ों की मालिश होनी चाहिए, मसूड़ों की मालिश तभी हो सकती है जब दंत मंजन करें, तो दंत मंजन करिए। दंत मंजन अच्छा नहीं लगता तो लिम्बा की काढ़ी से दातुन करिए, बबूल की काढ़ी से करिए, देश का पैसा बचेगा, आपके घर का भी पैसा बचेगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारा पैसा दुश्मन के हाथ में नहीं जाए। ऐसे ही निवेदन है कि आप ये दुश्मन देश की कंपनियों की शेविंग क्रीम मत खरीदिए। अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली शेविंग क्रीम है पामोलिव, और दूसरी है शल्टन, और तीसरी है इरेस्मिक, और चौथी है ओल्ड स्पाइस। इन सब का बहिष्कार करिए, ये सब दुश्मन देश की कंपनी। तो आप पूछेंगे शेव कैसे बनाए, दाढ़ी कैसे बनाए, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप गर्म पानी करिए, गर्म पानी चेहरे पर लगाइए, फिर थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, कच्चे दूध की मालिश करिए, उसके बाद रेजर चलाइए, एकदम चिकनी दाढ़ी बनती है। और इसके 4 फायदे, सबसे बड़ा फायदा आपको शेविंग क्रीम नहीं खरीदनी, पैसा बचेगा। दूसरा फायदा आफ्टर शेव लोशन नहीं लगाना, वो भी पैसा बचेगा, ब्लेड आपका 2 गुना चलेगा। और सबसे बड़ा फायदा दूध चेहरे की सफाई करता है, दूध बहुत अच्छी सफाई करता है, बेस्ट क्वालिटी क्लीनिंग एजेंट है। तो रोज चेहरे पर दूध लगाइए, चेहरे की सफाई होगी, सफाई होगी तो गंदगी निकलेगी, गंदगी निकलेगी तो चेहरा चमकेगा, चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। आप करिए कल से। और यहाँ जलगांव में जिस नाई के पास आप बाल बनवाने जाएं उसको भी बताइए धूप से दाढ़ी बनाओ, तो सब सैलून में ये शुरू हो जाए। और जलगांव में होगा फिर भुसावल में होगा, भुसावल में होगा दूलिया में होगा, नंदुरबार में, सब जगह फैलेगा, क्योंकि अच्छी चीज बहुत तेजी से फैलती। ऐसे ही विदेशी साबुन मत खरीदिए, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर, कैमे, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, सब बंद करें। उसकी जगह खरीदना हो निर्मा, संतूर, कुटीर, नीम, मेडिमिक्स, मार्गो या फिर अफगान, ये सब स्वदेशी हैं, इनको खरीद, चंद्रिका वो भी खरीद सकते। ऐसे ही विदेशी कपड़ा धोने का साबुन मत खरीदिए, सर्फ, रिन, एरियल, व्हील, हैंको, सब विदेशी। उसकी जगह निर्मा, टी सीरीज, हिपोलिन, सता, सब स्वदेशी। सता तो यही बनता है महाराष्ट्र में, और सता बनाने वाली कंपनी में 40,000 बहनों को काम मिला, माने आपने सता खरीदा तो 40,000 बहनों के पास पैसा जाता है। और मैं उस कंपनी को देखने गया, उसमें कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, सब मालिक सब नौकर, सब जितना प्रॉफिट होता सब में बट जाता है। तो आपका पैसा वो 40,000 गरीब बहनों के पास जाता है, ये बात ध्यान रखिए, इसलिए सता खरीद। ऐसे ही विदेशी जूते चप्पल मत खरीदिए, एडिडास अमेरिकन कंपनी है, प्यूमा अमेरिकन कंपनी है, लोटो अमेरिकन कंपनी है, इनके तो कभी मत खरीदिए, ये बाटा बीएसटी भी मत खरीदिए, और ये सब बेईमान कंपनियां, बाटा तो बहुत बेईमान कंपनी, 150 रुपए के जूते को 699.95 रुपए में बेचता। आप कभी भी बाटा की दुकान में जाएंगे, रेट मिलेगा 99.95 रुपए, 199.95 रुपए, 699.95 रुपए, आपको लगेगा बड़े ईमानदार हैं, 5 पैसा भी ज्यादा नहीं ले रहे, वो 3 गुनी जेब काट लेते हैं आप, तो बंद कर दीजिए। फिर आप पूछेंगे जूते चप्पल कहां से खरीदे, जलगांव में जो मोची बनाते हैं उनसे खरीदे।
अगर आप जलगांव के मोचियों के जूते चप्पल खरीदें, मैं हमेशा मेरे गांव के मोची की चप्पल पहनता हूं। हम सब हिंदुस्तानी ये काम शुरू करें तो एक साल में 60 लाख मोचियों को रोजगार मिलेगा, पैसा भी बचेगा, काम भी मिलेगा। ऐसे ही मेरा एक और निवेदन है, बन सके उतना हिंदुस्तान में कॉटन के कपड़े पहनिए, खादी के कपड़े पहनिए, क्योंकि खादी और कॉटन के कपड़े से हिंदुस्तान के 15 करोड़ गरीबों को काम मिलने की संभावना है। कैसे? अभी हिंदुस्तान में खादी 1% बिकता, लेकिन 1% खादी बिकने से 15 लाख गरीबों को काम मिलता। अगर 100% खादी बिकना शुरू हो जाए देश में तो 15 करोड़ गरीबों को सीधे काम मिलेगा। और खादी बनाने के लिए जो भी कपास चाहिए वो सब हिंदुस्तान में पैदा होता, कुछ भी इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं। तो स्वदेशी कपड़ा पहनिए, स्वदेशी सामान खरीदिए, तो दुश्मन के खिलाफ जो आर्थिक युद्ध चल रहा है उसमें हम अपने देश को विजयी बना सकते हैं। और सांस्कृतिक युद्ध में अपने आप को विजयी बनाना है तो उसके लिए एक सीधा सा रास्ता है, केबल कनेक्शन घर में से निकाल दीजिए। स्टार टीवी, ESPN, प्राइम स्टार, MTV, VTV सब कनेक्शन काट। और वैसे भी ये केबल कनेक्शन देख देख के दिमाग ही खराब होता है, काम की कुछ चीज आप शायद सीख नहीं पाते हो। कुछ लोग कहते हैं वो डिस्कवरी चैनल आता, अरे डिस्कवरी चैनल में जितना कुछ आता है एनसाइक्लोपीडिया में उससे ज्यादा है, पढ़ लीजिए। जितना कुछ डिस्कवरी चैनल में आता है उससे कई गुना ज्यादा एनसाइक्लोपीडिया में आता है, खरीद लीजिए, घर में पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा थोड़ी है डिस्कवरी चैनल। सारी दुनिया भर का ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाए, और जितने रुपए में आप टीवी खरीद के रहे हैं उससे तो कम पैसे में एनसाइक्लोपीडिया की पूरी सीरीज खरीद सकते हैं। तो इतना ही रस है अगर ज्ञान लेने का दुनिया भर का, तो वो उससे ले लीजिए, जरूरी है कि विदेशी टीवी चैनल से ही। तो ये सब विदेशी टीवी कनेक्शन निकालिए, केबल कनेक्शन निकालिए, और इससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप अगर टीवी देखना कम कर दें और ये विदेशी केबल कनेक्शन निकालें अपने परिवार से, निश्चित रूप से आपका टीवी देखना कम होगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा टेलीविजन देखते हैं उतनी जल्दी मेमोरी खलास होती है, स्मरण शक्ति खत्म होती है। कैसे खत्म होती है? आप जानते हैं कि टेलीविजन देखते समय आपका दिमाग सोचना बंद कर देता, जितनी देर आप टीवी देखेंगे आपका दिमाग कुछ नहीं सोचेगा। आप यहां बैठे बैठे मेरी बातें सुन रहे हैं, बहुत कुछ आप सोच रहे होंगे। आप मत सुनिए कोई पुस्तक, पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आप सोचेंगे। पुस्तक भी मत पढ़िए, किसी से बातें करिए, बातें करते करते आप सोचेंगे। कुछ मत करिए, खाली बैठ जाइए तो सबसे ज्यादा सोचेंगे। सो जाइए तो दिमाग भी सोचता रहता, कुछ भी काम करिए तो दिमाग सोचना बंद नहीं करता, लेकिन जितनी देर आप टेलीविजन के सामने बैठेंगे कुछ नहीं सोच सकता। और आदमी जब सोचना बंद कर देता तो पागल हो सकता, इसलिए मैं कहता हूं ये टीवी बंद कर। और जिनके घर में केबल कनेक्शन है पता है उनको क्या बीमारी है? उनको खुद नहीं मालूम अपनी बीमारी के बारे में। मैं बताता हूं आपको, जिनके घर में केबल कनेक्शन है अक्सर मैंने लोगों को देखा है रिमोट कंट्रोल लेके बैठ जाते हैं और पट 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 दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, दबाते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, पोलियो से ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये पट 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 दबाना। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है कि 1 मिनट भी आपका दिमाग स्थिर नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं करता 1 मिनट भी। और जब आप अपने दिमाग को 1 मिनट भी स्थिर नहीं कर सकते तो आपकी तो जिंदगी बेकार। एक एक मिनट में दो दो तीन तीन चैनल बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, शांति से एक चैनल नहीं देख सकते। तो काहे को ये फालतू में 15 चैनल ले लिए, निकालिए बाहर करिए। कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई अब टीवी तो ले लिया है अब उसका क्या करें? टीवी ले लिया है तो ऐसा करिए रात को 8:30 बजे खोलिए, 9 बजे बंद कर दीजिए, और शाम को 7 बजे खोलिए, 7:15 बजे बंद कर दीजिए। इससे ज्यादा क्या काम उसका, इससे ज्यादा तो और कोई उपयोग नहीं। 8:30 बजे से 9 बजे तक, शाम को 7 बजे से 7:15 बजे, या सवेरे 7 बजे से 7:15 बजे तक, बस किस्सा खत्म। तो टाइम बचेगा, दिमाग खराब होने से बचेगा। और अगर ये केबल कनेक्शन आपने निकाला तो ये फालतू का क्रिकेट खेल भी निकल जाएगा, क्योंकि ESPN और स्टार स्पोर्ट्स इन्हीं दोनों ने क्रिकेट के खेल को गांव गांव पहुंचा, और ये दोनों पे चैनल हैं, सबका पैसा अमरीका जाता है। स्टार स्पोर्ट्स और ESPN एक साल में 225 करोड़ रुपए लूट के अमरीका ले जाते, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं हमारा, बर्बादी भी कर रहे हैं, पैसा भी अमरीका जा रहा है, तो क्यों फालतू में ले? तो ये सब चैनल निकाली। और मैंने आपको बताया कि टीवी के माध्यम से जो अपसंस्कृति आ रही है आपके घर में वो तो बहुत ही खतरनाक है। और आप ये जान लीजिए कि अगर ये सब संस्कृति ने आपके घर के बच्चों का चरित्र खलास कर दिया तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। हमारे देश में एक बहुत गंभीर बात कहते हैं, गर्भपूत कपूत तो क्यों धन संचय, माने बच्चे अगर चरित्रहीन है तो पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, गर्भपूत सपूत तो क्यों धन संचय, माने बच्चे अगर चरित्रवान है तो पैसे की चिंता मत करिए। तो चरित्र बनाइए पहले, वो जरूरी है, तो इसलिए इसको निकालिए।
फिर आप पूछेंगे मनोरंजन कैसे करें। मनोरंजन करने का सबसे अच्छा तरीका है परिवार के सब लोग एक साथ मिलकर बैठिए, टीवी बंद कर दीजिए, टुकड़ो जी महाराज के भजन गाइए, संत तुकाराम के भजन गाइए। इतने अच्छे अच्छे संत हुए हैं महाराष्ट्र में, इन सबके भजन गाइए, गीत गाइए, ये मनोरंजन का सबसे अच्छा तरीका। या फिर टीवी बंद कर दीजिए, पुस्तकें पढ़िए, मराठी भाषा में बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी गई, हिंदी भाषा की पढ़िए, मराठी की पढ़िए, या फिर टीवी बंद करिए, संगीत सीखिए, संगीत सीखिए, किसी को सिखाइए, या फिर टीवी बंद करिए, खेल खेलिए, कुछ भी खेल खेलिए, लेकिन क्रिकेट नहीं। दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले सब पागल, और जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो पागलों के पागल। आप फंस गए इस क्रिकेट के खेल, और मैंने बताया क्रिकेट का खेल राष्ट्र के लिए कितना नुकसान कर रहा। 1.5 महीने इंग्लैंड में मैच हुआ, हिंदुस्तान का 6,500 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हुआ इस देश, क्योंकि 40% सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेके घर में बैठ गए इस क्रिकेट के चक्कर, और मिला कुछ नहीं हमारे देश को। और ये क्रिकेट का खेल वैसे भी विदेशी खेल है, अंग्रेज आए तो क्रिकेट आया, अंग्रेज नहीं आते तो क्रिकेट नहीं आता कभी। अंग्रेज दुनिया के जो जो देश में गए वहीं क्रिकेट है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कीनिया, स्कॉटलैंड, इन्हीं देशों में क्रिकेट। तो क्यों फालतू में आप फंस गए? तो ये विदेशी खेल का बहिष्कार करें, विदेशी टीवी चैनल का बहिष्कार करें, तो हमारे ऊपर जो सांस्कृतिक युद्ध है उसमें से हम बच सकेंगे। आर्थिक युद्ध से बचने के लिए स्वदेशी इस्तेमाल करें, यही मैं आपको समझाने आया, और इसके लिए आपसे कुछ मांगने आया। आप कहेंगे क्या? वोट मांगने नहीं आया, कभी आऊंगा भी नहीं, वोट का मौसम है, मैं नहीं आया वोट मांगने, किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना मैं वोट मांगता ना मैं नोट मांगता। फिर आप पूछेंगे क्या मांगने आए? आपसे समय दान चाहिए, एक दिन में 24 घंटे आपके पास है, उसमें से एक घंटे का समय निकालिए और हिंदुस्तान को आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से बचाने के लिए समय लगाइए। तो आप पूछेंगे हम क्या करें? कुछ मत करिए, जो कुछ मैंने आपको कहा वही बात आप किसी पड़ोसी को कहिए। मैं मराठी नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हैं, यही बात मराठी भाषा में घर घर में पहुंचाइए। हमारे यहाँ आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने टीम बनाई है, वो घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, आप भी उनके साथ शामिल हो जाइए। जो लोग इस काम में सहयोग करें, शामिल हों, वो अपना नाम पता बाहर देकर जाएं, हमारा एक स्टॉल लगा। और दूसरा, मुझे आपसे संकल्प चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में संकल्प करेंगे। जैसे हमारे सैनिकों ने राजनीतिक युद्ध में देश को विजयी बनाने के लिए संकल्प किया और अपनी जान गंवाई, तो हम तो कुछ संकल्प करें अपने राष्ट्र के लिए। तो वो संकल्प मुझे आपसे चाहिए। तो आप पूछेंगे संकल्प अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि आप सब एक मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, मैं आपको एक संकल्प कराता हूं। हम सब मिलकर आज राष्ट्र के लिए एक संकल्प करेंगे, और राष्ट्र का जब संकल्प करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखते हैं कि दाहिना हाथ सामने होता है। आप सब लोग अपना अपना दाहिना हाथ सामने करिए, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जहां मैं बोलूंगा करता हूं, वहां पर सब महिलाएं बोलेंगी करती। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मेरे राष्ट्र के खिलाफ जो षड्यंत्र किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमरीकी कंपनी का, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन आदि कंपनियों का कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा। अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए मैं संकल्प करता हूं कि यथाशक्ति विदेशी टीवी चैनलों का
बहिष्कार करूंगा। मेरी जितनी शक्ति है उसका इस्तेमाल करके मैं अन्य दूसरों को इसी स्वदेशी के संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा। आपने संकल्प लिया, आपको ये संकल्प निभाने के लिए एक स्वदेशी विदेशी का